ओके, वी आर स्टार्टिंग विथ न्यू चैप्टर सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ओके, सो दिस चैप्टर इज एज पर इंस्टीट्यूट मैट ओनली देयर इन सी ए न्यू सिलेबस एंड सी एम ए. सो इट्स नॉट देयर इन सी ए ओल्ड सिलेबस, ऑल्दो देर आर सम जस्ट वन और टू लाइन्स डेफिनेटली देयर इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सी ए ओल्ड सिलेबस. दे आर नॉट टॉकिंग इन डिटेल द वे वी आर गोइंग टू. So CA old syllabus, you just need to know about the concept. If you have knowledge from regular course also, it's fine. But if not, then you just focus on overview, and for others you have to go into deep. Supply chain के लिए आपको एक interesting चीज बताते हैं. जैसे सोचिए Apple अपना एक phone है. वो phone आपको क्या पता है कि कहाँ पे बनता है? आपको क्या पता है कि वो कहाँ पे बनता है? जिनको पता है वो कृपया टाइप करें तो देखें तो क्या पता है एप्पल फोन कहाँ पे बनता है, एप्पल का फोन कहाँ पे बनाया जाता है. एप्पल का फोन कहाँ पे बनाया जाता है, थोड़ा सा जल्दी से टाइप करें तो देखिए सबका जवाब एक ही है, आंसर है चाइना. क्यों? क्योंकि वहां लिखा हुआ रहता है. ठीक है, अच्छा, असेंबली इन चाइना, वेरी गुड. नमन हैज गिवन द एग्जैक्ट डिटेल, असेंबली इन चाइना. तो क्या असेंबली से ही एक प्रोडक्ट बन जाता है? कि असेंबली इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस. सो असेंबल्ड इन चाइना है, ध्यान रखो वो चाइनीज गवर्नमेंट एक कंडीशन लगाया हुआ, अगर यहाँ पे असेंबल होगा तो का प्रोडक्ट में लिखना पड़ेगा असेंबल्ड इन चाइना, जिससे लोगों को पता चले कि चाइना का ब्रांडिंग हो. ठीक है, बट इंटायर मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट इन चाइना. द टेक्नोलॉजी आर एन डी हैज बिन डन इन कैलिफोर्निया. सेवरल पार्ट्स आर कमिंग फ्रॉम यूरोप, अफ्रीका एंड अदर पार्ट्स ऑफ एशिया. सम आर कमिंग फ्रॉम जापान ऑल्सो, साउथ कोरिया ऑल्सो, एंड एवरी थिंग इज गोइंग टू चाइना. इट इज गेटिंग असेंबल्ड ओवर देयर एंड देन इट इज ब्रॉट बैक टू यूएस, फ्रॉम वेयर डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड टेक्स प्लेस, एंड इन सम डेस्टिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस डायरेक्टली थ्रू चाइना. अब सोचो, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि सोचिए एक बर्गर है, बर्गर जिसको मैं और यहाँ पे दो जन को और ले लो, पंकज विकास, तीन आदमी हैं. मैंने ब्रेड को काट दिया, पंकज ने उसके ऊपर वो चॉप को रख दिया, वेजिटेबल्स डाल दिया, और विकास ने उसको ऊपर वाला बन को रखकर थोड़ा सा उसको हॉट करके उस पर एक स्टिक डाल दिया जिससे कि वो सर्वेबल हो जाए. तो तीन जन मिल के बर्गर बनाए, तो क्रेडिट किसको जाना चाहिए, मेरे को कि पंकज को कि विकास को? द आइडिया इज नो वन, क्रेडिट तीनों को ही जाना चाहिए. वैसे ही एप्पल का फोन बन रहा है, असेंबल हो रहा है चाइना में, और आपको पता है सारा R&D कैलिफोर्निया में है. उसके पार्ट्स चारों तरफ इंडिया वर्ल्ड में बन रहे हैं, यूरोप में भी बन रहे हैं, कुछ मिडल ईस्ट कंट्रीज में बन रहे हैं, कुछ आपके जापान में बन रहे हैं, और वो सब मिलके चाइना भेजा जा रहा है और फिर चाइना उसका असेंबली कर रहा है. तो असेंबली यदि वो चाइना में हो रहा है तो आप खाली टैग लगा दोगे कि आप सब कुछ चाइना कर रहा है? वो ऐसा उसका ब्रांडिंग किया गया है कि ऐसा फील दे कि सब कुछ चाइना में हो रहा है, बट चाइना में जस्ट एक स्टेप हो रहा है. ठीक है, तो आप सोचिए एक स्टेप इस कंट्री में, दूसरा स्टेप कहीं और, तीसरा स्टेप कहीं और, पार्ट्स कहीं और से आ रहा है. ये सब वर्ल्ड लेवल पे जो काम हो रहे हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा करना और फिर बन जाने के बाद पूरा वर्ल्ड में वापस फैलाना, वापस डिस्ट्रीब्यूट करना पूरा वर्ल्ड में, ये कोई हंसी मजाक का काम नहीं है. इसी को बोलते हैं ये पूरा जो प्रोसेस जो है यहाँ पर फॉलो किया जाएगा उसी को बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट. सप्लाई चेन मैनेजमेंट लुक्स आफ्टर दिस एंटायर प्रोक्योरमेंट, एंटायर मैन्युफैक्चरिंग an entire distribution of your product to a global market. ठीक है,
अच्छा, एप्पल का फाउंडर कौन था, जल्दी से टाइप करिए तो। एप्पल का फाउंडर कौन था, जल्दी से टाइप करिए, ये सबको पता ही है। एप्पल का फाउंडर कौन था, ये सबको पता है। जल्दी जल्दी जल्दी, स्टीव जॉब्स। अच्छा, उसका को फाउंडर कौन था, स्टीव जॉब्स का दोस्त का नाम बताइए, जो आज भी जिंदा है, जो एप्पल में आज भी फाउंडर का ही रोल प्ले कर रहा है। आपको मालूम है उसके साथ उनका दोस्त कौन था, जो आज भी जिंदा है और वो भी फाउंडर का ही रोल प्ले कर रहा है? यस, शिशिता गॉट इट करेक्ट एंड फर्स्ट। टिम कुक। टिम कुक। टिम कुक जब एप्पल को ज्वाइन किया था तो वो एक लक्ष्य लेके आया था कि एप्पल का सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करेंगे। पूरे एप्पल में उनको सप्लाई चेन एक्सपर्ट कहा जाता है। एप्पल में उनको सप्लाई चेन एक्सपर्ट कहा जाता है। एप्पल जब अपना काम शुरू किया था ना मैन्युफैक्चरिंग का, तो वो मेजॉरिटी काम यूएस में ही करता था। बट टिम कुक आकर, दिमाग लगाकर ऐसे ऐसे प्रोसेस सेट किया कि वो सब कॉन्ट्रैक्ट कर करके, आउटसोर्स कर करके, ऐसे ऐसे जगह पर, बेस्ट टू बेस्ट जगह पर अपना प्रोडक्ट को बनवाए या पार्ट्स को बनवाए, जो लोग उसको बेस्ट बना सकते हैं, और फिर उस पूरा को चैनलाइज कर कैसे किया जाए जिससे कि इजिली जहाँ पे असेंबल होना है वहाँ पहुँच जाए, और इजिली जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होना है या बेचना है वहाँ पर भी पहुँच जाए। इनका एक इंटरव्यू में आता है बात कि टिम कुक कहते हैं कि अगर हमें चाइना की जगह यूएस में बनाना पड़ा तो कॉस्ट एक अलग बात है, तो हम चाइना क्यों जाते हैं? एक ज़माना था लोग कहते थे चाइना हम इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे लेबर का कॉस्ट कम है, बट वो ज़माना चला गया। अब वहाँ पे कोई लेबर कॉस्ट कम नहीं है, अब वहाँ पे लेबर का स्किल लेवल बहुत हाई है। टिम कुक कहते हैं अपने एक इंटरव्यू में कि यदि मैं स्किल्ड इंजीनियर्स की बात करूँ यूएस में, मैं शायद एक कमरा ही भर सकूँगा स्किल्ड इंजीनियर से, बट अगर मैं चाइना में बात करूँ स्किल्ड इंजीनियर्स की, तो मैं एक फुटबॉल फील्ड भर सकता हूँ, फुटबॉल फील्ड पूरा भर सकता हूँ, इतने वहाँ पे स्किल्ड इंजीनियर्स हैं। तो वो स्किल के कारण वो लोग चाइना पे डिपेंड होते हैं। हालांकि चाइना में इवन एप्पल का ही प्रोडक्ट चाइना में महंगा मिलता है देन व्हाट इट इज़ इन यूएस। बनता मेजॉरिटी असेंबली चाइना में होता है, बट चाइना में ही महंगा मिलता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ अगेन रेगुलेशंस एंड टैक्सेस, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। सो आई एम जस्ट शेयरिंग यू अ ग्लिम्स ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। व्हाट डज सप्लाई चेन डू? इट हेल्प्स अ कंपनी टू इजिली सीमलेसली प्रोक्योर इट्स पार्ट्स, मैन्युफैक्चर इट इन अ सिंक्रोनस वे एंड इजिली डिस्ट्रीब्यूट इट टू इट्स मार्केट। ये पूरा एक एंड टू एंड प्रोसेस है। वो एंड टू एंड प्रोसेस का पूरा जितना भी स्टेप्स है वो सब सप्लाई चेन में कवर्ड है। ठीक है, सप्लाई चेन में दो पार्ट आता है। जैसे अगर हम एक कंपनी अपने आप को सोचें, तो कंपनी के पहले आता है सप्लायर जिनसे हम खरीदते हैं, कंपनी के पहले आता है सप्लायर जिनसे हम खरीदते हैं। ठीक है, सो सप्लायर और मेरा रिलेशनशिप, सप्लायर और मेरा रिलेशनशिप को हम बुलाते हैं अपस्ट्रीम मैनेजमेंट, और फिर मैं कंपनी हूँ, मेरा कस्टमर है जिनको हम सेल करते हैं, मेरा कस्टमर है जिनको हम सेल करते हैं। तो मेरा और कस्टमर का रिलेशनशिप को हम लोग बुलाते हैं डाउन स्ट्रीम मैनेजमेंट। तो देर आर टू स्ट्रीम, अपस्ट्रीम इज मी एंड माई सप्लायर एंड मी एंड माई कस्टमर इज डाउन स्ट्रीम मैनेजमेंट। ठीक है, ध्यान रहेगा सप्लाई चेन क्या है, अपस्ट्रीम क्या है, डाउन स्ट्रीम क्या है। नेक्स्ट, जब सप्लाई चेन में प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन इनिशिएट होगा तभी तो सप्लाई चेन का काम शुरू होगा। तो प्रोडक्शन का दो सिस्टम है, एक पुश सिस्टम है, एक पुल सिस्टम है।
पुश सिस्टम में क्या होगा कि हम लोग पहले से डिमांड फोरकास्ट करके उसके हिसाब से प्रोडक्शन करना शुरू करेंगे। प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट वगैरह करेंगे, स्टॉक बनाएंगे और फिर स्टॉक को मार्केट कर करके बेचेंगे। और एक पुल सिस्टम होता है जो ऑटोमोबाइल्स में फॉलो होता है, JIT सिस्टम, जहाँ पे पहले ऑर्डर लेकर आएंगे और उसके हिसाब से फिर रॉ मटेरियल फटाफट परचेज किया जाएगा और फटाफट डिलीवरी करवाने का कोशिश किया जाएगा। करेक्ट। तो देर इज अ पुश सिस्टम, देर इज अ पुल सिस्टम। पुश सिस्टम हैज़ इट्स ओन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सप्लाई चेन, पुल सिस्टम हैज़ इट्स ओन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सप्लाई चेन, राइट। तो तीन बात बताया सर ने, सप्लाई चेन क्या है, दूसरा बात सर ने बताया अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम उसके दो कंपोनेंट हैं, तीसरा बात सर ने बताया कि दो तरह से प्रोडक्शन होता है, पुश सिस्टम और पुल सिस्टम। सप्लाई चेन में तीन की प्रोसेस हैं। जैसे सप्लाई चेन यूजुअली एक कॉन्सेप्ट है जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन पे ज़्यादा लगता है, हालांकि एक्सेप्शन है, सर्विस पे भी लग सकता है, बट मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़्यादा प्रीवेलेंट है। तो उसके तीन की प्रोसेस आते हैं, एक प्रोक्योर करो, दूसरा मैन्युफैक्चर करो और तीसरा डिस्ट्रीब्यूट करो, और एक चौथा प्रोसेस भी डाल सकते हो, प्लानिंग करो, अच्छे से प्लानिंग करो, प्रोक्योरमेंट करो, मैन्युफैक्चर करो और डिस्ट्रीब्यूट करो, और एक स्टेप आता है अच्छे से प्रोडक्ट का प्लानिंग करो, पूरा डेवलपमेंट वगैरह, हर एक चीज़ का रिसोर्स अरेंजमेंट वगैरह, पूरा प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आप आइए देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। सप्लाई चेन में एंटायर नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग टुगेदर टू डिज़ाइन, क्या क्या काम है उनका, पहले प्लानिंग वाला स्टेज यानी डिज़ाइन स्टेज, प्रोड्यूस करना, डिलीवर करना, और डिलीवर करने के बाद अगर आफ्टर सेल सर्विस का ज़रूरत है तो वो भी करना। क्या क्या करेंगे, डिज़ाइन, प्रोड्यूस, डिलीवर एंड सर्विस प्रोडक्ट्स, ऑल एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विथ द फ्लो एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल टू एंड यूज़र, जितना भी एक्टिविटी इन्वॉल्व है सब सप्लाई चेन का हिस्सा है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ ऑल प्रोसेस फ्रॉम एंड यूजर थ्रू ओरिजिनल सप्लायर्स दैट प्रोवाइड्स प्रोडक्ट सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन दैट एड वैल्यू फॉर कस्टमर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। सप्लाई चेन, यहाँ पे वर्ड चेन का मतलब क्या हो रहा है, चेन का मतलब है सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। गुड्स जब तक एंड यूजर तक नहीं पहुँच जाता तब तक सब स्टेप्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वो कनेक्शन को समझना और उसको सीमलेसली एग्जीक्यूट कराना ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम लोग अमेजोन में ऑर्डर करते हैं, तो ऑर्डर करने के बाद अमेजोन के पास क्या तो स्टॉक होता है तो वहाँ से प्रोसेस करता है, स्टॉक नहीं होता है तो वो अपना रीसेलर को ऑर्डर प्लेस करता है और वो वहाँ से फिर उसको प्रोसेस करता है। फिर वहाँ पे जब जैसे हम लोग भी अमेजोन में अपना डिवी जड़ी बूटी बुक पहले होस्ट करके रखे हुए थे, तो वहाँ पे क्या होता था, जैसे एक स्टूडेंट ऑर्डर करता था वैसे ही हमारे पास नोटिफिकेशन आता था, तो हम उसका पैकिंग करते थे, फिर एक उनका कुरियर पार्टनर है उनको कुरियर पार्टनर को मैसेज करते थे, इनफैक्ट कुरियर पार्टनर को पहले ही अपडेट हो जाता था, ठीक है, कि इनका एक ऑर्डर आया हुआ है। तो हम लोग को यहाँ पे एक बटन दबाना पड़ता था कि हाँ पिकअप शेड्यूल करो, तो पिकअप शेड्यूल करते थे तो वो पिकअप करने आता था, फिर पिकअप करने आता था तो सही चीज़ पिकअप हो रहा है कि नहीं वो उस पर ध्यान देता था, फिर वो यहाँ से पिकअप करके ले जाके आपको देता था, अगर आप रखते थे तो रख लेते थे, नहीं रखते थे तो वापस रिटर्न भी कर देते था। तो अगर कोई नहीं रखता था वहाँ पे, अमेज़ॉन में तो सिस्टम है ना, लोग लेते हैं और फिर नहीं भी लेते रखते हैं और फिर वापस रिटर्न आ जाता है, तो वो भी सही जगह रिटर्न आना, रिटर्न आने तक का काम सप्लाई चेन में। और इसके बाद भी यदि कस्टमर को कुछ और मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन जानना है, कोई ग्रीवांस है, तो वो सब भी वो वहाँ पे अमेज़ॉन में डालने का सिस्टम है, जो मे बी आफ्टर सेल जिसको आप बोलते हो वो भी सप्लाई चेन का पार्ट है। की बिजनेस प्रोसेस में क्या आ रहा है, देखो एक आ रहा है प्रोक्योरमेंट इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो अभी मैंने बोला, दूसरा आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट, मतलब सिंक्रोनसली मैन्युफैक्चरिंग फ्लो बना रहना चाहिए, नेक्स्ट आ रहा है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और एक बीच में आ रहा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कमर्शलाइजेशन, जिसको आप फर्स्ट में भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि वो थर्ड नंबर पे लिखना है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कमर्शलाइजेशन का मतलब है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एज पर कस्टमर है कि नहीं है, मतलब आपका सप्लाई चेन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखिए यहाँ पे आपको वैल्यू क्रिएट करना है सबके लिए, ठीक है, इट शुड ऐड वैल्यू फॉर योर कस्टमर्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ इट्स नॉट एडिंग वैल्यू देन योर सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज यूजलेस।
सो कस्टमर का वैल्यू तभी है जब आपने प्रोडक्ट में ऐसे कुछ फीचर्स डाले या ऐसा डेवलप किया उसको जिससे कस्टमर का फ़ायदा हो, कस्टमर जो चाहता है, और ऑफ कोर्स वो अगर उसके लिए प्राइस दे रहा है तो वो चाहता है, तो वैसा ही प्रोडक्ट आपको डेवलप करना है, मतलब अपने मन से डेवलप नहीं करना है। तो इसके लिए भी कस्टमर्स का रिव्यू वगैरह लेना पड़ता है, कुछ पायलट टेस्टिंग करने पड़ते हैं, तो वो सब भी आपका सप्लाई चेन का ही पार्ट हो जाता है। इन केस ऑफ अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सीए का न्यू सिलेबस में केस स्टडी आया था अभी हाल में, एग्जाम में नहीं आया, केस स्टडी इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ किया है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे एक, उसका सप्लाई चेन के बारे में की बिजनेस प्रोसेस लिखो। तो वहाँ पे की बिजनेस प्रोसेस में डिफर एज पर द नेचर ऑफ सर्विस, सो हाउ एवर फॉलोइंग मे बी नोटेड। पहला, इंफॉर्मेशन फ्लो टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन सप्लायर एंड कस्टमर। जैसे फॉर इंस्टेंस आप सर्विस के लिए सोचना चाहते हो तो एक सबसे बढ़िया तरीका सोचने का कि सोचिए वही ट्रैवल एजेंसी है, ठीक है? तो ट्रैवल एजेंसी ने में एक हम लोग एक कस्टमर बन के गए, कस्टमर ने अपना एक रिक्वायरमेंट रखा कि मेरे को यहाँ यहाँ ऐसे ट्रैवल का प्लान बना के दीजिए। तो ट्रैवल एजेंट के सप्लायर्स होते हैं जैसे कि होटल वाले, एयर टिकट्स वाले, या फिर गाड़ी वाले, ठीक है, या फिर कोई और आपका कोई रिक्वायरमेंट है तो वो वाले। तो इफ इंफॉर्मेशन फ्लो बिटवीन योर कस्टमर्स एंड सप्लायर शुड बी वेरी वेरी स्मूथ, एल्स आ कस्टमर कुछ और चाह रहा है और आप कुछ और कम्युनिकेट करो सप्लायर को। देन कैपेसिटी एंड स्किल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप टू प्रोवाइड द सर्विस, ठीक है? तो आपका सर्विस प्रोवाइड करने के लिए क्या, तो जो एजेंट होना चाहिए उसमें अच्छा दिमाग होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए पूरा ट्रैवल प्लान्स के बारे में, ठीक है? और आपका ऑब्वियसली आपके पास यदि मान लीजिए कोई ऐसा सर्विस सेंटर है, फॉर इंस्टेंस जैसे हॉस्पिटल है, फॉर इंस्टेंस जैसे होटल है, तो अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जहाँ पे आप सर्विस देंगे। ओके, इवन आप सर्विस मान लीजिए वर्चुअल वे में दे रहे हैं किसी कारण से, तो वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे आप इजीली सर्विस उनको दे पाएंगे। सो डिमांड मैनेजमेंट इज नेक्स्ट। डिमांड मैनेजमेंट इज दे नीड टू कंटिन्यूअसली गेट मोर कस्टमर्स फॉर देयर बिजनेस, सो दैट ऑल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन। इफ नो कस्टमर्स आर कमिंग देन यू हैव टू इंक्रीज द कस्टमर्स बाई ग्रोइंग द डिमांड। एंड डिमांड कैसे ग्रो किया जाता है, कुछ टूरिज्म वूरिज्म का ऐड करके कि लोगों को दिखाया जाए कि टूरिज्म से क्या फ़ायदा हो सकता है। करेंट सिनेरियो में तो पेंडेमिक में ये सब बोलना ही उचित नहीं है, बट मैं आपको एक जनरल नॉन पेंडेमिक सिनेरियो को इमेजिन करके देखो तब समझ में आएगा। देन आ रहे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मीन्स आपको पता होना चाहिए कि आप जिस कस्टमर से डील कर रहे हैं उनका अकाउंट का प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, वो आपको फ़ायदा दे रहे हैं कि नुकसान दे रहे हैं, जो आप लोग को सिखाया हूँ स्ट्रेटजिक एनालिसिस में वो। फिर है सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसमें आप सप्लायर से रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वो टाइम पे गुड्स दे रहा है कि नहीं, सही क्वालिटी का दे रहा है कि नहीं। अब गुड्स की जगह सर्विसेज की बात होगी। सर्विसेज डिलीवरी मैनेजमेंट में जैसे आप अपने कस्टमर को क्या प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं आपका काम कितनी देर में करके दूंगा, जैसे होता है ना कि अच्छा आपने सारा रिक्वायरमेंट बता दिया, आई विल गेट बैक टू यू विद इन 2 डेज, तो 2 डेज माने 2 डेज, दैट इज कॉल्ड ए सर्विस लेवल अग्रीमेंट, SLA बोलते हैं, सर्विस लेवल अग्रीमेंट। अगर आपको कभी कोई डिस्प्यूट हुआ तो विद इन 2 आवर्स वो रिजॉल्व हो जाएगा, या विद इन 4 आवर्स हमारा एग्जीक्यूटिव आपके पास पहुंचेगा। तो 4 आवर्स माने 4 आवर्स। देन कैश फ्लो पेमेंट भी आपको मेंटेन करना चाहिए, बिकॉज इफ यू डोंट डू टाइमली पेमेंट टू योर सप्लायर्स देन दे मे कैंसिल द बुकिंग्स एंड ऑल, एंड दैट विल अल्टीमेटली अफेक्ट योर गुडविल। सो इफ यू हैव टेकन पेमेंट फ्रॉम योर कस्टमर्स, यू शुड इमीडिएटली पास इट ऑन टू सप्लायर, यू शुड नॉट होल्ड इट। सो कैश फ्लो पेमेंट टू सप्लायर, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स एंड प्राइजिंग, सो ऑल दिस ऑल्सो बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ की बिजनेस प्रोसेस ऑफ सप्लाई चेन इन अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? सो यू हैव टू रिलेट दिस विथ अ सर्विस। से सर्विस में मैंने ट्रैवल एजेंट लिया, आप कोई एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन ले सकते हो, ठीक है? आपको एक सर्विस दिमाग में सोच के ये फिर पॉइंट सारे पढ़ने पड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक्चुअली ये कंटिन्यूएशन में लिख दिया गया है, बट ये कंटिन्यूएशन में नहीं है, ये अपना एक इंडिपेंडेंट पॉइंट्स है। ओके, दीज आर अपना इंडिपेंडेंट पॉइंट्स विच इज बेसिकली अ पॉइंट्स फॉर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आ रहा है ग्लोबल सप्लाई चेन फ्रेमवर्क, एक ये बेसिकली एक बॉडी है जो सप्लाई चेन को प्रमोट करता है।
तो ग्लोबल सप्लाई चेन फ्रेमवर्क कह रहा है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर आठ प्रोसेस होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर आठ प्रोसेस होता है। तो आठ प्रोसेस में क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है, आठ प्रोसेस में क्या क्या प्रोसेस हो सकता है। तो पहला प्रोसेस है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मतलब कस्टमर का अकाउंट का प्रॉफिटेबिलिटी आप चेक करिए, वो आपको प्रॉफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। फिर जो ज़्यादा फ़ायदा देता है कस्टमर, उससे आप अच्छा रिलेशन मेंटेन करिए, जो कम फ़ायदा दे रहा है उससे ऑब्वियसली जूनियर्स को हैंडल करने दीजिए। सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आता है कि सप्लायर के साथ ऐसा रिलेशन मेंटेन करिए जिससे कि वो आपको टाइमली गुड्स या सर्विस देता रहे, क्योंकि सप्लायर यदि आपके साथ रिलेशन मेंटेन नहीं करेगा प्रॉपर, तो फिर कहीं ना कहीं आप अपने कस्टमर के साथ रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए मारवाड़ी बुद्धि में तो क्या होता है ना, दोनों को पारिवारिक का ही, परिवार का ही रोल मान लेते हैं हम लोग, पारिवारिक लोग ही मान लेते हैं। मारवाड़ी बुद्धि, बनिया बुद्धि बोलता है कि ये दोनों को भी परिवार का हिस्सा समझो तभी धंधा चलेगा, नहीं तो धंधो चालक होनी। कैसे, जब भी देखना कोई भी मारवाड़ी घरों में कोई पार्टीज होती है या फिर कोई भी गेट टुगेदर होता है, कोई भी फंक्शन होता है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट बुलाने का कोशिश करते हैं। यूजुअली करंट सिनेरियो में तो वो सब मुमकिन नहीं है, बट कोशिश करते हैं, और उस कोशिश में हमारे घर वाले से ज़्यादा हमारे बिजनेस एसोसिएट्स होते हैं। बिजनेस एसोसिएट में कौन होता है पता है, यही सप्लायर्स और कस्टमर्स। कुछ हमारे अच्छे कस्टमर्स हमारे साथ जुड़ेंगे तो कुछ हमारे सप्लायर हमारे साथ जुड़ेंगे, उन दोनों को भी हम परिवार का हिस्सा बना के चलते हैं, जिससे कि उनसे रिलेशन मेंटेन रहा तो इट वुड बी इजी फॉर अस टू ग्रो, राइट। नेक्स्ट आ रहा है कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, इज ऑल अबाउट द आफ्टर सेल सर्विस, जैसे सर्विस लेवल अग्रीमेंट जो अभी ऊपर में बताया कि आप जो कस्टमर को प्रॉमिस कर रहे हैं वो एग्जैक्टली उस समय में हो रहा है कि नहीं। अगर आपके यहाँ मान लीजिए कस्टमर को आपने बोला है कि मैं आपका गुड्स इतने दिन में डिलीवर कर दूंगा, तो डिलीवर कर देना चाहिए। कस्टमर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरा ये चीज़ करवा दो, तो आप जो बोल रहे हैं जितना दिन में कराएंगे तो उतना दिन में हम करा देंगे, रिस्पॉन्सिवनेस रहना चाहिए। देन डिमांड मैनेजमेंट इज अबाउट ग्रोइंग द डिमांड ऑफ योर प्रोडक्ट, जो ऊपर में भी हमने पढ़ा था। ऑर्डर फुलफिलमेंट मतलब जैसे ऑर्डर प्रोसेस करने में कितना आपको समय लग रहा है, एक बार कस्टमर ऑर्डर किया तो ऑर्डर प्रोसेस करके आपको देने में कितना समय लग रहा है। जैसे अब मैंने बताया ना अमेजोन का अपना फुलफिलमेंट सेंटर्स होता है, जैसे फॉर इंस्टेंस डोमिनोज में हम पिज़्ज़ा बुक करते हैं तो वो बोलता है ना सर आधे घंटे में पहुंच जाएगा, बट आधे घंटे में पहुंच जाएगा तो पहले आधे घंटे के पहले बनाना भी तो पड़ेगा ना, करेक्ट। तो बनाना और करना जो है वो ऑर्डर प्रोसेसिंग है, मतलब ऑर्डर आपने दिया उसके बाद उसके पीछे काम करने आदमी लग गए, उसका कितना मिनिमम स्टेप्स हो वो है ऑर्डर प्रोसेसिंग। ओके, एंड प्रोसेसिंग के बाद वो ऑर्डर को रेडी करना और फिर एक्चुअली आपके यहाँ तक पहुँचाना, इज कॉल्ड एज ऑर्डर फुलफिलमेंट। मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट का इज बेसिकली इफ़ यू हैव अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वेयर प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस थ्रू सेवरल स्टेप्स, देन योर स्टेप्स शुड बी सिंक्रोनाइज, नो वन शुड बी स्टार्विंग फॉर एनी इनपुट। मतलब किसी भी प्रोसेस में दूसरे से अभी तक रॉ मटेरियल आया नहीं या इन आउटपुट आया नहीं इसका इनपुट बनने के लिए और ये बैठे रहेगा, आइडल टाइम वगैरह नहीं होना चाहिए, वो फ्लो कंटिन्यूस रहना चाहिए। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कमर्शलाइजेशन इज वॉट, कि आप प्रोडक्ट ऐसे डेवलप करो जो कस्टमर के काम का हो, और तभी उसका प्राइसिंग भी अप्रोप्रिएट करो जिससे कि वो कॉम्पिटिशन में प्रोडक्ट स्टैंड कर पाए। रिटर्न मैनेजमेंट इज अबाउट रिवर्स लॉजिस्टिक्स बोलते हैं इसको, रिवर्स लॉजिस्टिक्स मीन्स टेकिंग बैक प्रोडक्ट फ्रॉम कस्टमर एंड गिविंग टू द सप्लायर इफ रिक्वायर्ड और कीपिंग इट टू योर प्लेस, डिपेंड्स कि आपका बिजनेस कैसा है। जैसे अमेजोन में आप बोला ना कि आप यदि कोई चीज़ ऑर्डर करते हो और वो आप एक्सेप्ट नहीं करते हो किसी कारण से, तो वो सारा का सारा चीज़ वापस कोई शिपिंग पर्सन आएगा लेके जाके और सही जगह पहुंचा देगा वापस जिससे वो प्रोडक्ट लाया गया था। तो दैट इज़ रिटर्न मैनेजमेंट। ओके, रिटर्न मैनेजमेंट में और भी तरीका से आता है, जैसे कुछ कंपनियां, जैसे एप्पल का एग्जांपल दो तो एप्पल में कई बार ये लोग ऐसा सिस्टम निकालते हैं एक्सचेंज पॉलिसी, फॉर इंस्टेंस एक्सचेंज पॉलिसी, एक्सचेंज पॉलिसी भी आता है इनका, कई बार ये लोग रिप्लेस कर देते हैं, ऐसा आई स्टोर में जाइए पुराना फ़ोन दे दीजिए, नया ले जाइए थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दीजिए, तो जो पुराना फ़ोन है वो आई स्टोर में रह के क्या करेगा, वो वापस रूट कर दिया जाता है टू द फैक्ट्री ऑफ चाइना, वहाँ पे असेंबली प्लांट में वापस पहुँचा दिया जाता है, जो काम का पार्ट्स होता है रीयूजेबल होता है एक्सपेंसिव पार्ट्स होता है उसको खोल दिया जाता है, बाकी सबको स्क्रैप कर दिया जाता है। सो दैट इज़ रिटर्न मैनेजमेंट, कि वापस कस्टमर से कैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक या फिर सप्लायर तक वो चीज़ को वापस पहुँचाया जा सके। ठीक है,
सो टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन में मैंने आपको बताया पुश सिस्टम पुल सिस्टम, ये आपको ऑलरेडी समझा दिया मैंने कि पुश में क्या होता है, सप्लायर, फिर मैन्युफैक्चरर, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचा दे रहा है, फिर रिटेलर के पास स्टॉक है और कस्टमर परचेज करता है जो अवेलेबल है वही। और पुल सिस्टम में उल्टा चल रहा है, कस्टमर पहले ऑर्डर कर रहा है ओके, और फिर रिटेलर उसको दे दिया, मान लो कस्टमर ऑर्डर किया तो रिटेलर के पास है तो दे दिया, नहीं तो रिटेलर क्या करेगा, स्टॉक रिप्लेनिश करेगा, रिप्लेनिश करेगा मतलब ऑर्डर करेगा, तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास है तो दे दिया, नहीं है तो वो अपना वेयर हाउस को रिप्लेनिश करेगा, और रिप्लेनिश करने के बाद वो मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा, मतलब रिप्लेनिश करना मतलब ऑर्डर प्लेस करना, तो मैन्युफैक्चरर के पास है तो दे देगा, नहीं है तो वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगा, प्रोड्यूस टू ऑर्डर, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है बट इट शुड बी प्रोड्यूस, प्रोड्यूस टू ऑर्डर ओके। तो वो जैसा ऑर्डर है उसके हिसाब से प्रोड्यूस करेगा, और अगर उसके पास रॉ मटेरियल नहीं है तो वो सप्लायर को बोलेगा सप्लाई अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। सो दिस इज पुल सिस्टम। नेक्स्ट इज कमिंग अपस्ट्रीम मैनेजमेंट। अपस्ट्रीम फ्लो मैनेजमेंट में अपने किसको मैनेज करें, सप्लायर को। तो इसका दो पार्ट है, सप्लायर का रिलेशनशिप विद सप्लायर्स और एक यूज ऑफ इन्फोटेक, इन्फोटेक विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ई प्रोक्योरमेंट, कि कितना आप एक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सप्लायर से काम कर सकते हैं। तो पहले रिलेशनशिप विद सप्लायर में बेसिकली आइडिया है कि आप सप्लायर को चूज़ कैसे करेंगे, सप्लायर को चूज़ करने का स्ट्रेटजी क्या है। तो पहले आपको देखना है कि किस सोर्स से सप्लायर को लेना है, सोर्स माने कि उसका लोकेशन क्या होगा, मतलब वो मान लीजिए जैसे होता है ना एक आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट्स लेना चाह रहे हो तो आप चाइना चले गए, ऐसे होता है ना, वैसे टेक्सटाइल का कुछ लेना चाह रहे हो तो आप यूरोप चले गए। सो इट्स लाइक दैट कि आप हब से सप्लायर को लेना चाहते हैं, हब माने जहाँ पे सब लोग हैं, मेन प्लेस है वहाँ से, या फिर आप लोकल सप्लायर को लेना चाहते हैं तो सोर्स क्या होगा, सोर्सेज, सोर्सेज माने आप सप्लायर को कहाँ से सोर्स करोगे, व्हाट विल बी द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ योर सप्लायर, देन यू विल ऑल्सो सी हाउ मेनी सप्लायर्स आर देयर, देन यू विल इवेल्युएट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉस्ट, क्वालिटी, स्पीड ऑफ डिलीवरी ओके, एंड देन यू विल सी वेदर वी शुड मेक ourselves और वी शुड डिपेंड ऑन सप्लायर also. तो आपका सप्लायर को सिलेक्शन करने का स्ट्रेटजी क्या, दैट इज ओनली डिटरमाइनिंग योर रिलेशनशिप विद सप्लायर, कि हाउ डू यू सोर्स द सप्लायर, यू वॉन्ट टू वर्क विद टॉप सप्लायर्स और यू वॉन्ट टू वर्क विद स्मॉल सप्लायर्स, यू वॉन्ट टू वर्क विद गवर्नमेंट सप्लायर और नॉन गवर्नमेंट सप्लायर, यू वॉन्ट टू वर्क विद फॉरन सप्लायर और यू वॉन्ट टू वर्क विद लोकल सप्लायर, you want to have supplier from main market or you want to have supplier local okay, you want to have established suppliers, you want to have new suppliers, so it's your strategy with whom you want to work, theek hai, wo ek porter's five force ka ek concept hota hai na, bargaining power of suppliers mein, ki hum nahi chahte supplier hame dabaye to uske hisab se hum apne supplier ko source karte hain, supplier ke से हम दबना नहीं चाहते, दे शुड नॉट पोज थ्रेट ऑन अस, सो बेस्ड ऑन दैट वी सिलेक्ट आवर सप्लायर, देन नंबर ऑफ सप्लायर्स, देन देयर इवेल्युएशन विल बी इन द टर्म्स ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी, स्पीड, एंड वी शुड ऑल्सो थिंक वेदर वी शुड मेक और बाय और आउटसोर्स ओके, मेक बाय और आउटसोर्स, मतलब बाय और आउटसोर्स एक ही चीज़ है, मेक और बाय और आउटसोर्सिंग में बात ये हो रहा है कि मेक कर लो या फिर बाय कर लो या आउटसोर्सिंग कर लो, एक ही बात है, बाय एंड आउटसोर्सिंग इज सेम थिंग, इट्स लाइक मेक और बाय एंड आउटसोर्सिंग, बाय एंड आउटसोर्सिंग आर द सेम टर्म। नाउ वंस यू हैव सिलेक्टेड द सप्लायर, देन यू यूज इन्फोटेक, इन्फोटेक मतलब यूज आईटी टू डील विद देम, सो व्हाट यू कैन डू इज ई सोर्सिंग, समटाइम्स इन्फोटेक से ई सोर्सिंग कैसे करते हैं, मेनी कंपनीज इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मार्केट दे जस्ट होस्ट अ टेंडर ऑन देयर वेबसाइट and they ask the suppliers to read the tender and basically give them the quotation, that is e-sourcing, they will not go to different suppliers, rather suppliers will come to them, so that happens only in case of large scale organization okay, in small scale organization that is not possible, PSUs wagera e-sourcing karte hain, wo log tender invite karte hain, fir e-purchasing is now once you do the evaluation of supplier, e-sourcing ke baad ई सोर्सिंग में सप्लायर इवेल्युएशन हो गया, सिलेक्शन हो गया, उसके बाद यू विल बी प्लेसिंग एन इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मीन्स सेंड एन ईमेल विद द रिक्वायरमेंट, और यू कैन हैव यू नो अ पोर्टल ऑल्सो इंटरनली, आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक पोर्टल हो सकता है, उस पोर्टल में आप सप्लायर का अकाउंट खोल दो और उसको बोल दो कि तुम्हारा ये लॉगिन है, पासवर्ड है, अब जब भी मैं ऑर्डर करूँगा
आपको वहाँ पे जाके नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप देख लीजिएगा. तो दैट वे ऑल्सो पॉसिबल, इंस्टेड ऑफ मेलिंग एवरी टाइम यू कैन गिव देम अ लॉग इन. सो दैट इज ई परचेजिंग. एंड वंस एनी परचेज इज रिसीव्ड, सो यू कैन मेक ई पेमेंट ऑल्सो. सो दैट रिड्यूसेज ऑल पेपर वर्क एंड गिव्स यू मोर क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग. So this is only upstream flow management, that you have to select the correct supplier and you should use Infotech to optimize the performance with them. Then it is coming downstream flow management. बहुत easy है, बस खत्म होने वाला है. आप पेशेंस रखिए, एकदम खत्म होने वाला है. सप्लाई चेन का बस इतना सा बचा हुआ है. Downstream flow management is relationship with customers. तो customers से जब relations बनाते हैं तो first is coming relationship marketing. Now many times people इन ओल्डर डेज कन्वेंशनली दे वेयर लाइक कस्टमर आया मतलब गुड्स बेचना है बस. दे वेयर मोर इन टू सेलिंग, दे वेयर नॉट इन टू मार्केटिंग. मार्केटिंग मीन्स यू आर जस्ट क्रिएटिंग अवेयरनेस दैट वॉट यू डू, यू आर नॉट पुशिंग एनी सेल्स. ओके, सो प्रीवियसली जैसे आज भी कन्वेंशनल कई बार अपने आस पास में आपको छोटे शॉपकीपर मिल जाएंगे. मेरे साथ तो कई बार होता था बचपन में कि हम लोग कई दुकान में जाते थे, उस चीज़ का पूछते थे, ये कितने का, ये कितने का, ये कितने का, हाउ मच फॉर दिस, हाउ मच फॉर दैट, हाउ मच फॉर दिस. तो वो बैठे बैठे ही जो ओनर ही होता था वही शॉपकीपर होता था, एक ही आदमी था हमेशा वहाँ पर. तो बैठे बैठे ही इतने का, इतने का. एक होता है ना शोरूम में जाते तो क्या होता है, वो बोलते दिखाते सर, ये देखिए, ये देखिए, लेना नहीं है, लेना नहीं है, देखिए तो सही. वो ऐसे करते हैं और वो बोलते बैठे बैठे ये इतने का, वो इतने का. जब देखता था कि ये सारा खाली दाम पूछ के चल जाता है, प्राइस पूछ के चल जाता है और कभी कुछ लेता नहीं है, तो सबसीक्वेंट टाइम जब वापस जाते थे ना कि ये सर ये एक बार वापस बताइए ना ये वाला कितने का, एक बार देख सकते हैं, तो पहला चीज़ वो पूछता था लेगा क्या, लेगा तो बोलो, तब तो हम दाम भी बताएगा, तब तो हम उठेगा. मतलब उनका थ्योरी होता था पहले लेगा तो कन्फर्म करो, पैसा दिखाओ कितना लेकर आए हो, फिर हम आपके लिए सब कुछ करेंगे. बट दैट्स सेलिंग. मार्केटिंग इज वॉट, इट्स नॉट अबाउट लेगा क्या, इट्स अबाउट आप देखो ना, जितना देखना देखो, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं. तो मार्केटिंग के भी ऊपर हो रहा है रिलेशनशिप मार्केटिंग, वेयर बाई वी आर सेइंग दैट यू आर ऑलवेज मेंटेनिंग रिलेशन विथ ओनली योर पोटेंशियल कस्टमर्स. यू शुड नॉट डू दैट. देर आर सिक्स एरियाज वेयर यू शुड मेक मेंटेन रिलेशनशिप्स. वन इज ऑफकोर्स योर कस्टमर्स, वन इज ऑफकोर्स योर कस्टमर्स. यू शुड ऑल्सो मेंटेन रिलेशनशिप विथ योर सप्लायर्स. ओके, सप्लायर्स वाई, बिकॉज दे मे ऑल्सो समटाइम्स हेल्प यू टू गेट मोर कस्टमर्स. दे डू योर ब्रांडिंग बेसिकली, वो जिसको सप्लाई करते हैं. जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में जो हमें बुक्स बना के देते हैं प्रिंटर, दे आर ऑल्सो प्राउड इन देयर रिलेशनशिप विद अस कि हम SGC में सप्लाई करते हैं और उनके यहाँ पे इतना वॉल्यूम ऑफ बुक्स जाता है. तो उनके नज़र में कभी कोई CAVA कर रहा होता है तो उनके जुमा पे SGC रहता है. सो दैट इज़ द रिलेशनशिप मैजिक. ओके, सो यू शुड मेंटेन वेल रिलेशनशिप विद देम. सब कस्टमर आया तो सबको छोड़ दो और फिर सिर्फ कस्टमर के हो जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए. वो जो आए सप्लायर उनको भी इतना इम्पोर्टेंस देना है. फिर आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना है इंटरनल मार्केट में, यानी कि इंटरनल मीन्स विद इन योर कंपनी. आपका इंटरनली अगर एक डिवीजन है, दूसरा डिवीजन है, तो उन वो दो डिवीजन में भी बहुत अच्छा रिलेशन होना चाहिए. डिवीजन ए एक्सटर्नली भी बेचता है और इंटरनली भी अपना गुड्स ट्रांसफर करता है. तो इंटरनल रिलेशनशिप्स का बात हो रहा है. विद इन एम्प्लॉइज रिलेशनशिप विद बी वेरी शुड बी वेरी स्ट्रांग. ऑल एम्प्लॉइज आर योर कस्टमर्स एज वेल. सो ये चीज जब मैं पहली बार पढ़ा था ना अपने लाइफ में आज से 5-6 साल पहले, तो मैं इसको इंटरनल कस्टमर्स को इतना अच्छे से फॉलो करने लगा कि हर एक को, हर एक जन को यहाँ पे ऑफिस में सबको सारे चीज जो स्टूडेंट्स को बताते हैं, सब चीज बताने लगा. क्योंकि कल को उनके भी कोई फ्रेंड्स होते होंगे जो CAVA करना चाह रहे होंगे, तो उनके रेफरेंस से भी तो स्टूडेंट्स आ सकते हैं ना. तो वाई शुड हैव वी ओनली रिलेशन विद आवर कस्टमर्स, वी शुड हैव गुड रिलेशन विद आवर एम्प्लॉयज ऑल्सो, बिकॉज दे आर ऑल्सो समटाइम्स. कुछ एम्प्लॉई भी हो जाते हैं कभी, सर मुझे भी अब CA करने का मन हो रहा है, हम भी CA करेंगे. यंग ही है ना सारे, तो हो सकता है. तो दे कैन ऑल्सो बिकम योर कस्टमर ऑल्सो ना, करेक्ट. सो दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट हियर टू अंडरस्टैंड इंटरनल मार्केट. देन रेफरल मार्केट इज़ वॉट, आपको जहाँ से रेफरेंस मिलता है. रेफरेंस एज इन की यू कैन से आपके, मान लीजिए वो इम्प्लॉय के फ्रेंड्स जो रेफर करके आते हैं अपने, कई बार इसके लिए रेफरल कोड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ना कि रेफर योर फ्रेंड्स. तो वो रेफरल मार्केट, उनके फ्रेंड्स जो आपके फ्यूचर के पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं,
उनसे भी रिलेशन मेंटेन करना है कि किसी ने कोई को आपके यहाँ रेफर किया तो रेफरेंस को भी बहुत अच्छे से हैंडल करना है. इन्फ्लुएंस मार्केट इज मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स जैसे कि मीडिया, जैसे कि मे बी कोई मीडिया के बाद हो गया आपका समटाइम्स स्कूल ऑल्सो समटाइम्स सम पॉलिटिकल पार्टीज हु हैव मेजर इन्फ्लुएंस. ओके सम साधु बाबा काइंड ऑफ जिनका इन्फ्लुएंस है तो वो अगर आपके साथ जुड़े हुए रहते हैं तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा होता है. जैसे गुरु जी होते हैं, गुरु जी लोग को भी जाके कई बार हम लोग ये सीखते हैं कि गुरु जी से भी प्रणाम कर लो, उनको भी आशीर्वाद ले लो और उनको भी बता के आओ कि कोई गुरु होते हैं ना धर्म गुरु वगैरह कि आपने क्या काम कर रहे हैं. तो कभी वो कोई प्रवचन दे रहे हैं जहाँ पे 1000 लोग बैठे हुए हैं और उनके मुंह से निकल ही गया कि हमारे एक चेले का ऐसा ऐसा काम है तो 1000 लोग में प्रचार हो गया. करेक्ट, तो उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ एक बार गुरु जी भी बोल रहे थे उनके बारे में, यही सही है, फायदा हो जाता है. देन रिक्रूटमेंट मार्केट इज जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं और मान लीजिए कोई आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आप कई कैंपस प्लेसमेंट्स कराते हैं तो वो आपका रिक्रूटमेंट मार्केट है, उनसे भी अच्छा रिलेशन मेंटेन करना चाहिए. नेक्स्ट आ रहा है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM बोलते हैं हम लोग इसको. आजकल तो CRM पूरा हाईटेक हो चुका है, इसमें सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर की बातें होने लगी, आजकल CRM सॉफ्टवेयर आने लगे हैं. तो CRM का बेसिक काम है कस्टमर का पहले प्रॉफिटेबिलिटी जानना, और जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका मेन काम होता है कस्टमर का पूरा ट्रैकिंग करना. जो CRM सॉफ्टवेयर होते हैं उनका मेन काम होता है कस्टमर्स का पूरा ट्रैकिंग करना. ट्रैकिंग एज इन कि वो पहली बार कंपनी को कब किस सिचुएशन में या किस कारण से या कहां पर हिट किया था, वो आया था कि फ़ोन किया था कि फेसबुक में डाला था कि यूट्यूब में पूछा था कि व्हाट्सएप किया था कि ट्विटर किया था, कि कंपनी को पहली बार वो कैसे कनेक्ट किया था, और फिर वो पूरा एक उसका टाइमलाइन बन जाता है कि वो दूसरी बार कब हिट किया था, तीसरी बार कब किया था, चौथी बार कब किया था. ठीक है, तो सबसे पहले CRM का काम होता है कस्टमर का सारा हिस्ट्री डाल देना उसमें, वो हमें कैसे टच किया, उसका कुछ बायोग्राफी डाल देना, मतलब बेसिकली कि वो कौन है क्या है. सो ये सब यू नो बैंक वैंक तो बहुत करते हैं क्योंकि उनके पास वैसा ही उनका जॉब है, वो हर एक कस्टमर से कितना सारा काम अलग अलग लेते रहते हैं अपना. तो ऐसे कई सारी कंपनियां करती है और आजकल हर कंपनी करना चाह रही है. हम भी चाहते हैं कि आपसे जब जुड़े हैं तो हमें पता रहे कि आप हमसे फाउंडेशन भी पढ़े थे क्या, इंटर भी पढ़े थे क्या, फाइनल में भी पढ़े थे तो कितना सब्जेक्ट पढ़े थे, तो उसके बाद भी आप हमारे साथ कैसे जुड़े हुए हैं. सो वो सब डेटा यदि मैं सिस्टम में कैप्चर कर लूँ तो सिस्टम का ही नाम हो गया आजकल CRM सॉफ्टवेयर. बट अभी हम सॉफ्टवेयर के एंगल से नहीं पढ़ रहे, हम जनरल एंगल से पढ़ रहे हैं कि CRM का मेन यूज़ क्या होता है. वो कस्टमर्स को पहले कैप्चर करेगा और फिर उनको कैटेगराइज करेगा, एज ग्रुप वाइज कैटेगराइज कर सकते हो, या फिर उनका आप मान लीजिए कोई नेचर ऑफ वर्क वाइज या कोई वर्थ नेटवर्थ वाइज आप क्लासिफाई कर सकते हो, और उसके बाद आप उनका अकाउंट का प्रॉफिटेबिलिटी जानो. ओके, फिर आप उनका लाइफ टाइम वैल्यू जानो. लाइफ टाइम वैल्यू इज बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लोज दैट यू कैन अर्न फ्रॉम दोज कस्टमर्स, एंड उसके बेस पर आप देखो कि अब उस कस्टमर में से कितने कस्टमर को सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन करना है, अपने काम के साथ रखना है, नए कस्टमर को एक्वायर कैसे करें, एक्विजिशन स्ट्रेटजी बनाइए, रिटेंशन मतलब आपको उनसे नया बिजनेस कैसे जनरेट करना है, और एक्सटेंशन मतलब आप उनसे और कुछ नया प्रोडक्ट वगैरह का बिजनेस करो, कुछ और नया. एक्सटेंशन मतलब और रिटेंशन मतलब क्वाइट क्लोज है. रिटेंशन मींस कीपिंग देम इन द सेम प्रोडक्ट, सेम चीज को वापस उनको बेचिए, और एक्सटेंशन माने आप उनको कुछ नया बेचिए, कुछ नया चीज उनको बेचिए जो आपके पास है बट वो अभी तक खरीदे नहीं. ओके, सो यूज़ ऑफ इन्फोटेक इसमें वही आपको बोला मैं, CRM सॉफ्टवेयर्स का आप इस्तेमाल करिए, आप ईमेल वगैरह उनको भेजते रहिए, बर्थडे मैसेजेस भेजिए. ओके, आप उनको नए प्रोडक्ट्स के बारे में नोटिफाई करिए. तो ये सब आपका बहुत ज़रूरी है, जैसे ये सब समझना है. तो अभी कल ही मैं देखा अमेज़ॉन ने ना एक बनाया अमेज़ॉन असिस्टेंट. वो क्या होता है, जैसे आप अमेज़ॉन असिस्टेंट टाइप करेंगे वो गूगल में आ जाएगा और बोलेगा क्रोम में आपका एक एक्सटेंशन की तरह ऐड हो जाएगा. तो उसका काम क्या है, आपने अमेज़ॉन में यदि कोई भी ऑर्डर किया है तो वो ऑर्डर का पूरा डिटेल आपको दिखाते रहेगा एक छोटा सा आइकॉन के थ्रू आपके कंप्यूटर पे, और उसके अलावा कोई भी नया प्रोडक्ट या डील वगैरह आ रहा होगा तो वो भी वो फ्लैश करते रहेगा, आपने परमिशन दिया है तो आपके कंप्यूटर में फ्लैश करेगा. तो ये क्या है, एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे कि वो कस्टमर को
कैप्चर कर रहे हैं, वो लोग आपका बिहेवियर एनालिसिस कर करके आपको प्रेडिक्टेड प्रोडक्ट्स आपके रिक्वायरमेंट का दिखा रहे हैं। ब्रांड स्ट्रेटजी मतलब आप अपने ब्रांड को कैसा दिखाना चाहते हो, आप एक लोगो यूज़ करो, लोगों में कलर यूज़ करो, कोई टैगलाइन यूज़ करो जिससे कि वो इजीली लोगों तक कनेक्ट हो। ब्रांड से आइडेंटिटी होता है ना, तो आइडेंटिटी कैसा क्रिएट करना चाहते हो, कलर से, लोगो से, टैगलाइन से, सो दैट इज़ ब्रांड स्ट्रेटजी ऑल अबाउट। ओके, सो दिस इज डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट जिसमें मेन एम्फेसिस है रिलेशनशिप, देन ऑफकोर्स कस्टमर अकाउंट एनालिसिस एंड देन यूज ऑफ इन्फोटेक एंड ब्रांड स्ट्रेटजी। सर्विस लेवल अग्रीमेंट क्या होता है ये मैंने आपको बताई दिया, इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग और एन इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो बिटवीन द कस्टमर एंड सर्विस प्रोवाइडर विच इंक्लूड्स डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज, टर्मिनेशन ऑफ अग्रीमेंट, रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज। मतलब इसमें सारे चीज़ डिफाइन किए हुए रहेंगे, जैसे आप कभी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो ना उसमें आता है ना EULA एंड यूजर लाइसेंस अग्रीमेंट, जिसको हम लोग कभी नहीं पढ़ते, फटाफट भाई वहाँ पे एक्सेप्ट आई एक्सेप्ट एक्सेप्ट दबा के सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम करते बोलते घटिया सॉफ्टवेयर है, ये है वो है, क्योंकि उसके अग्रीमेंट में सब कुछ लिखा हुआ था कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कैसे कॉन्टैक्ट करना है, अपने पढ़ने नहीं जाते उतना, दैट इज़ ओनली EULA एंड काइंड ऑफ SLA। ओके, बट इसको आजकल का ज़माना बोल रहा है उतना वो सब नहीं करके सिंप्लीफाई करो, वहाँ पे यही लिखा हुआ रहे कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो इतना दिन में आप ये सॉल्व करा सकते हो। जैसे Amazon इज द बेस्ट एग्जांपल इन ऑल दीज, दे हैव क्लियरली डिफाइंड एवरीथिंग इन वेरी वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट्स, स्मॉल लाइंस, इंग्लिश में छोटा छोटा दो दो लाइन लिख लिख कर बता दिए कि ऐसे आप रिटर्न कर सकते हो, इस तरह का प्रोसेस है, इस कारण से आप रिटर्न कर सकते हो, कब आप अपना ऑर्डर को प्लेस किया तो कैंसिल कब कर सकते हो, कब कैसे नहीं कर सकते हो, सब कुछ लिखा हुआ रहता है छोटा छोटा, जिससे कि वी आर वेरी क्लियर एंड इट यूजुअली प्रॉम्प्ट्स एवरीथिंग बिफोर हैंड। तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ SLAs। SLAs में रूल बोलता है कि सब कुछ बिफोर हैंड पता होना चाहिए कस्टमर को जब वो आपके साथ रिलेशन में बन रहा है। वॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ सप्लाई चेन इफ़ यू फॉलो सप्लाई चेन? इट विल फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्प यू इन ड्रास्टिक कॉस्ट रिडक्शन, देन इट विल क्रिएट योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये सब बेसिक है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एंड उसके अलावा आप क्या बोल सकते हो, इन्वेंट्री रिडक्शन, पर्सोनल रिडक्शन, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, ऑर्डर मैनेजमेंट ईजी हो जाएगा, फाइनेंशियल साइकिल इंप्रूवमेंट, मतलब ईजी फाइनेंशियल साइकिल मीन्स ईजी कलेक्शन हो जाएगा, ईजी पेमेंट हो जाएगा, न्यू और इम्प्रूव प्रोसेस भी आ सकता है, कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाएगा, स्टैंडर्डाइजेशन आएगा प्रोसेस में, फ्लेक्सीबिलिटी रहेगी एज इन डिमांड मीट करने की फ्लेक्सीबिलिटी, ठीक है, डिमांड और प्रोडक्शन करने की फ्लेक्सीबिलिटी आ सकती है आप में अगर आपके सप्लाई चेन का नेटवर्क अच्छे से सजा हुआ है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन ई कॉमर्स वर्ल्ड कैसे होता है? ई कॉमर्स वर्ल्ड में कस्टमर ऑर्डर करता है, कैप्चर ऑन रियल टाइम बेसिस यूजिंग ERP, नो डिले इन इंटीमेशन टू प्रोडक्शन टीम। जैसे ही कस्टमर ने ऑर्डर किया तुरंत तुरंत प्रोडक्शन टीम को पता होना चाहिए कि हाँ ऑर्डर आ गया है। देन प्रोक्योरमेंट के लिए मटेरियल रिक्वायरमेंट टू बी सेंड टू सप्लायर्स हु कैन डिलीवर क्वालिटी मटेरियल्स इन द राइट टाइम, नो डिले इन सप्लाई। तो इसलिए ई कॉमर्स में हम लोग बोलते हैं कि आप अपना जो भी मटेरियल का सप्लायर है उसके साथ भी एक पोर्टल रखो, तो जैसे ही यहाँ पे ऑर्डर आया वैसे ही आप तुरंत तुरंत उसको भी ऑर्डर प्लेस कर पाएं। अब समटाइम्स होता है ना, सप्लायर तो बोलता है मैं तो लॉट में ही दूंगा, मैं आपके यहाँ एक ऑर्डर आया तो मैं एक चीज़ तो नहीं बना सकता, मेरे को तो बल्क में बनाना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली आप कुछ ऐसा कर सकते हो, जैसे मैं कभी सोच रहा था कि मैं कुछ ऐसा कर दूँ कि मेरे सप्लायर के साथ कि उसको बेस्ड ऑन हमारा यहाँ पे जो सेल हो रहा है उसके हिसाब से उसको अपने आप ऑटोमेट इंटीमेशन चला जाए कि अब आपका कुछ रीऑर्डर लेवल रीच हो गया, अब आपका प्रोसेस करने का शुरुआत हो गया। अभी मैं मैन्युअली कर रहा हूँ यहाँ पर, ऑटोमेट तो नहीं किया हूँ। मैं कैसे करता हूँ सप्लायर रिलेशनशिप्स में यहाँ पर कि आपके ऑर्डर्स आते हैं ना तो मेरा एक टारगेट बना हुआ है कि मेरा स्टॉक अगर कोई भी बुक का इस पर्टिकुलर बुक का जात से SCM सबसे ज़्यादा चलता है तो SCM का लेवल इतना से कम होते ही ऑर्डर प्लेस कर देना है सप्लायर को, तुरंत तुरंत मेल चला जाना चाहिए। अब ये चीज़ मैंने ऑटोमेट किया था अपने वेबसाइट में बट मैं उसको पूरा यूज़ नहीं किया। उसमें क्या था और सिस्टम बनाया था कि हमारे यहाँ पे जितना भी स्टॉक है वो वेबसाइट के थ्रू हमारे मैनेज होता है, तो वेबसाइट में जैसे ही वो लेवल गिरेगा तो वहाँ से ऑटो फायर मेल हो जाएगा कि नाउ इट इज़ टाइम टू प्लेस द ऑर्डर एंड नाउ यू कैन स्टार्ट मेकिंग इट। सो प्रोक्योरमेंट में भी आपको टेक्नोलॉजी यूज़ करना पड़ता है। देन प्रोडक्शन पुल सिस्टम में प्रोड्यूस ओनली दैट क्वांटिटी विच कस्टमर रिक्वायर्स, नो एडहॉक प्रोडक्शन। ई कॉमर्स में अगर आप एडहॉक बना लोगे कुछ भी और फिर उसको सेल करने में दिक्कत होगा। लॉजिस्टिक्स में अवॉइड एनी डिले इन डिलीवरीज फ्रॉम सप्लायर्स और टू द कस्टमर। सप्लायर्स से आने में भी लॉजिस्टिक होता है, लॉजिस्टिक माने ट्रांसपोर्टेशन, और कस्टमर को पहुँचाने में भी लॉजिस्टिक होता है जिसमें किसी भी तरह का डिले नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिले इज़ वेरी वेरी रिस्की इन ई कॉमर्स एज यू नो, ई कॉमर्स का सक्सेस ही सारा
ऑन टाइम शिपिंग पे डिपेंडेंट है। ओके अब एनी वे, जैसे हम लोग तो अपने यहाँ पे बहुत इसको फॉलो करते हैं, बट क्या होता है कि अपने हर ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी होती है, एक लिमिटेशन होता है। अब क्या होता है, जैसे हम लोग ने इसीलिए फेडेक्स से पार्टनरशिप किया, फेडेक्स वर्ल्ड का वन ऑफ द ब्रांड है, बट कभी कभी वो पार्टनरशिप भी कभी कभी टूट जाता है। जैसे फेडेक्स ही अचानक सरेंडर कर रखा है, अभी पेंडेमिक में बोल रहा है हमसे नहीं हो रहा। तो अब ये सारे ई कॉमर्स वाले क्या कर रखे हैं ना, इसीलिए अमेजोन वाले और ये आपके फ्लिपकार्ट वाले, ये लोग जब इस चीज से दुखी हुए, उनको समझ में आया कि बिना डिलीवरी प्रॉपर किए हम लोग का बिजनेस सक्सेस होगा नहीं, तो इन्होंने जैसे फ्लिपकार्ट ने अपना ई कार्ट बनाया, अपना खुद का डिलीवरी यूनिट बना लिया, अपना ही कुरियर सिस्टम बना लिया, जिससे कि हमें किसी पर डिपेंड ही नहीं करना, ठीक है। और फिर ई कार्ट को भी प्रॉफिट सेंटर बना के ऐसा कर दिया कि वो किसी और का भी काम कर सकता है, खाली फ्लिपकार्ट का ही काम क्यों करे, वो उतना बड़ा ग्रो कर दिया उसको। वैसे अमेजोन ने क्या किया कि बहुत सारों के साथ इतना डीप पार्टनरशिप कर लिया अलग अलग पार्टनर्स के साथ, कि उनके साथ ऐसा सौदा कर लिया कि काम मेरा ही करोगे और किसी का नहीं करोगे, तो वो उतना पैसा फेंक के उनको ऐसा बांध लेते हैं जो हमारे बस में नहीं है। हम लोग तो फिर भी खाली छोटा मोटा पार्टनरशिप कर सकते हैं कि हाँ ठीक है आप जो बोलेंगे वो करेंगे, तो कभी कभी वो लोग हम लोग को डिच कर जाते हैं, तो हम लोग बेचारे स्टूडेंट को खाली जवाब देते रहते हैं और क्या करेंगे। बट डिलीवरी इज़ द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर इन एनी ई कॉमर्स। ये जो मैंने 10वां नंबर पॉइंट बताया, ये ऐसे बताया कि केस स्टडी था सीए न्यू सिलेबस में ई कॉमर्स को लेकर, जिसमें सप्लाई चेन के बारे में कुछ लिखना था। तो क्या लिखोगे सप्लाई चेन के बारे में? तो वहाँ पर आपको लॉजिस्टिक्स के बारे में लिखना है, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में लिखना है, प्रोक्योरमेंट के बारे में लिखना है, कस्टमर ऑर्डर के बारे में लिखना है। अब उसमें इन्फोटेक को यूज़ करना है, क्या क्या एक एक लाइन मैंने बता दिया ये याद रखोगे, और फिर जो डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको उसमें कस्टमर ऑर्डर से रिलेट करके डाल दोगे, प्रोक्योरमेंट से लेके डाल दोगे, क्योंकि प्रोक्योरमेंट रिलेटेड आपको क्या केस स्टडी में समझ में आ रहा है वो वहाँ पे डाल देना। हो गया सप्लाई चेन मैनेजमेंट। एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, ये सप्लाई चेन है क्या, एक बार फिर से 5 मिनट लगेगा हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं कि सप्लाई चेन आखिर है क्या। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हम लोगों का जो सप्लायर से एंड यूज़र तक का कनेक्शन है, वो कनेक्शन कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है, भले ही इसमें अलग अलग एंटिटीज़ इन्वॉल्व है, तो उन एंटिटीज़ को लेकर जो नेटवर्क बन रहा है उसे हम कह रहे हैं सप्लाई चेन। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ सेवरल एंटिटीज़ दैट वर्क टुगेदर टू मेक अ गुड एंड डिलीवर इट टू द कस्टमर, ठीक है। नेटवर्क ऑफ सेवरल एंटिटीज़, मैनी टाइम्स वी कॉल सप्लाई चेन एज अ बी टू बी रिलेशनशिप। बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन सेवरल एंटिटीज़ who are together working in a chain to in order to ensure that the produce is actually delivered to the end user of the product ke paas pahunch jana chahiye. Jaise for instance supply chain ka example ab socho, hum log petrol use kar rahe to hum consumer hai, theek hai, but petrol aa kahan se raha hai, uska source kahan par hai? Source hai wo aapka middle east mein kahin samundar ke andar se raw petroleum nikala ja raha hai, तो वहाँ से चेन स्टार्ट होता है और हमारे तक आके ख़त्म होता है। चेन कहाँ से शुरू हो रहा है वो और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो आपको समझा रहा हूँ। छोटा सा मत सोचना सप्लाई चेन, सप्लाई चेन पूरा इंडस्ट्री चेन कहलाता है, इसको इंडस्ट्री वैल्यू चेन भी बोलते हैं। एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सप्लाई चेन एंड वैल्यू चेन, तो वैल्यू चेन इज़ बेसिकली स्पेसिफिक टू माय ओन ऑर्गेनाइजेशन। मेरा ऑर्गेनाइजेशन का जो इनपुट से आउटपुट बनाने का प्रोसेस है उसको हम वैल्यू चेन कहते हैं, ठीक है। उस इनपुट से आउटपुट में कितने एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो रहे हैं वो वैल्यू चेन है। बट सप्लाई चेन इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ कनेक्टेड विद द एंटायर नेटवर्क ऑफ सेवरल ऑर्गेनाइजेशन दैट कोलैबोरेट टुगेदर टू गिव द गुड्स डायरेक्टली टू द एंड यूज़र, ठीक है, टू प्रोड्यूस द गुड्स डायरेक्टली टू द एंड यूज़र। जैसे पेट्रोल का एग्जांपल मैंने क्या बोला, हम पेट्रोल के यूज़र हैं, तो रॉ पेट्रोलियम जो अबू धाबी से आ रहा है या फिर मिडल ईस्ट के कोई कंट्री से आ रहा है, वहाँ से लेकर जितने ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हैं और सबसे होते हुए हमारे नियरेस्ट पेट्रोल पंप तक जो पहुँच रहा है, ये पूरा सप्लाई चेन का पार्ट है। अभी एक सबसे बड़ा सप्लाई चेन का एग्जांपल हम लोग को देखने मिलेगा लाइव जब ये कोरोना का वैक्सीन बन जाएगा, कोरोना पेंडेमिक का वैक्सीन आएगा। वो वैक्सीन एक्चुअली कहाँ पे बनेगा आप देखना, और फिर वहाँ से कैसे वो वर्ल्ड वाइड पहुंचाया जाएगा, अलग अलग देश के कोने कोने में पहुंचाया जाएगा, उसके लिए क्या चाहिए पता है? बहुत बड़ा सप्लाई चेन ही तो चाहिए, जिसको गवर्नमेंट सारे
वर्ल्ड के गवर्नमेंट मिलके मैनेज करेंगे, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उसमें इन्वॉल्व होगा, फिर वो गली गली तक पहुंचाना पड़ेगा, तभी उससे पेंडेमिक दूर होगा। तो ये जो होने वाला है ये सप्लाई चेन का ही जीता जागता एग्जाम्पल आप अपने आँखों से देखने वाले हो कुछ समय में, बस उस पर खाली फ्लो को गौर करिएगा, आप सप्लाई चेन समझ जाएंगे। ठीक है, सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेसेस, ओके, दैट एड वैल्यू टू द कस्टमर्स। की बिजनेस प्रोसेस में चार है, प्रोक्योर करो, बनाओ, डिस्ट्रीब्यूट करो और प्लानिंग करो, डेवलपमेंट, कमर्शलाइजेशन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा और भी है, इन्फॉर्मेशन फ्लो है, रिलेशनशिप विद सप्लायर है, कस्टमर रिलेशनशिप है, सर्विस डिलीवरी है, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बाद सर्विस डिलीवरी है, कैश फ्लो है, डिमांड मैनेजमेंट है। ठीक है, कुछ ज़रूरी नहीं होता कि सारा का सारा सर्विस में लिखना है, सर्विस के जो पॉइंट्स मैंने दिया है ये जनरलाइज वे में दिया है। आपके पास मेनली सर्विस देने का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पढ़ाना आता है तभी मेरा ये ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, ठीक है, स्किल्स। और मेरे को पढ़ाने के लिए मैंने आपको पहले भी एक दिन एग्जाम्पल दिया था कि खाली सिर्फ पढ़ाना आने से काम नहीं बनता आज के युग में, पढ़ाने आने के बाद मेरे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जब मैं आपको क्लास लाइव स्ट्रीम में आपके घर तक पहुंचा पा रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग सेटअप है कि मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, मेरे जो टीम मेंबर्स हैं वो इतने इक्विप्ड हैं कि आपके सपोर्ट में कोई लैपटॉप में या मोबाइल में प्रॉब्लम आता है तो वो सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो हमारे पास ऐसे डेवलपर्स हैं जो ऐसे सॉफ्टवेयर बना पाते हैं, तो फिर हमारे पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऐसे हैं जो हमारे साथ कभी भी कोई क्राइसिस होता है तो इमीजिएटली अवेलेबल रहते हैं। तो हम लोग एक सर्विस प्रोवाइडर पे डिपेंड नहीं होते, मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर पे डिपेंड होके चलते हैं। जैसे अगर कल को हमारे यहाँ पे कोई इंटरनेट का इशू हो जाए एक के साथ तो दूसरे को कैसे हैंडल करेंगे, तो फिर उस समय उसको भी हैंडल करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर बाहर से ठीक कर देते हैं, अंदर में मैनेज करने के लिए आदमी चाहिए होता है। एडमिशन सारा ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन का वेबसाइट बनाने वाले ऐसे लोग हैं, फिर बैकएंड में उसको देखने वाले कोई लोग हैं, तो उसमें अगर कोई एरर होता है तो उसको सॉर्ट आउट करने वाले लोग हैं। ये पूरा एक सप्लाई चेन ही तो है। फिर आप कभी टेलीग्राम में या फिर मेल में या टिकट रेज करते हो, कोई रिक्वेस्ट करते हो, तो उसको रिस्पॉन्ड करने का एक पॉलिसी है, उसको रिस्पॉन्ड करने वाले लोग हैं, तब जाकर एवरीथिंग इज गोइंग। सो ये सर्विस में बेसिकली अगर हम इसको जॉट डाउन करें तो आपका आंसर वो आठ में से ही कुछ निकल के आएगा। ये आठ आपका की प्रोसेस है, उसमें से क्या क्या काम आएगा, एक इन्फॉर्मेशन फ्लो आ गया, दूसरा कैपेसिटी एंड स्किल्स आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, डिमांड मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको, अपना डिमांड जनरेट करना होगा, करना यहाँ पे चलेगा कैसे, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सप्लायर रिलेशनशिप, सर्विस डिलीवरी, कैश फ्लो पेमेंट एंड एट प्रोसेस में कस्टमर रिलेशनशिप आ गया, डिमांड मैनेजमेंट आ गया, सप्लायर रिलेशनशिप आ गया, कस्टमर सर्विस आ गया। ये चार पॉइंट तो हम लोगों ने वहीं का वहीं उठा लिए, कॉमन है वहाँ पे ऊपर में। फिर ऑर्डर फुलफिलमेंट आ गया, मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड रिटर्न मैनेजमेंट। टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन में पुल और पुश, ठीक है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में सप्लायर के साथ पहले वो सिलेक्शन का स्ट्रेटेजी होगा और फिर ई प्रोक्योरमेंट होगा। ई प्रोक्योरमेंट में तीन है, ई सोर्सिंग, ई परचेजिंग एंड ई पेमेंट। एंड फिर डाउनस्ट्रीम में रिलेशनशिप मेंटेन करो, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करो और फिर यूज़ ऑफ इन्फोटेक, इन्फोटेक को यूज़ करो, प्रॉपरली यूज़ ऑफ इन्फोटेक करो, ओके, और फिर ब्रांड स्ट्रेटेजी पर आप ध्यान दो, ब्रांड स्ट्रेटेजी पर भी आप ध्यान दो। तो रिलेशनशिप मार्केट में छह जनों से रिलेशनशिप मेंटेन करना है, सप्लायर, कस्टमर, इंटरनल, रेफरल, रिक्रूटमेंट और इन्फ्लुएंस, ओके। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी जानकर, लाइफ टाइम वैल्यू जानकर, फिर आप देखिए किसको सिलेक्ट करना है और नया किसको एक्वायर करना है, रिटेंशन करना है, एक्सटेंशन करना है। सर्विस लेवल अग्रीमेंट का मतलब है कस्टमर के साथ फॉर्मल या इनफॉर्मल अग्रीमेंट जो आप करते हो, जो डिफाइन करता है कि आप क्या क्या सर्विसेज उसको दोगे और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कैसे टर्मिनेट हो जाएगा, क्या रिवॉर्ड्स है, क्या पेनल्टीज हैं, बेनिफिट्स क्या है, कॉस्ट रिडक्शन है आपका, इन्वेंटरी रिडक्शन है, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट है, पर्सनल रिडक्शन है, साइकिल इम्प्रूवमेंट है, स्टैंडर्डाइजेशन है, फ्लेक्सिबिलिटी है। ई कॉमर्स में कस्टमर ऑर्डर, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक्स। कस्टमर का ऑर्डर आया, सप्लायर से प्रोक्योरमेंट करो, प्रोड्यूस करो और डिस्ट्रीब्यूट करो, यानी लॉजिस्टिक्स, ओके। सो विद दिस सप्लाई चेन मैनेजमेंट खत्म हुआ। ये एकदम सही बोला गौरव अग्रवाल ने कि आपको पता हो सर सप्लाई चेन मैनेजमेंट टॉपिक पर खाली MBA का कोर्स कराया जाता है, ये तो कुछ भी नहीं है, हम लोग तो आधा घंटा में पौन घंटा में ख़त्म कर लिए। बट सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर MBA कोर्स कराया जाता है।
ठीक है, तो विद दिस सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज ओवर। चलिए अब अपने साथ विदा ले लेंगे कौन, सीएमए वाले स्टूडेंट्स आप विदा ले लीजिए। ओके, सो वी हैव कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, ट्रेडिशनल वर्सेस स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। वी हैव कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, ट्रेडिशनल वर्सेस स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। यूजुअली आई टेक अप दिस एज एन इंट्रोडक्टरी चैप्टर ऑल्सो इन माई रेगुलर कोर्स, कि इंट्रोडक्शन में समझाता हूँ मैं कि इंटर में जो कॉस्ट पढ़ा वो ट्रेडिशनल था और फाइनल में जो कॉस्ट पढ़ते हैं वो स्ट्रेटेजिक है। तो बेसिक लाइन ऑफ डिफरेंस क्या है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग और स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में, वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का फोकस मेनली रहता है कि कॉस्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो कॉस्ट एस्टिमेट हो गया, फिर उसके बाद कॉस्ट कंट्रोल करना है और कॉस्ट रिड्यूस करना है, और उसके लिए वेरियंस एनालिसिस का बहुत हेल्प लिया जाता है। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग इज़ ऑल अबाउट प्लेइंग विद द नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट एंड वेरियंस रिपोर्टिंग, वाई कॉस्ट वॉज अबव द स्टैंडर्ड और बिलो द स्टैंडर्ड, दैट्स इट। बट स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट कहता है कि इट्स नॉट ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू रिड्यूस द कॉस्ट, वॉट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू अचीव सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देर आर थ्री वर्ड्स, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ओके, सो देर आर थ्री वर्ड्स, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, उसको पाना कैसे है उसके ऊपर फोकस करता है, और उसको करने के लिए आपको कॉस्ट अगर बढ़ाना भी पड़े तो बढ़ाओ और कॉस्ट घटाना पड़े तो घटाओ। हम लोग अल्टीमेटली ट्रेडिशनल में पाना चाहते हैं कॉस्ट कम करो, बट स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट बोलता है कि कॉस्ट कम करना आपका गोल नहीं होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए कि हम किस तरह से कॉम्पिटिटर्स से लड़ते हुए सर्वाइव कर पाएं, और उसको करने के लिए हमें अगर कॉस्ट घटाना है तो घटाएंगे, कॉस्ट बढ़ाना है तो बढ़ाएंगे। कॉस्ट घटाना है मतलब एक स्ट्रेटजी होता है, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी, लो कॉस्ट स्ट्रेटजी, कॉस्ट कम रख के चलाना है। और दूसरा होता है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, मतलब अपने प्रोडक्ट को बाकियों से अलग चलाना है, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए कॉस्ट बढ़ा के आपको प्रीमियम लेके, कस्टमर से प्रीमियम चार्ज करके भी चलाना पड़ता है। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट शॉर्ट टर्म इंटरनल नेचर का है, ओके, स्ट्रेटजिक लॉन्ग टर्म है और इंटरनल एक्सटर्नल दोनों को इन्वॉल्व करता है। यानी कि कॉस्टिंग करने के लिए हमें सिर्फ अपने इंटरनल में ही चेक करना है कि हम कहाँ कहाँ कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, बट स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट समझने के लिए आपको अपना इंटरनल कॉस्ट तो समझना ही है, एज वेल एज कॉम्पिटिटर्स के यहाँ क्या चल रहा है, मार्केट में लोग कितना क्या देने रेडी है, उसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉस्टिंग करने के लिए आपको मार्केट में जाने का दरकार नहीं है, आपका कॉस्ट क्या लगा बाजार में देखने का ज़रूरत नहीं है, बट स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट करने के लिए बाजार में भी लोग कैसे क्या कर रहे हैं वो सब समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में मेनली फोकस है हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर, मेन फोकस है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर, और जितना ज़्यादा वॉल्यूम किसी प्रोडक्ट का बनता है तो उसका उतना ज़्यादा कॉस्ट आ जाता है। सारा कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का भी जो बेसिस है वो वॉल्यूम ही रहा है। तो हम लोग एक बार पढ़े भी थे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का एक समस्या है, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का एक समस्या है कि जो प्रोडक्ट बहुत वॉल्यूम में बनाता है, बनाया जाता है, जो एक्चुअली आपका रिसोर्सेज को कम कंज्यूम करता है, जब ज़्यादा वॉल्यूम में बनेगा उसमें तो सब कुछ सेट हो चुका है ना, स्टैंडर्डाइजेशन हो चुका है, तो जो ज़्यादा वॉल्यूम में बनता है उसका हम लोगों को बहुत ज़्यादा अटेंशन देने का काम नहीं रहता, वो रिसोर्सेज भी कम यूज़ करने लग जाता है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग उसका कॉस्ट ज़्यादा बना देता है, और जो कम वॉल्यूम में बनता है, सोचो एक प्रोसेस है उसका, एक प्रोडक्ट है जिसका क्वांटिटी बहुत कम है बट वो भी सारा प्रोसेस से पास हो रहा है, और एक प्रोडक्ट है जिसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है वो भी सारा प्रोसेस से पास हो रहा है, प्रोसेस वही है, क्वांटिटी एक ज़्यादा बन के आ जा रहा है उसी से, और उसी प्रोसेस से मान लीजिए एक प्रोडक्ट का क्वांटिटी बहुत कम बन के आ रहा है, तो कम क्वांटिटी सारा प्रोसेस यूज़ किया, यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी सारा प्रोसेस यूज़ किया, तो आइडियली जो कम क्वांटिटी में बना उसका कॉस्ट ज़्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि वो सारा प्रोसेस को यूज़ करके आया, क्वांटिटी कम है, सारा प्रोसेस को यूज़ करके आया, क्वांटिटी कम है, तो उसका कॉस्ट तो ज़्यादा होना चाहिए। बट ट्रेडिशनल कॉस्टिंग क्या करेगा, जिसका क्वांटिटी कम बना है
उस पर कम कॉस्ट डालेगा, जिसका क्वांटिटी ज़्यादा बना है उस पर ज़्यादा कॉस्ट डालेगा। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या करता है, जो प्रोडक्ट जितना रिसोर्सेज यूज़ किया उसके हिसाब से कॉस्ट डालता है, तो जो प्रोडक्ट कम रिसोर्स यूज़ किया उसका कॉस्ट कम हो जाता है, जो प्रोडक्ट ज़्यादा रिसोर्स यूज़ किया उसका कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। इसे चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। तो चाइनीज़ प्रोडक्ट अपना कैसे प्राइस करते हैं, वो अपना प्रोडक्ट का कॉस्टिंग में हमेशा 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 ये स्ट्रेटेजिक अप्रोच लगाते हैं। मतलब जब ज़्यादा क्वांटिटी आप उनसे बनवाते हो ना, तो वो सेटअप कर लेते एक प्रोसेस, और उस प्रोसेस से ज़्यादा क्वांटिटी बनाएंगे तो ऑब्वियसली कॉस्ट बहुत कम आएगा। तो दे टेंड टू डू देयर एंटायर कॉस्टिंग बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल कि जो ज़्यादा क्वांटिटी बनवाएगा उससे हम कॉस्ट कम लेंगे। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होगा, जो ज़्यादा क्वांटिटी होगा उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, बट स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या होगा, जिसका क्वांटिटी ज़्यादा उसका कॉस्ट बहुत कम कर देते हैं वो। इसलिए चाइना के पास सबको अट्रैक्ट हो जाते हैं, जहाँ वॉल्यूम वाला काम कराना है तो सब सोचते चाइना से ले लो, राइट। ज़्यादा क्वांटिटी पे सेटअप किया हुआ है, प्रोसेस वही है, क्वांटिटी ज़्यादा निकालना है तो कॉस्ट कम आता है पर यूनिट। ऑब्वियसली इसमें कॉस्ट कम कम होने का एक ही कारण होता है कि फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, और उसी फिक्स कॉस्ट के अंदर अगर आप वॉल्यूम ज़्यादा बनाते हो तो कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाता है। यहीं पे चाइनीज़ अपना बिजनेस का रिस्ट्रक्चरिंग जो कर पाते हैं वो बाकी देश वाले नहीं कर पाए, इसलिए चाइनीज़ आगे चले गए। ओके, वैसे अभी चाइना का नाम लेना उचित नहीं है, किसी भी किस तरफ से तारीफ करने के लायक तो नहीं है, बट जो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड उनकी एक्सपर्टीज़ है उसको खाली मैं सराह रहा हूँ। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। सो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में एक और बात है कि मेन ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट रिडक्शन, बट हमारा स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में मेन ऑब्जेक्टिव है वैल्यू इम्प्रूवमेंट, नॉट जस्ट कॉस्ट रिडक्शन। मतलब हम ये चाहते हैं कि इससे कस्टमर्स को कैसे फ़ायदा हो, हमें ये नहीं करना कि बस हमारा कॉस्ट बचे। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग इज़ अबाउट नॉट टेकिंग मच रिस्क, स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इज़ अबाउट रिस्क टेकिंग एंड एबिलिटी टू अडैप्ट इटसेल्फ विद चेंजिंग एनवायरनमेंट। एक बार सारा चीज़ आप वापस से देख लीजिए, शॉर्ट टर्म है ये, दिस इज शॉर्ट टर्म, ट्रेडिशनल इज वॉट शॉर्ट टर्म, राइट, एंड दिस इज लॉन्ग टर्म। ये इंटरनल है तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों है, ये वॉल्यूम बेस्ड है एक्टिविटी बेस्ड है। यहाँ पे कॉस्ट एलोकेशन कंट्रोल रिडक्शन और वेरियंस रिपोर्टिंग का बात हो रहा है, यहाँ पे सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज का बात हो रहा है, जिसके लिए कॉस्ट घटाओ तो कॉस्ट लीडरशिप करो, और प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन करो तो कॉस्ट बढ़ा के करो। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज कॉस्ट रिडक्शन, यहाँ पे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज कॉस्ट कंटेनमेंट। कंटेनमेंट का मतलब होता है कि कॉस्ट कम करने के साथ साथ कॉस्ट को मतलब अननेसेसरी बढ़ने मत दो, कॉस्ट कम रखो बट एट द सेम टाइम वैल्यू क्रिएशन करो। रिस्क एवर्स है और ये रिस्क टेकिंग है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट है सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, कि हमें देखो हम लोग क्या बोलते हैं इसमें, हमें हमेशा बिजनेस अगर करना होता है तो हम ऐसे सोचते हैं कि बिजनेस हम बेस्ट तरीका से करें। कैसे करें, हाउ टू डू बिजनेस, बिजनेस बेस्ट तरीका से करें, बट बेस्ट का कोई डेफिनेशन नहीं है, देर इज़ नो डेफिनेशन ऑफ बेस्ट। ओके, सो आइडिया ऑफ डूइंग बिजनेस इज पहले पता लगाओ कि आप जैसा बिजनेस कॉम्पिटिटर्स कैसा कर रहे हैं, उतना करो या उससे थोड़ा बेटर करो, बस। बेस्ट का कोई डेफिनेशन नहीं है, जैसा कॉम्पिटिटर कर रहे हैं उतना करो या उससे थोड़ा सा बेटर करो, गॉट इट। सो सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब है कि यू शुड हैव सम एडवांटेज ओवर योर कॉम्पिटिटर्स, योर एंड दैट योर कस्टमर शुड फील दैट ओके दिस कंपनी हैज गॉट सम एडवांटेज ओवर अदर्स, एंड वॉट एवर एडवांटेज यू हैव क्रिएटेड दैट शुड बी सस्टेन्ड फॉर एवर, बिकॉज टूडे यू हैव एन एडवांटेज कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले, so your competitors will copy that, so they will also come at par, so if there is no advantage again then why will a customer choose you, so again you have to work hard to get above your competitor to have some another kind of advantage with other competitors are not having, so when you have this you have a sustainable competitive advantage on a continuous basis. So what is the necessity of strategic cost management, it helps you to first of all identify strategically where you are positioned in your industry and strengthening your position, आप कहाँ पे बैठे हो
अपने इंडस्ट्री में आपका पोजीशन कहाँ पर है, मतलब आपके पोजीशन का भी एक अलग पूरा स्ट्रेटेजिक पोजीशन का बहुत बड़ा पढ़ाई होता है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, बट अभी एक बार समझो आप स्ट्रेटेजिकली आप पोजीशन क्या होल्ड करते हो, मतलब आपके बिजनेस का पोजीशन कैसा है, लोग कितने डिपेंडेंट है आपके ऊपर, ओके आप उसमें मार्केट शेयर कितना ले रखे हो, जो भी आपका पोजीशन है उसको स्ट्रेंथन करो और मजबूत बनाओ, लोगों को और डिपेंडेंट बनाओ अपने ऊपर और अपना मार्केट शेयर और बढ़ाओ। देन इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द कंपनीज कॉस्ट स्ट्रक्चर, मतलब आपका कॉस्ट का फ्लो कैसा है कि एक यहाँ पे लगेगा तो कहाँ बचेगा, वहाँ पे लगेगा तो कहीं और बचेगा क्या, अगर यहाँ कॉस्ट बढ़ा देंगे तो कहीं और भी कॉस्ट बढ़ जाएगा क्या, तो इंटर रिलेशनशिप कहाँ है हर प्रोसेस के कॉस्ट में। देन इट विल गिव यू सम इंफॉर्मेशन विच विल हेल्प इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड इट अल्टीमेटली रिकोगनाइजेज ओवरऑल कॉस्ट रिलेशनशिप ऑफ ऑल द एक्टिविटीज दैट आर गोइंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन। सो नेसेसिटी ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, इट्स जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज, ओके ये पहला, दूसरा, तीसरा इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज, नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ओके एग्जाम के लिए ये वाला इम्पॉर्टेंट है, टू वेज ऑफ अचीविंग सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज और सुपीरियर परफॉर्मेंस, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट वी आर डिस्कसिंग, ओके सो टू वेज ऑफ अचीविंग सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, इसको पाने का दो तरीका, सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को पाने का दो तरीका, तो पहला तरीका है कॉस्ट लीडरशिप, दूसरा तरीका है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो पहले प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पे बात करते हैं, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे पाएंगे, प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करना मतलब है कि आपको अपना प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर से अलग दिखाना है। अब वो अलग दिखाने का तीन जरिया होता है, वी से क्यू आई एंड एस, क्यू आई एंड एस, क्वालिटी, इनोवेशन और सर्विस या रिस्पॉन्सिवनेस बोल सकते हो, क्वालिटी, इनोवेशन और रिस्पॉन्सिवनेस या फिर सर्विस बोल सकते हो, मतलब कस्टमर को आप कितना क्विक रिस्पॉन्ड करते हो, आपका यदि कोई इनोवेशन है और अगर आपकी क्वालिटी बेस्ट है, जैसे टोयोटा ने क्वालिटी से डिफरेंशिएशन किया, लोग कहते हैं टोयोटा का गाड़ी जो एक बार ले लेता है वो दूसरा गाड़ी ज़िंदगी में लेता नहीं है, ऐसा बोलते हैं, मैंने अभी तक लिया नहीं है, मेरे मेरे ख्वाब में है भी, मैं अभी उतना रईस नहीं हुआ हूँ कि मैं बहुत सारी गाड़ियाँ ले सकूँ, बट यदि मेरा कभी मन चला ना तो मैं एक टोयोटा की गाड़ी कभी ज़रूर लूँगा ज़िंदगी में, क्यों, क्योंकि बोलते हैं कि इस ये अपने आप को डिफरेंशिएट किया सिर्फ क्वालिटी पे, ये गाड़ी एकदम घिस घिस के यूज़ कर लो और उसके बाद भी रीसेल करो तो उसका 50% से ज़्यादा वैल्यू मिल जाता है, मतलब पीपल आर सो फॉन्ड ऑफ इनोवा, जैसे टोयोटा की जो गाड़ी है 20 लाख रुपए तक की आती है, बट आप अगर कभी मान लीजिए कहीं बाहर में टूर पे गए हैं तो इनोवा से कंफर्टेबल गाड़ी कोई है ही नहीं, इट डजेंट मेक यू फील दैट यू हैव ट्रेवल्ड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स इन दैट कार, सो और इनोवा जो चलाते हैं वो बोलते हैं नॉर्मल गाड़ियाँ 1 लाख किलोमीटर, 2 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर के बाद सरेंडर हो जाती है, इनोवा 10 लाख किलोमीटर आराम से चलता है। सो कंपनी ने क्या किया, अपने प्रोसेस ऐसे बनाए जीरो डिफेक्ट वाले और इतनी अच्छी क्वालिटी डाली कि ड्यूरिंग द यूज ऑफ कार, जिसको हम लोग बोलते हैं ना लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ कार, सबसे कम आता है टोयोटा में, टोयोटा की गाड़ियों में, ओके सो दैट्स व्हाई टोयोटा डिफरेंशिएट कर पाया, ओके नेक्स्ट है इनोवेशन। इनोवेशन यदि सोचना है तो आपको सोचना पड़ेगा फिर मान लीजिए गूगल को लेकर, कि गूगल ने एक ऐसा सर्च इंजन बना दिया जो किसी ने नहीं बनाया, वो इनोवेशन है, और फिर उसके देखा देखी बहुत सारे सर्च इंजन आए, बट वो लगातार अपने इंजन को डिफरेंशिएट करता गया, जैसे फॉर इंस्टेंस उन्होंने डिफरेंशिएट किया, अभी आजकल जो उनका सर्च इंजन है वो एक बहुत इंटेलिजेंट सर्च इंजन उन्होंने बना दिया है जो पहले नहीं होता था, कि आप कोई भी क्वेश्चन यदि गूगल में सर्च में डालते हो तो द मोमेंट यू हैव सर्च डेट तो आपको एक आंसर तो दिखा देता है, बट उसके नीचे उस सीरीज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस भी दिखाता है जिसमें से आपका कोई ना कोई भिड़ जाता है, वो इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसको कैचअप करके लाता है कि और भी इससे मिलता जुलता इतना सारा क्वेश्चंस और है, वो इतना नियरेस्ट लेके आ जाता है कि एक्चुअली आपका काम हो ही जाता है। सो हार्डली इट हैपेंस दैट वी हैव सर्च्ड अपॉन अ क्वेरी इन गूगल एंड वी हैव नॉट गॉट द डिजायर्ड रिजल्ट, दे ऑलवेज अकम्प्लिश दैट एंड दैट इज इनोवेशन।
responsiveness or service is about now when you call upon any customer care, whether they are responding that or not. That is about responsiveness. Now, what is the strategic action once you have achieved product differentiation? Agar aapne product differentiation achieve kar liya, to aapko kya karna hai? To pehla aapka product differentiation karna hai, to karne ke baad aapko karna hai ki aap price thoda sa bada sakte ho. Price bada dijiye kyunki aapka product differentiated hai. You can increase price. Kis liye? Kyunki aapne differentiation kiya hoga, to aapka cost laga hoga. To you can offset your extra cost by increasing the price. ओके जैसे फॉर इंस्टेंस हमने अपना कोचिंग क्लास को ये गो लाइव प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया, तो अब डिफरेंशिएट किया तो इसका कॉस्ट भी तो लग रहा है, तो इस कॉस्ट को कवर अप करने के लिए हम ऐसा सोच रहे हैं कि आने वाले बैच में हम जो नॉर्मल फीस लेते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा ले लें. तो थोड़ा सा ज़्यादा यदि हम लेंगे तो हमारा जो एक्स्ट्रा कॉस्ट अभी लगा वो एक्स्ट्रा कॉस्ट मिटिगेट हो सकता है, कवर अप हो सकता है. तो कब तक वो प्राइस बढ़ा के रखना चाहिए? अंटिल इट जस्ट ऑफसेट्स द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन कस्टमर बेनिफिट्स, दस मेंटेनिंग करेंट मार्केट शेयर. नाउ हाउ विल इट बी मेंटेन्ड? इट इसमें ये बोलना बहुत आसान है कि दस मेंटेनिंग करेंट मार्केट शेयर. इसमें एक चीज़ का खाली ध्यान रखना पड़ता है कि आर योर कस्टमर्स प्राइस सेंसिटिव? से इफ़ यू हैव डिफरेंशिएटेड अपॉन समथिंग, ओके दैट डिफरेंशिएशन बेनिफिट इज देयर, ओके एंड customers are also understanding that there is such benefit. But if say we increase the price to cover the cost of that differentiation, will my customer be ready to pay that price? If not, then actually you have not successfully differentiated. If yes, then you have been successful to differentiate, because differentiation ka जो टेस्ट है वो तभी है जब कस्टमर उसके लिए प्रीमियम देने रेडी है, तब वो डिफरेंशिएटेड है. जैसे एप्पल का आईफोन डिफरेंशिएटेड है, कस्टमर उसके लिए प्रीमियम देने रेडी है. तो वो डिफरेंशिएशन कस्टमर्स ने एक्सेप्ट किया हुआ और उसके लिए प्राइस देने रेडी रहता है, राइट? अब जैसे हमने अगर लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस शुरू की, एक डिफरेंशिएशन है, और अगर आप उस डिफरेंशिएशन को एक्सेप्ट किए हैं तो आप हमें एक्स्ट्रा प्राइस दे देंगे, और अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया है तो आप एक्स्ट्रा प्राइस नहीं देना चाहेंगे. आप बोलेंगे नहीं नहीं उससे अच्छा तो मेरा बाकी आपका डिफरेंशिएशन से मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं दूसरा चीज कुछ कर लूंगा. सो डिपेंड करता है कि कस्टमर का माइंड वो डिफरेंशिएशन को एक्सेप्ट किया है कि नहीं. मतलब इट्स बेटर सेट देन डन वाला कहावत है ना, दस मेंटेनिंग मार्केट शेयर. इट्स नॉट दैट ईजी, दो लिखने के लिए है. दूसरा अनदर ऑप्शन है कि आप प्राइस जो नॉर्मली आप सोच के रखे थे उससे कम ही लीजिए, प्राइस बिलो द फुल प्रीमियम. और मान लीजिए कस्टमर प्राइस देने रेडी नहीं है, होता है ना, कस्टमर प्राइस देने रेडी नहीं है बट वो डिफरेंशिएशन को एक्सेप्ट कर रहा है. ऐसा होता है, कस्टमर प्राइस देने रेडी नहीं है, वो डिफरेंशिएशन को एक्सेप्ट कर रहा है. जैसे मेरे और आपके रिलेशनशिप में यही वाला पॉइंट लागू है. मेरे को ऐसा लगता है कि मैं यदि बोलूँगा कि मुझे लाइव स्ट्रीमिंग पढ़ा रहा हूँ और मुझे प्रीमियम दीजिए, सब बच्चे बैकआउट हो जाएंगे, बोलेंगे प्रीमियम क्या चीज़ का, हम तो रिकॉर्डेड पढ़ लेंगे, हमें लाइव पढ़ना ही नहीं आपसे. अब यदि मैं लाइव दूं और प्रीमियम जो सोचा उससे कम लूं, इफ आई चार्ज यू बिलो द फुल प्रीमियम, देन व्हाट कैन हैपन इज देन व्हाट यू विल फील कि वाह अरे वाह, लाइव भी है और चार्ज भी कम है, तब तो यहीं आओ. अब उससे क्या होगा, दूसरों का मार्केट भी शायद हमारे पास आ सकता है, वी कैन ग्रो आवर मार्केट शेयर. सो डिफरेंशिएशन करने के बाद दो तरीका होता है कि डिफरेंशिएट करो उसका प्रीमियम कस्टमर से चार्ज कर लो, बट कस्टमर शुड बी विलिंग टू पे फॉर दैट. एंड दूसरा तरीका क्या है, डिफरेंशिएशन करो बट कस्टमर से चार्ज मत करो, कस्टमर्स का वॉल्यूम बढ़ाओ कि आप डिफरेंशिएटेड फीचर भी दे रहे हो और प्राइस भी ज़्यादा नहीं ले रहे हो, तो वॉल्यूम बढ़ाओ, मार्केट शेयर कैप्चर करो, करेक्ट? सो ये है बिलो द फुल प्रीमियम आप प्राइस करिए इन ऑर्डर टू बिल्ड मार्केट शेयर. नेक्स्ट आ रहा है कॉस्ट लीडरशिप. कॉस्ट लीडरशिप कैसे लाया जाता है? यू कैन गेट स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑन हाउ टू गेट कॉस्ट लीडरशिप. तो कॉस्ट लीडरशिप एक कंपनी तभी ला पाता है जब उस कंपनी के पास लो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स का एक्सेस है. लो कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जैसे कोई कंपनी है जो ऐसा केपेबल है कि मान लीजिए सप्लायर्स उसके ऐसे नेटवर्क में हैं जो उसको बहुत अच्छे क्वालिटी के सस्ते मटेरियल देते हैं,
तो उसका प्रोडक्ट कॉस्ट कम हो जाएगा। एक कंपनी है जिसका इनोवेटिव प्रोसेस टेक्नोलॉजी है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें एग्जाम्पल मैं क्लास में भी देता हूँ रेगुलर में, वही आपको बता देता हूँ। एक कंपनी है जिसका मशीनरीज ऐसा है जो पेट्रोलियम जो जमीन से निकलता है ना, उसमें भी बहुत सारे ग्रेड्स होते हैं, अच्छा क्वालिटी, थोड़ा खराब करके। तो एक कंपनी है जिसका मशीन का क्वालिटी ऐसा है कि वो घटिया से घटिया ग्रेड का पेट्रोलियम को भी अच्छा पेट्रोल में फिल्टर करके निकाल देगा। तो उसका इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ऐसा है कि जो वर्स्ट क्वालिटी ऑफ क्रूड ऑयल को भी प्रोसेस कर सकता है। तो वर्स्ट क्वालिटी ऑफ क्रूड ऑयल, सस्ता मटेरियल उठाएंगे और इनोवेशन पे इन्वेस्ट कर देंगे, तो सस्ता रॉ मटेरियल के कारण हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट कम आएगा, तो हमारा मार्जिन ज़्यादा मिलेगा, राइट? इफ अ कंपनी हैज़ लो कॉस्ट एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और कस्टमर्स, देन द कॉस्ट वुड बी लोअर, उनको प्रमोशन पे ज़्यादा स्पेंड यदि नहीं करना पड़ता है तो। इफ कंपनी हैज़ सुपीरियर ऑपरेटिंग मैनेजमेंट, देन ऑल्सो द कॉस्ट विल बी लोअर। इफ अ कंपनी हैज़ सम इकोनॉमीज ऑफ स्केल एडवांटेजेस इन सम मार्केट्स, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीन्स वॉट, दे कैन सेल वॉल्यूम, दे कैन बाय इन वॉल्यूम, ओके, सो दैट वे दे रिड्यूस द कॉस्ट बाई आस्किंग फॉर डिस्काउंट्स फ्रॉम देयर पार्टनर्स, ओके, सो दैट वे दे कैन रिड्यूस योर कॉस्ट। सो हाउ दे कैन रिड्यूस द कॉस्ट? सस्ता मटीरियल, इनोवेटिव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, सुपीरियर मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सस्ता है, हाई प्रमोशन कॉस्ट नहीं है, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा लेता है। कॉस्ट लीडरशिप अगर एक बार आप अचीव कर लिए, देन वॉट यू शुड डू, वॉट इज योर स्ट्रेटेजिक एक्शन? वंस यू हैव लोअर्ड योर कॉस्ट, यू कैन लोअर योर प्राइस टू गेट मोर मार्केट। इफ यू हैव लोअर्ड योर कॉस्ट, यू मे कीप योर प्राइस स्टेबल, देन यू विल नॉट गेट मोर वॉल्यूम, कीप द प्राइस सेम, बट यू विल अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट। सो देर आर टू वेज, वन इज चार्ज अ लोअर प्राइस देन इट्स कॉम्पिटिटर्स फॉर इट्स प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू गेन मार्केट शेयर, एंड अनदर इज मैच विद द प्राइस ऑफ कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स, तो यू अर्न ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी, नॉट ऑन द मार्केट शेयर। वैसे जमाना जो अभी आज का है वो मार्केट शेयर बढ़ाने का है, टू बी वेरी फ्रैंक, ना कि प्रॉफिट रेट बढ़ाने का, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लोग को हैंडल कर पाते हैं उतना आपका बिजनेस का स्टेबिलिटी या कंटिन्यूटी ज़्यादा रह जाता है। अगर आप प्रॉफिट पर यूनिट ज़्यादा सोचने लगोगे तो ज़्यादा लोगों को आप नहीं ले पाओगे, ये जनरल थ्योरी है। ज़्यादा लोग और ज़्यादा प्रॉफिट पर यूनिट दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रियल वर्ल्ड में चलते हैं, ओके? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था कि हाउ विल यू अचीव प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, QIS, हाउ विल यू अचीव लो कॉस्ट लीडरशिप, यू हैव टू हैव लो कॉस्ट ऑफ मटीरियल्स, इनोवेशन इन टेक्नोलॉजीज, प्रोसेस टेक्नोलॉजी, यू हैव टू हैव सुपीरियर मैनेजमेंट, यू नीड टू हैव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एंड यू शुड हैव लो कॉस्ट एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, ओके? नाउ वी आर कमिंग टू अनदर द सेम पॉइंट, नेसेसिटी ऑफ स्ट्रेटेजिक पॉइंट मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया था ना, स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रेटेजिक पोजिशन। तो स्ट्रेटेजिक पोजिशन हम कैसे अपना चेक करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन हो रहा है। स्ट्रेटेजिक पोजिशनल एनालिसिस में हम तीन स्टेप का इस्तेमाल करते हैं, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, दूसरा इंटरनल इन्वायरमेंट, और तीसरा ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज, कल्चर्स एंड सिस्टम। सो आपको ये देखना है कि बेसिकली एक्सटर्नल का इम्पैक्ट आपके ऊपर कितना है, उससे आपको पता चलता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। इंटरनल मतलब आपके पास इंटरनल क्या रिसोर्स है, क्या कॉम्पिटेंसीज है जो दूसरों के पास नहीं है, उससे पता चलता है कि आप दूसरों के मुकाबले कहाँ पर हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यूज़, कल्चर एंड सिस्टम कैसा है, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर आगे जा सकते हैं, ठीक है? सो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट, इंडस्ट्री इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट एक्चुअली दो तरह से जाना जाता है, ये हम लोग बाद में वापस पढ़ेंगे भी। आपने पढ़ा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पोर्टर्स फाइव फोर्सेस, और आपने एक पढ़ा है पेस्टल। तो ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट चेक करता है आपके ऊपर कितना पड़ रहा है। इंटरनल इन्वायरमेंट मतलब आपके यहाँ रिसोर्स कितने, कॉम्पिटेंसीज कितने। कॉम्पिटेंसी में मतलब क्या है कि आपके पास स्पेशल स्किल्स क्या है जो दूसरों के पास नहीं है। रिसोर्स मतलब जो जनरल है बट आपके पास अरेंज करने की शक्ति क्या है, ठीक है? जनरल है बट आपके पास अरेंज करने की शक्ति है कि नहीं है, आपके पास मतलब बेसिकली इन्वेस्टमेंट एबिलिटी है क्या उस रिसोर्स को भी अवेल करने का, राइट? ओके, तो रिसोर्स एंड कॉम्पिटेंसीज हो गए, इससे आपको अपना पोजिशन पता चलेगा।
देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज कंसर्न्ड विद इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट ऑन द ओवरऑल स्ट्रेटजी ऑफ द कंपनी। इट इज इम्पॉर्टेंट टू टेक अकाउंट ऑफ द फ्यूचर एंड टू असेस वेदर द करेंट स्ट्रेटजी इज सूटेबल टू फिट विद द स्ट्रेटजिक पोजिशन। नेक्स्ट आ रहा है आपको अपना स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट करने के लिए, पोजीशन जानने के बाद अपने कॉस्ट का ड्राइवर्स को समझना चाहिए। कॉस्ट ड्राइवर्स यानी जिसके कारण आपके यहाँ पे कॉस्ट कभी बढ़ सकता है या घट सकता है, ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए, कॉस्ट ड्राइवर्स। ओके, कॉस्ट ड्राइवर्स मतलब क्या क्या कारण से आपका कॉस्ट शूटअप कर जाएगा, क्या चीज़ बढ़ने से कॉस्ट बढ़ जाएगा। जैसे ये डिपेंड करता है सबका अपना बिजनेस के आस्पेक्ट के ऊपर। जैसे हमारे यहाँ पे समझिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर करेंगे ज़्यादा तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर हम एक बैच को, जैसे आप लोग कम से बार बार पूछ रहे हैं ना सर कब ख़त्म करोगे कब ख़त्म करोगे, तो ऐसे बता रहे हो जैसे आप ही को फ़र्क पड़ रहा है, हमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है ना। आप ऐसे सवाल रेज करते हो कब ख़त्म करोगे कब ख़त्म करोगे, एक सब क्लास इतने दिन से चला रहे हो आप, तो आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि आपका समय बर्बाद हो रहा है, बहुत ज़्यादा आप अफेक्ट हो रहे हो, हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। करेक्ट, बट बात यह है कि हमारे यहाँ भी तो यार जितना मैं ज़्यादा आपको पढ़ाऊँगा उसका कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, जितना ज़्यादा दिन तक पढ़ाऊँगा उतना ज़्यादा मेरा कॉस्ट भी तो इनकर हो रहा है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे भी वो एक ड्राइवर है, द मोर द टाइम गिवन टू अ बैच। हमारे यहाँ पे ड्राइवर है स्टडी मटेरियल में कितना कंटेंट। आप बोलते हो ना इतना मोटा स्टडी मटेरियल इतना मोटा क्यों दे दिया मेरे को, मैं कैसे पढ़ूंगा, मटेरियल छोटा होना चाहिए। बट पॉइंट है भाई साहब, हमारे यहाँ भी तो वही स्टडी मटेरियल एक कॉस्ट ड्राइवर है कि उसमें जब नंबर ऑफ पेजेस बढ़ेंगे तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन क्यों चाहेगा अपना कॉस्ट को अननेसेसरी बढ़ाना, कहीं ना कहीं उसके साथ हो सकता है हम लोग ऐसे सोचते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा कर थोड़ा सा पेजेस ज़्यादा देकर कॉम्प्रिहेंसिव हो जाए सब कुछ और सब कंप्लीट हो, तो बच्चा कहीं पर भी जो सीरियस है वो चूके नहीं, उसको ये ना लगे कि मेरा कुछ छूट गया यहाँ से पढ़ के। तो हम वो कॉस्ट को इनकर करते हैं चला कर, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा कर या थोड़ा पेजेस ज़्यादा देकर, कि कहीं एंड में कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए, जिससे कि अल्टीमेट रिजल्ट है लॉन्ग टर्म में जो आपका वही हमारा कि आप जल्द से जल्द क्वालिफाई हो। सेम रिजल्ट हमारा भी है कि हमारे साथ जो बच्चे पढ़े वो सब एक बार में क्वालिफाई हो जाए। तो उस लॉन्ग टर्म गोल को ध्यान में रखते हुए हमें अपना कॉस्ट को थोड़ा सा कभी कभी बढ़ाना पड़ता है। करेक्ट, तो वो चीज़ आपको भी सोचना है कि ये क्यों ज़्यादा पढ़ाएंगे भाई, ये तो चाहेंगे ना कि यार ये रिवीजन क्लास भी 10 दिन में ख़त्म हो जाए, अब नहीं हो रहा है तो ज़बरदस्ती ख़त्म कर दे और फिर उससे रिजल्ट ना आए, तो वैसा कॉस्ट कंट्रोल का फ़ायदा क्या। स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट यही बोलता है, लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने का सोचना है। बट लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने के लिए ये भी पता होना चाहिए कि आपके यहाँ कॉस्ट ड्राइवर्स कौन कौन से हैं, जिसके कारण ही आप अपने कॉस्ट को कंट्रोल फिर कर पाएंगे। वरना गोल तो अचीव होगा, पता चलेगा आप लॉस में भी आ गए। गोल अचीव करके प्रॉफिट में रहना है, गोल अचीव करके लॉस में नहीं रहना है। तो कॉस्ट ड्राइवर को लेके हमने पहले भी बात कर रखी आपके साथ अपने प्रीवियस चैप्टर्स में। तो एक होता है रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर, एक होता है एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। रिसोर्स और एक्टिविटी का एक डायग्राम बताया था कि जैसे समझिए इलेक्ट्रिसिटी एक कॉस्ट है, उसको पहले एक्टिविटी में डालेंगे, तो जिस तरह से एक्टिविटी के नाम पे उसको अपोर्शन करोगे उसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर यूज़ करके करोगे। इट मे बी सम किलोवाट आवर सम मशीन आवर समथिंग लाइक दैट, कि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हम किस किस एक्टिविटी में डिवाइड कर रहे हैं। और फिर एक्टिविटी का कॉस्ट जब आप प्रोडक्ट में डालोगे, जैसे कि कोई एक्टिविटी है मान लीजिए प्रोडक्शन शेड्यूलिंग करके एक एक्टिविटी है जिसको नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स के हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स आपका एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर हो गया। वैसे एक और होता है स्ट्रक्चरल और एग्जीक्यूशनल। स्ट्रक्चरल मतलब जब कंपनी की सेटअप की जाती है फर्स्ट टाइम, जब कंपनी का लेआउट वगैरह डिसाइड होता है, तो उसके कारण कुछ कॉस्ट फिक्स हो जाते हैं ऐसे जिसके ड्राइवर्स को आप फिर एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। ओके, कॉस्ट विच गेट्स अटैच टू द कॉस्ट विच गेट्स अटैच टू द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ से यू हैव मेड एन हाईली ऑटोमेटेड फैक्ट्री, सो नाउ यू आर थिंकिंग ऑफ रिड्यूसिंग योर इलेक्ट्रिसिटी बिल विच इज़ नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज योर फैक्ट्री इज फुल्ली ऑटोमेटेड, सो यू कैन नॉट एलिमिनेट सर्टेन कॉस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रोसेसेस दैट यू हैव सेटअप। ओके, एंड एग्जीक्यूशनल ड्राइवर्स आर दोज वेयर यू कैन यूज योर स्टाइल ऑफ मैनेजिंग द बिजनेस टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सच ड्राइवर्स
ओके से मे बी मटेरियल मूवमेंट बहुत हो रहा है आपके लेआउट में. मान लीजिए फैक्ट्री में इधर मशीन है, उधर मशीन है, इधर मशीन है, उधर मशीन है, कभी यहाँ से यहाँ लेके जाओ, फिर यहाँ से वहाँ लेके जाओ, वहाँ से यहाँ लेके जाओ. तो आपने ये जो रेक्टेंगुलर लेआउट से सेटअप किया, चार कोने में चार मशीन लगाया, उसके कारण मूवमेंट ज़्यादा हो रहे तो कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है. आप उसको यू शेप में ले आओ ना, यू शेप में ले आओगे तो मूवमेंट कम होगा, आपको यहाँ से यहाँ ले जाने में बहुत ईजी होगा. सो सम कॉस्ट ड्राइवर्स आर डिपेंडेंट ऑन योर स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट. सो कॉस्ट ड्राइवर्स आपको समझना है. स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट करने के लिए अपना पोजिशन जानो, अपना कॉस्ट ड्राइवर जानो, फिर थर्ड अपना जानो कि आपका वैल्यू चेन क्या है. व्हाट इज वैल्यू चेन? वैल्यू चेन इज हाउ मेनी एक्टिविटीज आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट योर इनपुट टू द एंड रिजल्ट. ओके, तो माइकल पोर्टर एक बड़े स्कॉलर हैं, इन्होंने अपने एनालिसिस में एक वैल्यू चेन समझाया कि हर ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू चेन में दो पार्ट होता है, एक प्राइमरी एक्टिविटीज, दूसरा सपोर्ट एक्टिविटीज. प्राइमरी एक्टिविटीज का नाम आपको कंठस्थ याद रहना चाहिए, उसमें है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, फिर है ऑपरेशंस, फिर आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, फिर है मार्केटिंग एंड सेल्स, एंड लास्टली है सर्विस. तो नॉर्मली सर्विस को लोग सपोर्ट समझते थे, बट माइकल पोर्टर ने समझाया कि ज़माना जिस तरह से बदला है, ये भी प्राइमरी है, ये आप सपोर्ट के तरह मत क्लासिफाई करिए. ठीक है, एक बार प्राइमरी फिर से रिपीट करिए मन में. इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, सेकेंड है ऑपरेशंस, थर्ड है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, फोर्थ है मार्केटिंग, एंड लास्ट इज सर्विस. सर्विस इज आफ्टर सेल सर्विस. इनबाउंड लॉजिस्टिक मीन्स योर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल्स और प्रोक्योरमेंट ऑफ मटीरियल्स. अब प्रोक्योरमेंट करने के बाद जो मटेरियल को अपने फैक्ट्री तक लाना है या प्रोडक्शन प्रोसेस तक यूज़ करना है, दैट इज़ इनबाउंड लॉजिस्टिक्स. देन ऑपरेशंस है, ऑपरेशंस मीन्स कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट. देन आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स इज यू आर सेंडिंग योर आउटपुट टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स और मे बी टू वेयर हाउसेज. मार्केटिंग एंड सेल्स का मतलब है कि हाउ विल यू प्राइस द प्रोडक्ट, हु विल सेल योर प्रोडक्ट, हाउ विल यू मैनेज द सेलिंग चैनल्स, प्रमोशन कैसा होगा. ओके, एंड लास्टली सर्विस इज अबाउट आफ्टर सेल सर्विस, हाउ विल यू इंस्टॉल एंड रिपेयर द प्रोडक्ट्स इज रिक्वायर्ड. एंड देन टू मैनेज दिस प्राइमरी देयर आर फोर सपोर्ट एक्टिविटीज. वन इज फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकेंड इज ह्यूमन रिसोर्स, थर्ड इज प्रोक्योरमेंट, एंड फोर्थ इज टेक्नोलॉजी. क्या क्या है फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर? मतलब जितना आपका सॉफ्टवेयर है, अकाउंट्स है, फाइनेंस है, प्लानिंग डिपार्टमेंट है. ह्यूमन रिसोर्स मतलब रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग करना, उनको डेवलप करना. टेक्नोलॉजी मतलब R&D, प्रोडक्ट प्रोसेस इंप्रूवमेंट. और प्रोक्योरमेंट मतलब परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, मशीन्स या सप्लायर्स को टाई अप में लेना. ठीक है, परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, मशीन्स और सप्लायर के साथ रिलेशनशिप वगैरह सब प्रोक्योरमेंट में आ गया. सो वेन यू आर मैनेजिंग दिस एंटायर, देयर विल बी कॉस्ट, एंड कॉस्ट के साथ मार्जिन होगा तो सेल्स आएगा. मतलब आपको इन सबको अपना कॉस्ट समझना है. ये सारा आपका कॉस्ट है प्राइमरी और सपोर्ट को लेकर. सो वैल्यू चेन बेसिकली क्या करता है, आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जितनी एक्टिविटीज़ हैं उसको इन पर्टिकुलर हेड्स में आप क्लासिफाई कर सकते हो. दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज विच यू कैन फॉलो टू कैटेगराइज ऑल द एक्टिविटीज़ इन योर ऑर्गेनाइजेशन. जैसे क्या होता था, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बहुत पॉपुलर हो रहा था. तो चैलेंज क्या आ रहा था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, कि अब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कितने एक्टिविटीज़ हैं, मैं कैसे खोजूँ, खोजना नहीं आ रहा था. तो वैल्यू चेन आके हमें सिखा दिया कि एक्टिविटीज कैसे खोजते हैं. वो बोल रहे हैं आपके यहाँ कुछ प्राइमरी है, कुछ सपोर्ट है. मतलब एक ब्रॉड आइडिया ऐसा दे दिया जिससे सब ऑर्गेनाइजेशन को अपना एक्टिविटीज मिल गया. ठीक है, अब इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में एक अलग अलग एक्टिविटी हो सकते हैं, ऑपरेशंस में अलग अलग एक्टिविटी हो सकते हैं. अब आप उसको उतना स्प्लिट नहीं करना चाहते हो तो एक यही एक्टिविटी मान लो कि इनबाउंड लॉजिस्टिक्स आपका एक्टिविटी है, ऑपरेशंस दूसरा एक्टिविटी है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स तीसरा एक्टिविटी है. ठीक है, जैसे हमारे SGC में भी हम लोग ये सब चीज़ क्लासीफाई करके देखें. इनबाउंड लॉजिस्टिक्स हो गया हम लोग आपका स्टडी मटेरियल वगैरह, और ना कि सिर्फ रॉ मटेरियल की बात, अगर कोई भी इक्विपमेंट्स भी यदि हम मंगा रहे हैं तो सब मंगाने का जो झंझट है, झमेला है या फिर हेडेक है, वो कौन देखता है? कोई तो देखता ही है ना. दैट इज़ इनबाउंड लॉजिस्टिक्स. लॉजिस्टिक्स मतलब लेके आने का, डिलीवरी लेके आना. तो हम लोग ज़्यादातर अपने सप्लायर को ही बोलते हैं कि आप ही पहुँचाइए. हम लोग इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में कम इन्वॉल्व होंगे, हम लोग प्रोक्योरमेंट में इन्वॉल्व होंगे बट इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते. ऑपरेशंस मतलब जो मैं अभी आपके सामने कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये ऑपरेशंस है. आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स मतलब आपका बुक्स वगैरह शिपिंग एजेंसीज के थ्रू आप तक पहुँचवाना, या फिर ऐसे अरेंजमेंट करना कि आप आके कलेक्ट कर लो. मार्केटिंग एंड सेल्स मतलब हम लोग के जो फ्रेंचाइज है, पार्टनर्स हैं, हम लोग उनको
फ्रेंचाइज पार्टनर्स को, जो हमारे मार्केटिंग एंड सेल्स मतलब जो हमारे फ्रेंचाइज हैं, जो पार्टनर्स हैं, हम लोग उनको किस तरह से अपने साथ जोड़े रखें, किस तरह से बैच अनाउंस करें, किस तरह से प्रमोट करें उसको, किस तरह से उनको कमीशन दें, कितना हम लोग एडवर्टीजमेंट पर खर्चा करें, कैसे बैच का फीस वगैरह प्लान किया जाए. सर्विस मतलब अब मान लीजिए आपने क्लास ले ली, क्लास हमने आपको पढ़ा भी दिया, अब उसके बाद आपका जैसे ये जो बैच चल रहा है रिविजन बैच, ये तो सेवा भाव में ही चल रही है ना, आफ्टर सेल सर्विस के हिसाब से चल रही है कि सेल्स हो गया, बैच पूरा पढ़ा दिया, अब उसके बाद एक कुछ रिविजन क्लास, कुछ अमेंडमेंट क्लास, कुछ यूट्यूब वीडियोस, कुछ काउंसलिंग, कुछ इंटरेक्शन, ये सब सेल्स सर्विस का पार्ट है जो प्राइमरी हो गया आजकल. अब ये सपोर्ट में नहीं रहा, अब उसके पीछे फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा, उसके पीछे ह्यूमन रिसोर्स है, आदमी लोग काम कर रहे हैं, उसका एक टीम है जो पूरा मैनेज कर रहा है, टेक्नोलॉजी कैसे लाना है, क्या लाना है, उसका R&D करते रहना है, इम्प्रूवमेंट करना है कि ये वाला इक्विपमेंट चेंज करके अब ये वाला ले लो, ये वाला सॉफ्टवेयर चेंज करके ये वाला ले लो, एंड प्रोक्योरमेंट तो हो ही रहा है. सो एवरी एस्पेक्ट कैन बी सीन इन एवरी बिजनेस, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ वैल्यू चेन, दैट्स वाई इट गॉट पॉपुलर. अच्छा कि ऐसा लगता है कि अरे ये तो सब जगह यूज हो रहा है, बट द थिंग इज इट गॉट मोर पॉपुलर इन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉट इन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. ऑल्दो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन लाइक आई जस्ट एक्सप्लेन्ड, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑल्सो यूज दिस वैल्यू चेन सेग्रीगेशन, दे आर अलाउड टू यूज, बट सर्विस के लिए एक नया कॉन्सेप्ट बनाया जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, वैल्यू शॉप मॉडल. ठीक है, लिमिटेशंस क्या वैल्यू चेन का, एक बार एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं. हमारे साथ और भी जब शुरुआत में दो तीन टीचर जुड़े थे SGC में, ओके, उनमें से निकुंज सर आपने नाम सुना होगा, वो अभी भी साथ में हैं. तो हमने कई बार उनको बोला कि आप पहले खाली टीचिंग करोगे तो कैसे चलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए तो सही हमारे यहाँ का वैल्यू चेन क्या है. तो वैल्यू चेन के लिए उन्होंने अपनी कुछ एक्टिविटीज़ बना के लाई हमारे पास, मेरे साथ बैठा कि सर देखिए ये सब एक्टिविटीज़ है मेरे को लगता है. तो मैं बोला कि आपने जितना लिखा है अब उसको कैटेगराइज करो इस हेड में. मैं उनको ये नहीं बताया कि मैं वैल्यू चेन पढ़ा रहा हूँ, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन, आउटबाउंड मार्केटिंग और सर्विस क्या है, इसके कैटेगरीज में आप क्लासिफाई करके दो. तो जब जैसे ही ये सब नाम लिखा ना, वो ऐसे हक्के बक्के से हो गए, अरे बाप रे बाप, ये सब सर क्या करने बोल रहे, तुरंत मुँह से निकल गया, सर ये सब इतना टेक्निकल है, इतना कुछ टेक्निकली बिजनेस को मैनेज करना जरूरी है क्या, हम लोग सिंप्लीफाइड वे में ही चले ना, जो आपका एक्टिविटीज़ है वही नाम रखे ना, बुक परचेजिंग है तो बुक परचेजिंग बोले, उसको फिर प्रोक्योरमेंट नाम क्यों दे, उसको फिर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स से क्यों रिलेट करे. मैं बोला देखो चीज़ों को करने का तरीका होता है, आप चाहो तो ये सब पढ़ाई बिना किए भी काम कर सकते हो, कोई लॉ थोड़ी है कि ये लॉ वैल्यू चेन का लॉ फॉलो करना पड़ेगा, तो आप बिना उसको फॉलो किए भी कर सकते हो, मेरा तरीका है कि मैं इसको फॉलो करूंगा. तो फिर उनको लगा इतना कॉम्प्लेक्स, अगले दिन से सब टाइटाई फिश हो गया, कोई किसी चीज में कोई डिस्कशन ही नहीं करता था, मैं भी फिर इन्वॉल्व करना बंद किया. मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इट इज़ नॉट सो ईजी फॉर एवरी वन टू अंडरस्टैंड दिस एंड अप्लाई दिस. सो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स थिंग, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, इट इज़ एक्सपेंसिव, इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव बेनिफिट्स इन शॉर्ट टर्म. इफ यू हैव अ फोकस टू ओनली थिंग्स टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड, देन यू शुड नॉट डू वैल्यू चेन एनालिसिस. आई वॉज थिंकिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव. सो लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से वैल्यू चेन समझ में आता है, शॉर्ट टर्म से थोड़ी समझ में आता है. And it is not so suitable for service industries. Although I'm just giving you an exception here, ki still it is possible in some aspects to apply in service industries as well. Even in case study, one of the case study in a service organization, the question is asking you to use all the primary activities of the normal value chain. The benefits of value chain will always exceed its cost and time in the long term. Hence, it is worth doing such analysis. For service industry, there's a different model called as value shop model. So Mohammed Shiraz has asked a question, sir, what is the difference between inbound logistics and procurement? See, difference is clearly written. Procurement is selection of supplier. Procurement is your placing the order. Procurement is clearing their invoices. And inbound logistics means transportation, means bringing that material into your production premises. ओके एंड विद इन द प्रोडक्शन प्रेमाइस आप कितना मटेरियल को इधर उधर मूव कर रहे हो, दैट इज इनबाउंड लॉजिस्टिक्स. लॉजिस्टिक्स मीन्स मूवमेंट. ओके, नेक्स्ट आर एस स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस. स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस मतलब अब वैल्यू चेन एनालिसिस यदि हम डीपली करना चाहते हैं, जैसे पहले था स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का कॉम्पोनेंट्स, उसमें तीन आया कि पोजिशन देखो, कॉस्ट ड्राइवर देखो और वैल्यू चेन देखो. अब वैल्यू चेन करने का मूड बन गया है और वैल्यू चेन को डीपली करना चाहते हैं,
तो पहला हम लोग कह रहे हैं कि वैल्यू चेन करने के लिए आपको बहुत सारा इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन चाहिए. वैल्यू चेन एनालिसिस करना है तो यू नीड सेवरल इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन. यू कैन नॉट डू एनी वैल्यू चेन एनालिसिस ओनली बेस्ड ऑन योर इंटरनल इन्फॉर्मेशन. सो फॉर एक्सटर्नल यू नीड टू नो वॉट इज योर इंडस्ट्री स्ट्रक्चर. फर्स्ट इज इंडस्ट्री स्ट्रक्चर. इंडस्ट्री स्ट्रक्चर वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मीन्स दो एनालिसिस है, पोर्टर्स फाइव फोर्सेज और पेस्टल. पोर्टर्स फाइव फोर्सेज सबको पढ़ा हुआ है तो मैं एक बार क्विकली रिपीट कर दे रहा हूँ. पोर्टर्स फाइव फोर्सेज इंटर में था सबका. पोर्टर फाइव फोर्सेज में था थ्रेट ऑफ बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, थ्रेट ऑफ बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन और कॉम्पिटिव राइवलरी. सो ये सब पांच फोर्स है जो बाहर से आते हैं और आपके ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं. और ये वन टाइम नहीं होते, ये कंटिन्यूसली आपके ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं. कभी एक, कभी दो, कभी तीन, कभी चार, कभी पाँच, कभी पाँचों आपके एक साथ अफेक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को. तो आपको ये देखना है कि इन सब का इफेक्ट आपके ऊपर कितना है. कैसे पता चलेगा कि इसका थ्रेट हमारे ऊपर है कि नहीं है? जैसे बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स का मतलब है कि हमारे कस्टमर्स का बार्गेनिंग पावर हमसे ज़्यादा है कि नहीं है. मतलब एज इन कि उनके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा कि हम अपना टर्म्स रख सकते हैं. सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ पावर क्या है कि बायर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड. अगर बायर कॉन्सेंट्रेटेड है तो बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होता है क्योंकि मुझे वहीं पर बार बार जाना पड़ेगा तो वो मुझे डोमिनेट करेंगे. ओके, बायर्स अगर मेरे बहुत सारे और चारों तरफ से हैं तो मेरे को कोई डोमिनेट नहीं कर सकता कि उसके टर्म्स पर मैं सरेंडर हो जाऊंगा. जैसे मेनी टाइम्स होता है ना कि किसी बिजनेस में हमारे कस्टमर आके हमें बोलते हैं कि मेरे को इतना में दे दो, मैं और भी इतना बिकवा सकता हूँ आपका, फिर मेरे अलावा कोई खरीदने वाला नहीं है. अगर ऐसा कुछ है तो भाई मुझे दबना पड़ेगा. बट जो मुझे पता है कि मैं कहीं पर भी बेच सकता हूँ तो मेरे को दबने का ज़रूरत नहीं है. करेक्ट. देन हाई वॉल्यूम परचेज बाई बायर तो आई हैव टू सरेंडर, देयर डोमिनेंस विल बी मोर. देन इफ से कॉस्ट बायर कैन ईजिली स्विच टू अदर्स. मतलब ऐसा आपका कोई एक्सक्लूसिव नहीं है कि आप ही से सब कुछ लेना है. ओके, अगर वो किसी और से भी ले सकते हैं. एंड कॉस्ट ऑफ स्विचिंग होता है. कॉस्ट ऑफ स्विचिंग मतलब जैसे फॉर इंस्टेंस मान लीजिए मैं अपने एक प्रिंटर से बुक छपवाता हूँ. फॉर इंस्टेंस मैं अपने प्रिंटर का क्या हूँ, कस्टमर हूँ, बायर हूँ एक तरह से. तो मेरे लिए, मैं एज ए कस्टमर सोचो, मेरे लिए प्रिंटर आज कोई ए बी कंपनी है, कल सी डी कंपनी, आपका कोई कंपनी, आप बोले सर मैं भी प्रिंटिंग करता हूँ, अपना बुक्स मेरे से छपा लीजिए ना, तो भले ही आप मेरे को सस्ता में करके दोगे बट फिर भी मैं स्विच नहीं करूँगा. क्यों? क्योंकि देर आर सेवरल आस्पेक्ट्स बिफोर स्विचिंग. बिकॉज आई डोंट नो हाउ डू यू डू द प्रोसेसिंग, आई डोंट नो इन हाउ मच टाइम यू विल डिलीवर टू मी. ओके, एंड आई डोंट नो वॉट टाइप ऑफ पेपर यू विल यूज, आई डोंट नो हाउ बाइंडिंग वुड बी डन, आई डोंट नो योर क्रेडिट कैपेसिटी कि आप मुझे क्रेडिट कितना दे सकते हो. एंड इन अदर केस ए बी कंपनी वो मेरे से थोड़ा ज़्यादा भी लेता होगा बट आई नो इन एंड आउट ऑफ दैट कंपनी. सो आई डोंट एक्चुअली विश टू स्विच. बिकॉज इन योर केस इवन दो कॉस्ट पर यूनिट माइट बी लोअर बट माई कॉस्ट ऑफ स्विचिंग मे बी हायर. कॉस्ट ऑफ स्विचिंग मीन्स कंप्लीटली क्लोजिंग द रिलेशनशिप विथ एग्जिस्टिंग एंड गोइंग विथ यू. And that would be costly for me because I will have to invest lot of time to with you. कि ये मेरे को quality चाहिए, ऐसे मेरा printing होगा, ये मेरा dimensions है. उतना समझाने का जो समय है, resource है, वो हमारे पास नहीं है. तो जब buyer के पास switching capacity है, मतलब if their cost of switching is low, तो buyer will be dominant. ठीक है, तो bargaining power of buyer में cost of switching by them is low. ये important है. तो अगर स्विचिंग का कॉस्ट उनका लो है तो बायर इजीली स्विच कर लेगा, तो आपका बात मानेगा नहीं. स्विचिंग अगर हाई है तो आपका बात मानेगा. बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स. सप्लायर्स मतलब हमारे जो सप्लायर्स हैं जो हमें गुड्स बेच रहे हैं, जैसे हमारे एसजेसी में हमारे प्रिंटर्स जो हमें गुड्स बेच रहे हैं, उनका बार्गेनिंग पावर कैसे डिटरमाइन होगा? भाई अगर मान लीजिए कि वही सप्लाई कर सकते हैं और कोई सप्लाई नहीं करता. मतलब होता है ना कभी कभी सप्लायर इज जस्ट वन पर्सन एंड मुझे उनसे ही लेना पड़ेगा और कोई सप्लाई कर ही नहीं सकता, मेरा जो काम है उसमें और कोई सप्लायर है ही नहीं. तो ऑब्वियसली बार्गेनिंग पावर विल बी हाई. वेरी फ्यू सप्लायर, बार्गेनिंग पावर विल बी हाई. इनपुट इज नॉट रिप्लेसेबल, बार्गेनिंग पावर इज हाई. ओके, आई एम डिपेंडेंट ऑन सोलली ऑन दैट इनपुट ओनली, सो बार्गेनिंग पावर विल बी हाई. जैसे फॉर इंस्टेंस
लैपटॉप के केस में ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसका चलता है वर्ल्ड वाइड? माइक्रोसॉफ्ट का ही चलता है। तो ये डेल वाले, एचपी वाले, लेनोवो वाले का एक सप्लायर है माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट का ही ऑपरेटिंग सिस्टम लोगों को यूज़ करना होगा, वो वही डलाएगा बाद में जाके लैपटॉप में। तो माइक्रोसॉफ्ट का सारा तानाशाही लेनोवो को, डेल को सुनना पड़ेगा। वैसे ही जैसे स्मार्टफोन बन रहा है तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड, तो एंड्रॉयड का तानाशाही आपके सारे स्मार्टफोन वाले को सहना पड़ता है, जो एंड्रॉयड चाहेगा वो करना पड़ता है, सप्लायर का डोमिनेंस है, राइट। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स में क्या हो रहा है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट में क्या हो रहा है, मल्टीपल सब्स्टिट्यूट्स अगर अवेलेबल है तो ऑब्वियसली आपका बिजनेस में रिस्क है। अगर आपके बिजनेस में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो आपका आपका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो आपका जोश ज़्यादा चलेगा। ओके, सब्स्टिट्यूट कैन कम फ्रॉम विद इन द इंडस्ट्री और इट कैन बी फ्रॉम आउटसाइड द इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैमराज है, फॉर एग्जाम्पल कैमरा, कैनन वाले या निकॉन वाले ये जो कैमरा बेचते हैं, इनका सब्स्टिट्यूट है ना मोबाइल फोन, विच इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, इट इज़ कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द इंडस्ट्री। सो अगर आप कैमरा का प्राइस अननेसेसरी बढ़ाने लगोगे तो लोग क्या करेंगे, वो बोलेंगे ठीक है मोबाइल ले लेंगे यार अच्छा वाला, उसमें भी तो अच्छा ही कैमरा आता है। सो देयर इज अ थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट देयर, सो यू कैन नॉट चेंज द प्राइस एज पर योर विम, आप अपनी इच्छा से अपने मूड से प्राइस नहीं बढ़ा सकते वहाँ पर। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, जैसे अगर आपके बिजनेस में ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स कम होता है, अगर एंट्री बैरियर्स है, रेगुलेशंस है तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स कम होता है। जैसे बैंक्स है, बैंक्स खोलना इतना इजी नहीं है, मैं कल चाहूँ SGC बैंक खोल दूँ, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। व्हाई? बिकॉज रेगुलेशंस है बहुत सारे, उसमें कैपिटल का ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़रूरत है, जो मेरे लिए संभव नहीं है। तो ऑब्वियसली बैंक्स की इंडस्ट्रीज़ में एंट्री बैरियर लो है, आप बोल सकते हैं थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स लो है। थ्रेट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव राइवलरी, जैसे अगर मान लीजिए आपके इंडस्ट्री में सरप्लस चल रहा है, मतलब डिमांड उतना नहीं है, कैपेसिटी ज़्यादा है, तो राइवलरी बढ़ जाएगा। ओके, प्रोडक्ट सबका सेम है तो राइवलरी ज़्यादा होगा। अगर मान लीजिए बिजनेस बंद करके जाने का कॉस्ट ज़्यादा है, वाई? बिकॉज हमारे सबके पास, कॉम्पिटिटर्स के पास बहुत इन्वेंट्री एक्यूमुलेटेड है, तो दे कैन नॉट जस्ट लीव द बिजनेस एंड गो, बिकॉज देर इज एन एग्जिट बैरियर इन दैट केस। ओके, सो दे कैन नॉट जस्ट स्विच इन टू अनदर बिजनेस, सो इन दैट केस राइवलरी रहेगा। हाई फिक्स कॉस्ट इंडस्ट्री में, यदि आपका बिजनेस में सबके पास, तो वो लोग अपना फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए कुछ ना कुछ तो जोर लगाएंगे, तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव राइवलरी रहेगा। ये सब पॉइंट्स इसलिए ज़्यादा इम्फेसिस देके पढ़ाया बिकॉज आपको लिखना नहीं आता, मैं देखा हूँ आप खाली नाम याद रखते हो, आप अंदर का नहीं लिख पाते हो, तो इसलिए आपको ये चला के इतना पॉइंट्स बताया, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। एक आपका केस स्टडी का क्वेश्चन है जिसमें आपसे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ट्रांसफर प्राइसिंग से जुड़ा हुआ है वो थ्रेट, ये जो पोर्टर्स 5 फोर्सेस है। ओके, तो उसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या पोर्टर्स 5 फोर्सेस हम लोग डिविजनल ट्रांसफर्स में भी अप्लाई होता हुआ देख सकते हैं क्या? डिविजनल ट्रांसफर मतलब एक होता है कि हम लोग बाहर में गुड्स बेच रहे हैं और दूसरा होता है कि हम लोग इंटरनली Division 1, Division 2 को बेच रहा है, तो उस समय भी पोर्टर्स 5 फोर्सेस अप्लाई होंगे क्या बार्गेनिंग करने के लिए? ये जो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स है, वो अप्लाई होंगे क्या? तो उसमें इंटरेस्टिंगली आपको सारा फोर्स के बारे में नहीं लिखना है, बट थ्रेट ऑफ बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर और बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर के बारे में आंसर लिखना था। जैसे मान लीजिए डिविजन वन एक ऐसा इनपुट बनाता है जो डिविजन टू सिर्फ डिविजन वन से ही ले सकता है और डिविजन टू को बाहर से नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली डिविजन वन का बार्गेनिंग पावर हाई होगा। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल दे के उसमें आंसर लिखना है कि इन दैट केस इफ डिविजन वन इज मेकिंग एन आउटपुट विच इज ओनली मेड इन डिविजन वन, देन डिविजन टू के यहाँ पर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर हाई रहेगा। उसी तरह से एक सिनेरियो बनाना है कि डिविजन वन का कोई एक्सटर्नल मार्केट ही नहीं है, उसका सारा आउटपुट सिर्फ डिविजन टू में ही बिकता है, तो इन दैट केस डिविजन वन के यहाँ पर बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर हाई रहेगा। बट इसको संभालने का, आंसर को संभालने का एक तरीका था, एक कंक्लूजन का तरीका था कि ये सब बातें इंटरनल
ट्रांजैक्शंस में जमती नहीं है। ओवरऑल दोनों डिवीजन को इस तरह से बार्गेन ना करके, एक दूसरे से ना डर के, गोल कॉन्ग्रुएंसी के लिए काम करना चाहिए जिससे कि ग्रुप का फायदा हो। सो समटाइम्स ग्रुप इंटरफेरेंस को लेकर, ग्रुप का इंटरवेंशन को लेकर आपस में नेगोशिएट करके चलना चाहिए। ऐसे आंसर को वहाँ पे क्लोज करना है, तो उसका केस स्टडी आप देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेस्टल एनालिसिस। ये आपका इंटर में पढ़ा हुआ होता है, इस पर इतना कुछ डिस्क्राइब आपके इस सिलेबस में नहीं किया हुआ, जस्ट मैंने नाम लिख दिया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल, PESTEL का पूरा फुल फॉर्म है, पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिकल, एस फॉर सोशल, ई फॉर एनवायरमेंटल एंड एल फॉर लीगल। तो ये सब इफेक्ट का, लीगल पॉलिसीज का, एनवायरमेंटल का, पॉलिटिकल का, सोसाइटी का, टेक्नोलॉजी का, आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है वो आपको एक एक करके सिनेरियो के हिसाब से समझना पड़ता है। नेक्स्ट वैल्यू चेन एनालिसिस हम लोग सीख रहे हैं। वैल्यू चेन एनालिसिस में पहला हुआ आपका इंडस्ट्री स्ट्रक्चर मॉडल, अब दूसरा में हम लोग आ रहे हैं, दूसरा है हमारे यहाँ पर कोर कॉम्पिटेंस एनालिसिस। कॉम्पिटेंस माने होता है कुछ खासियत, वर्ड कॉम्पिटेंस का मतलब होता है खासियत, आपके अंदर की खासियत क्या है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूएसपी। क्या बोलते हैं? यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, एक प्रोडक्ट का खासियत। जैसे ये एक बॉटल है, आपको दिख रहा है क्या? देखिए, आपको थोड़ा सा लाइट व्हाइटिश जैसा दिख रहा होगा, बट एक्चुअली ग्रीन कलर का है। ओके, सेटिंग के कारण कुछ यहाँ पे ग्रीन कलर आपको नहीं दिख रहा है। ये बॉटल है, इसका एक यूएसपी है। ये देखिए, ये मैंने अपने टेबल पे रखा, अब ये बॉटल गिरता नहीं है। देखिए, मैंने धक्का मारा, गिरा नहीं, देख रहे हैं, इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, गिरा नहीं, दिस इज द यूएसपी ऑफ बॉटल। तो जिसने ये बॉटल बनाया उसने इस बॉटल में कॉम्पिटेंसी डाल दिया। ओके, एक यूनिक चीज डाल दिया, देखिए गिरता नहीं है, स्पिल प्रूफ बॉटल आता है ये। ओके, ये चिपक जाता है जैसे ही मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको रख देता हूँ, ये चिपक जाता है, इसको मैं ऐसे उठा भी नहीं सकता, ये ऐसे नहीं उठता, ठीक है, ऐसे उठता नहीं है, ऐसे आगे पीछे नहीं गिरता। इसको उठाने का तरीका है, सीधा उठाओ, सीधा रखो, सीधा उठाओ, इजीली उठता है, सीधा रखो, आप इधर खींचोगे नहीं आएगा, इधर खींचोगे नहीं आएगा, धक्का मारोगे गिरोगे कुछ नहीं होगा। तो ये क्या है? इसका यूएसपी है, ठीक है, इसी को बोलते हैं कॉम्पिटेंस। कभी कभी कॉम्पिटेंस आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में बिल्ड करते हो, कभी कॉम्पिटेंस आप प्रोडक्ट में बिल्ड करते हो, ठीक है। वैसे प्रोडक्ट का जो कॉम्पिटेंस होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट का कॉम्पिटेंस यानी यूनिक चीज को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ओके, प्रोडक्ट का कॉम्पिटेंसी तब है जब उसमें वो डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन मतलब जो बाकी चीजों में नहीं है। ओके, नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग इज, अगर ऑर्गेनाइजेशन का, अगर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंशिएशन का बात हो रहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ काबिलियत है, तो उसको कॉम्पिटेंसी बोल देते हैं। कोर माने जो आपका, मान लीजिए ऐसा चीज है जो किसी कोई छीन ही नहीं सकता आपसे, कोर कॉम्पिटेंसी उसको बोलते हैं, जो आपका ऐसा चीज है जो कोई छीन नहीं सकता। जैसे ये इंडिविजुअल लेवल पे भी सोचा जा सकता है, जैसे मेरा कोर कॉम्पिटेंसी है कॉस्टिंग, आप मेरे से कॉस्टिंग का ज्ञान ले रहे हो, बट आप मेरा ज्ञान लेके मेरे को एम्प्टी नहीं कर सकते, दैट इज माई कोर कॉम्पिटेंसी। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे कॉस्टिंग ही आता है, मेरे और भी स्किल्स हैं जो मेरे अंदर ही हैं, जो मेरा को बाकियों से अलग कर रखे हैं, करेक्ट। वैसे आप में भी कई सारे होंगे जो आपको अलग कर रखे हैं, जैसे अमिताभ बच्चन का एक वॉइस, वो वॉइस उसका उनका कोर कॉम्पिटेंस है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर का बैटिंग करने का स्किल्स, तो वो बैटिंग उनका कोर कॉम्पिटेंस है, जो उनमें ही है, किसी और में नहीं है। वी समटाइम्स कॉल इट एज गॉड गिफ्ट, बट नो, इट इज नॉट द गॉड गिफ्ट ऑलवेज। इट माइट बी इन सम केस, बट इट्स नॉट ऑलवेज गॉड गिफ्ट। कोर कॉम्पिटेंस कैन बी लर्नड एंड कैन बी क्रिएटेड बाय योर ओन चॉइस, आप चाहो तो उसको क्रिएट कर सकते हो। तो क्या आप क्या बोलते हैं, मैं कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूं तो ये गॉड गिफ्ट है? बचपन में पैदा होते ही माँ बोलने के जगह मैंने कॉस्ट बोला था, ऐसा तो नहीं है ना? गॉड गिफ्ट नहीं है, ये बिल्डअप किया गया है, ओवर द टाइम इसको तैयार किया गया है। वैसे आप में भी कुछ कोर कॉम्पिटेंसी होंगे जो आपने अंदर में अपने तैयार किया है। ऐसे हम लोग बात करें कि क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोर कॉम्पिटेंसी है, कैसे पता करें? तो
that what is core competency? It is a distinctive capability of an organization as against its competitors that gives a competitive advantage. अब ऐसा capability होना चाहिए जो उनको कुछ advantage देगा business चलाने के लिए, ठीक है. तो मैंने ऐसे ही जब फर्स्ट टाइम कॉलेज डेज में ये कॉन्सेप्ट को सुना था ना, तो मेरे बगल में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त बैठा हुआ था. तो हमारे से क्वेश्चन किया गया था कि क्या आप में कुछ कोर कॉम्पिटेंसी है. उस समय तो कॉलेज डेज में कुछ समझ में नहीं आता था ये सब बातें. तो मेरे को तो मेरा कुछ क्लिक नहीं किया. मैंने अपने दोस्त से पूछा, बगल में गौरव नाम था उसका, गौरव कुछ कोर कॉम्पिटेंसी तेरे में है क्या भाई? मेरे में तो कुछ अभी क्लिक नहीं कर रहा क्या है, नहीं है, मालूम नहीं. तेरे में कोई है क्या? बोला है. क्या बोले? रुक. ऐसे घूमा चुपके से, और वो क्या ऐसे ऐसे उसका कान बड़े नरम नरम से थे, वो कान को लेके ऐसे 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 मोड़ के पूरा फोल्ड करके, कान में जो अपने ईयर में होल होता है ना, ऐसे लोब्स को और ऊपर वाले को मोड़ के ऐसे फोल्ड करके कान के अंदर ऐसे पकौड़ी जैसे बना के घुसा दिया. बोले देख. बोले अरे ये क्या किया? क्या हुआ, क्या हुआ तेरे कान को? फिर ऐसे टच किया, पूरा खुल गया. बोले फिर से कर. बोले ऐसे ऐसे करके फिर घुसा दिया, फिर घूम गया. करेक्ट. बोले ये क्या किया? बोले देख मेरा कोर कॉम्पिटेंसी. तो बात है कि क्या ये कोर कॉम्पिटेंसी है? अरे भाई आपको कुछ आड़ा टेढ़ा करना आता है अपने बॉडी के साथ या कुछ भी करना आता है, वो कोर कॉम्पिटेंसी हो गया. जब बात करते हैं, कोर कॉम्पिटेंसी वो है जो आपको कॉम्पिटिटर्स से अलग करता है, जो आपके कस्टमर को अवेयर करता है, जो कस्टमर उसको रिकग्नाइज करेगा और उसके लिए प्रीमियम देने रेडी है. ठीक है, प्रीमियम देने रेडी है. अंडरस्टूड? प्रीमियम अगर कस्टमर दे रहा है, मार्केट उसको रिकग्नाइज कर रहा है, उसके कारण आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है, तो आपके यहाँ पे कोर कॉम्पिटेंसी है. सो कोर कॉम्पिटेंसी में ये चीज़ ध्यान रखना, वो कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले आपके पास कुछ अलग होना चाहिए जो आपको एडवांटेज देगा. टू वेज टू अचीव इट. क्या वेज है अचीव करने का? कि डिस्टिंक्टिव और यूनिक स्किल और अ रिसोर्स. मतलब आपके पास कोई यूनिक स्किल है ऑर्गेनाइजेशन में, या आपके पास ऐसा रिसोर्स है जो किसी के पास नहीं है. टेक्निकल नो हाउ आपका बहुत स्ट्रांग है तो आप इजीली उसको पा सकते हो. थ्री टेस्ट टू आइडेंटिफाई इट. कैसे पता चलेगा कि जो आपके पास है वो आपका कॉम्पिटेंस है कि नहीं है? तो उससे एंड प्रोडक्ट बेनिफिट आना चाहिए. दूसरा, वो आपको वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट्स तक पहुंचाएगा. जो मैंने आपको बोला, आपका जो स्किल है कान को फोल्ड करके डाल देने का, तो वो आपको क्या इंडिया का नंबर वन आदमी बना सकता है क्या? ऐसा नहीं है. तो इट शुड हैव वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट्स एंड इट शुड बी डिफिकल्ट फॉर कॉम्पिटिटर्स टू इमिटेट. वो जो कर पाया वो डिफिकल्ट टू इमिटेट है, बट उसका कोई एंड प्रोडक्ट बेनिफिट नहीं है, उसका कोई एक्सेस टू वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट नहीं है, तो वो कोर कॉम्पिटेंस नहीं आया. कोर कॉम्पिटेंस है कि नहीं है उसका टेस्ट है कि एंड प्रोडक्ट में कुछ बेनिफिट आना चाहिए. एंड प्रोडक्ट एज इन कि उस कॉम्पिटेंसी को यूज करके हम जो सर्विस देंगे या प्रोडक्ट देंगे उससे कुछ बेनिफिट होना चाहिए, उसका रीच चारों तरफ होना चाहिए. ठीक है, उसके पास उसकी ज़रूरत बहुत लोगों की होनी चाहिए और वो हर कोई कर ना पाए, ऐसा कुछ होना चाहिए. राइट, तो थ्री टेस्ट टू आइडेंटिफाई इट. टू वेज टू अचीव इट, व्हाट आर दोज? वन इज एनी काइंड ऑफ स्किल और रिसोर्स, और देर इज अ टेक्निकल नो हाउ. टू सोर्सेज टू अचीव इट, मतलब कैसे, अगर आपके पास नहीं है तो आप कैसे बनाएंगे? एक रिसोर्स ऐसा कुछ गैदर करो, जैसे कि फैक्टर्स दैट एनेबल कंपनी टू क्रिएट वैल्यू टू फॉर द कस्टमर्स. दे कैन बी टेंजिबल और इनटेंजिबल. द मोर डिफिकल्ट अ रिसोर्स इज टू इमिटेट, द मोर वैल्यूएबल इज द रिसोर्स फॉर द कंपनी. जैसे मैं एकदम सिंपल समझता हूँ, हमारे मुकेश बाबू के पास जियो बनाने का कोर कॉम्पिटेंसी था. कॉम्पिटेंसी क्या था? कि उनके पास अनाप शनाप रिसोर्सेज है. वो रिसोर्सेज उनके पास है जो एक्सेस दिलाता उनको वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट तक. वो रिसोर्सेज उनके पास ऐसा है जो डिफ़िकल्ट टू इमिटेट है, और उस रिसोर्स से वो एंड प्रोडक्ट बेनिफिट भी निकाल पाए जियो में इन्वेस्ट करके. इसलिए उन्होंने अपना कॉम्पिटेंसी अपने रिसोर्स से क्रिएट किया. फिर कैपेबिलिटीज. कैपेबिलिटीज रेफर टू कंपनीज एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट सच रिसोर्सेज एंड पुट देम टू प्रोडक्टिव यूज. देखो, रुपया बहुत लोगों के पास है, बट उस रुपयों से बेनिफिट या उस रिसोर्स से बेनिफिट कौन ले पा रहा है,
उसी से कॉम्पिटेंस क्रिएट हो रहा है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट हैविंग अ रिसोर्स, इट्स अबाउट यूजिंग योर रिसोर्स टू क्रिएट सम एंड रिजल्ट्स फ्रॉम इट. इफ यू हैव यू आर एबल टू पुट दोज रिसोर्सेज टू यूज एंड क्रिएट सम गुड रिजल्ट्स फ्रॉम इट, देन इट इज एबल टू क्रिएट कॉम्पिटेंसी. Availability of resource by themselves does not guarantee core competency and success. Capabilities stem from organizational structure. कहाँ से capabilities आएगा? Organization का structure से, process से और control system से. So ये काबिलियत Reliance Industries Limited में है कि वो अपने resources तो ला ही पाती है, plus resources को convert कर पाती है to give end product benefits, तभी वो वहाँ पे पहुँच पाई है. Correct? नेक्स्ट लास्ट आ रहा है इसमें, आपको अपना वैल्यू चेन को एक्सप्लोर करना चाहिए टू अप्लाई वैल्यू चेन अप्रोच टू कोर कॉम्पिटेटिव कॉम्पिटेंसीज फॉर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज. अपना वैल्यू चेन को थोड़ा सा यूज करिए और अपने कोर कॉम्पिटेंसी को उसमें डाल दीजिए तो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलता है. वैल्यू चेन में कोर कॉम्पिटेंसी को यूज करिए तो मिलेगा क्या रिजल्ट में? कॉम्पिटेटिव एडवांटेज. और वो कैसे होगा? जैसे पहला है वैलिडेट कोर कॉम्पिटेंसी इन करेंट बिजनेस. मतलब पहले आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें आप देखो आपका स्ट्रेंथ्स क्या क्या है. जो आपका स्ट्रेंथ्स है उसको वैलिडेट करो और पता लगाओ कि क्या वाकई में आपका जो मेन बिजनेस है उसका जो कोर स्ट्रेंथ है वो वही है. ठीक है, तो आपको अपना बिजनेस का स्ट्रेंथ जानना चाहिए. जैसे फॉर इंस्टेंस मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल दूँ जियो का ही. जियो में इनका कोर कॉम्पिटेंसी अभी बन चुका है, अब ये रिसोर्स नहीं है. कोर कॉम्पिटेंसी शुरुआत में रिसोर्स था और कैपेबिलिटीज था. अब जियो जब कंपनी बन चुका है तो वो उनका कॉम्पिटेंसी हो गया है इतना बड़ा मार्केट शेयर, 30 crore यूजर्स दैट दे आर हैविंग ऑन देयर प्लेटफॉर्म. तो दैट इज देयर कॉम्पिटेंसी. ओके, नाउ दे आर गोइंग टू यूज दिस कॉम्पिटेंसी टू क्रिएट कॉम्पिटेटिव एडवांटेज. कैसे? लिवरेज कॉम्पिटेंसीज टू द वैल्यू चेन ऑफ अदर एग्जिस्टिंग बिजनेस. लिवरेज कॉम्पिटेंसीज टू द वैल्यू चेन ऑफ अदर एग्जिस्टिंग बिजनेस. एक्चुअली जियो यही कर रहा है. पूरा ध्यान से रिलेट करके समझ लीजिए. अपना कॉम्पिटेंसीज का फायदा लो टू द वैल्यू चेन ऑफ अदर एग्जिस्टिंग बिजनेस. जैसे रिलायंस का एक और बिजनेस चलता है, रिलायंस फ्रेश. ठीक है, रिलायंस फ्रेश. रिलायंस फ्रेश में वो लोग जो ग्रॉसरी आइटम्स है वो बेचते हैं. तो जियो का जो यूजर्स है उनको वो रीच कर रहे हैं. जियो मार्ट का एक कॉन्सेप्ट लाया, उनको वो रीच कर रहे हैं कि रिलायंस फ्रेश का जो बिजनेस है उसमें कैसे फायदा हो जाए. एग्जिस्टिंग बिजनेस में कोर कॉम्पिटेंसी को यूज करो. ऑलराइट, यूज कोर कॉम्पिटेंसीज टू रिकॉन्फिगर द वैल्यू चेन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस. आप चाहो तो अपने कोर कॉम्पिटेंसी का इस्तेमाल करके आप चाहो तो अब अपना ये जियो का भी जो बिजनेस मॉडल है उसको भी चेंज कर सकते हो. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ऐसा जियो चाहे तो मतलब रिकॉन्फिगर द वैल्यू चेन का मतलब पूरा बिजनेस का मॉडल ही चेंज कर सकते हो. जैसे अगर जियो चाहे तो अभी जैसे अपने से 3 महीने का एक चार्ज लेता है और उसमें यू नो 84 days का एक प्लान है उनका, जिसमें वो आपको अनलिमिटेड कॉलिंग दे रहा है. मतलब तो थोड़ा सा अनलिमिटेड को लिमिट कर दिया, बट इट इज एज गुड एज आई थॉट आई फाउंड इट अनलिमिटेड. मतलब मैं तो वही रिचार्ज करा के जियो का अपना एक नंबर रखता हूँ, उसमें चलाता हूँ, उसमें इंटरनेट का स्पीड बहुत गजब का मिलता है. तो वो डेटा के लालच में एक जियो नंबर रखा हुआ रखता है अपने पास. हर घर में ही मेरे हिसाब से रहता होगा, रखना भी चाहिए. इनफैक्ट दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका जो कंसिस्टेंसी ऑफ स्पीड है उसके कारण. जियो कैन कम अप विद अ मॉडल कि आपका महीने का प्लान जो है वो 3 महीने की जगह आप 1 महीने का मेरे को दे दो. जितना अमाउंट आप 3 महीने का देते हो वो आप 1 महीने का दे दो. और फिर आप ऐसा कर दूंगा कि आपका घर में इंटरनेट चलेगा. ठीक है, और फिर आप रास्ते में आओगे तो आप डेटा पैक यूज़ करो ना, तो रास्ते में वो लोग अलग अलग वाईफाई का कुछ एरिया जोन बना देंगे जहाँ पे आप अपना डेटा पैक बचाओ और रास्ते में स्विच कर लो. कुछ कमर्शियल हब से टाई अप कर लेंगे, जैसे मॉल वॉल से टाई अप कर लेंगे, वहाँ पे उनका वाईफाई यूज़ कर लो जाओ. तो वाईफाई आपको चारों तरफ मिल जाएगा एंड चार्ज आपको एक ही जगह देना है जियो को. अपना डेटा पैक तो अपने पास रखो ही, उसके अलावा रास्ते में जहाँ जहाँ जाओ सब जगह वाईफाई का टावर लगा हुआ है. अपना डेटा पैक बंद कर लो, वो बचाओ, अपने घर में यूज़ करो और रास्ते का वाईफाई ओपन वाईफाई नेटवर्क्स को यूज़ करते रहो. और वो ओपन नहीं है बेसिकली, आप अगर पे किए उनको तो उसका एक्सेस आपको देगा. तो दे आर इन मेरे नज़र में ये प्लान उनका ऑलरेडी टेस्ट में चल रहा है.
बिकॉज इन सेवरल एरियाज दे हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड फ्री ओपन जियो वाईफाई नेटवर्क दे आर टेस्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ दिस प्रपोजल ऑल्सो सो दे आर डूइंग वॉट यूजिंग देयर कॉम्पिटेंसीज नाउ टू रिकॉन्फिगर द वैल्यू चेन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड समटाइम्स दे कैन यूज दिस कोर कॉम्पिटेंसी टू क्रिएट अ न्यू वैल्यू चेन न्यू बिजनेस ऑल टूगेदर ऑल्सो सो जियो इज प्लानिंग टू यूज देयर नाउ कोर कॉम्पिटेंसी टू कम इन टू जियो टी वी लाइक देर विल बी दिस केबल चैनल्स ऑल विल बी प्लेड थ्रू नाउ जियो सो वो लोग सेट टॉप बॉक्सेज लेके आने वाले हैं सो दे आर प्लानिंग टू डू सेवरल न्यू थिंग्स दैट देयर दिस करेंट कोर कॉम्पिटेंसी विल बी हेल्पिंग देम टू डू सो ये मैंने एग्जाम्पल्स आपको समझाया जैसे आप देखिए स्विगी है स्विगी ने अपना एक नेटवर्क बनाया खाली रेस्टोरेंट से फूड डिलीवरी के हिसाब से और उसके बाद उसने चालू कर दिया स्विगी जीनी जीनी का कॉन्सेप्ट क्या है कि वो कोई भी पार्सल भी आपका कहीं से कहीं पहुंचा सकता है तो क्या हुआ उनका कोर कॉम्पिटेंसी उसमें क्या है कोर कॉम्पिटेंसी उनके जो डिलीवरी बॉयज है इतने सारे उनके पास डिलीवरी बॉयज हैं उनके नेटवर्क में जो उनके साथ एफिलिएट होकर काम कर रहे हैं तो वो डिलीवरी बॉयज का रिसोर्स अभी जैसे लॉकडाउन पीरियड में कोई खाली पड़ा हुआ था उनके पास कोई काम नहीं था उनको देने के लिए बट दे वर रेडी टू वर्क इन दिस लॉकडाउन फेज सो व्हाट दे स्टार्टेड विद इज अ जीनी एक नया मॉडल जिसमें उन्होंने क्या किया उसी रिसोर्स को यूज करके अपना एक नया बिजनेस का मॉडल बना दिया दैट इज व्हाट कोर कॉम्पिटेंसी टू क्रिएट न्यू वैल्यू चेन ओके एंड द लास्ट वन टू फॉर टूडेज डिस्कशन इज सेगमेंटेशन एनालिसिस सेगमेंटेशन एनालिसिस इज व्हाट अच्छा मुझे अगर आप 5-10 मिनट देंगे ना तो मैं प्लीज आज ये खत्म कर दूंगा आप प्लीज मुझे कोऑपरेट करिए 5-10 मिनट और समय दे दीजिए मैं ये खत्म ही कर दूंगा अगर आप 10 मिनट और देंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है सेगमेंटेशन एनालिसिस बहुत ईजी सा है जिसमें कह रहा है कि एक बिजनेस है उसका आप डिफरेंट सेगमेंट यानी डिविजन्स आइडेंटिफाई कर लो सेगमेंटेशन यानी जैसे फॉर एग्जांपल एक कार कंपनी है कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में टायर है टायर मेक भी होता है बाय भी होता है ठीक है मेक कर सकते हो बाय कर सकते हो हेडलाइट्स है मेक कर सकते हो बाय कर सकते हो मान लीजिए सोफा है मेक कर सकते हो बाय कर सकते हो इंजन है मेक कर सकते हो बाय कर सकते हो ऐसे पहले आप अपना बिजनेस का सेगमेंट सोचो कि कितना चीज को लेकर आपका बिजनेस तैयार होता है ठीक है तो आइडेंटिफाई सेगमेंटेशन वेरिएबल्स एंड कैटेगरीज कंस्ट्रक्टर सेगमेंटेशन मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स कैसे क्रिएट होता है दैट इज नॉट राइट नाउ आवर स्कोप ऑफ स्टडी बेसिकली इट इज यू नो सम इंटर रिलेशन आपको खोजना चाहिए कि कौन सा सेगमेंट के साथ आप क्या कर रहे हो आप स्टेप टू पे ज़्यादा फोकस नहीं करके स्टेप थ्री पे ध्यान दो सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस अट्रैक्टिवनेस मतलब व्हाट इज द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ सेगमेंट व्हाई यू आर कीपिंग दैट सेगमेंट एज मेक दैट इज सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस आइडेंटिफाई की सक्सेस फैक्टर फॉर ईच सेगमेंट व्हाट वुड बी द रिक्वायरमेंट्स टू मेक द सेगमेंट सक्सेसफुल एज इन देर इज देर एनी क्वालिटी इशू इज देर एनी क्वान्टिटी इशू व्हाट आर द की सक्सेस फैक्टर इन ऑर्डर टू कंटिन्यू विद दैट सेगमेंट एंड एनालाइज अट्रैक्टिवनेस ऑफ ब्रॉड वर्सेज नैरो सेगमेंट स्कोप दैट इज समथिंग लाइक मेक और बाय डिसीजन कि वॉट इज द फ्यूचर पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग थिंग्स बाई आवर सेल्व्स और जस्ट कीपिंग दैम आउटसोर्स्ड फॉर इंस्टेंस जैसे मैंने आपको अमेजोन का बताया था अमेजोन हमेशा क्या किया पता है अपना मेन बिजनेस तो वो शुरू किया था ई कॉमर्स से ही और फिर ई कॉमर्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए उसने अपने बहुत सारे सेगमेंट्स बनाए उस सेगमेंट्स में वो चेक किया कि अब जब मैं अपने लिए कोई चीज़ कर ही लिया हूँ तो लेट अस ओपन दैट सेगमेंट ओपन फॉर अदर्स तो उन्होंने जैसे क्लाउड सर्विसेज अपने लिए कुछ क्लाउड का काम किया कि मैं ई कॉमर्स में इतने सारे मेरे यूजर्स आ रहे हैं मैं उनको मैनेज कैसे करूं तो अपने लिए पूरा एक क्लाउड मैनेजमेंट सिस्टम सोचा और एक बार क्लाउड मैनेजमेंट सिस्टम जो सोच लिया उसके बाद खुद से अपना उसको प्रॉफिट सेंटर बना के बाहर वालों के लिए भी ओपन कर दिया कि जब वो हमारा मैनेज कर सकता है तो उसको एक अलग सेपरेट बिजनेस यूनिट बना दो और AWS Amazon वेब सर्विस नाम से एक पूरा बिजनेस चालू कर दिया जो अब एक बहुत बड़ा बिजनेस उनका बन चुका है तो ये क्या है एनालाइजिंग द ब्रॉड वर्सेज नैरो सेगमेंट ऑफ बिजनेस स्कोप सेगमेंटेशन स्कोप सो समटाइम्स अ बिजनेस स्टार्ट्स एज अ सेगमेंट ऑफ एनी बिजनेस जैसे टाटा ग्रुप के लिए TCS एक सॉफ्टवेयर मेकिंग डिवीजन था जो बाद में उन्होंने एक बड़ा कंपनी TCS नाम का घोषित कर दिया और उससे दुनिया भर का सॉफ्टवेयर बनवाने लग गए तो सेगमेंट जैसा कोई चीज़ शुरू होता है और फिर पता चलता है बाद में वो एक बड़ा बिजनेस का रूप ले लेता है ओके नेक्स्ट आ रहा है वैल्यू चेन अप्रोच फॉर असेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जैसे अब आपको चेक करना है कि अगर आपने समझिए यहाँ पर हमने सीखा कि वैल्यू चेन हमें
यूज कैसे करना है, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस, मींस हाउ टू डू वैल्यू चेन, बिफोर डूइंग वैल्यू चेन व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड स्टडी, दिस वर इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, कोर कॉम्पिटेंस, ओके, एंड सेगमेंटेशन एनालिसिस. वंस यू हैव डन दैट, नाउ वैल्यू चेन एनालिसिस से आप कैसे असेस करोगे कि आपके यहाँ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आया कि नहीं. सो इट रिक्वायर्स इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस. ओके, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज अब अचीव करना है यदि, तो इट रिक्वायर्स इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस. इट हेल्प्स यू, इट फर्स्ट आस्क यू टू आइडेंटिफाई द फर्म्स वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस. ओके, इट डिटरमाइंस द पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट attributable to each process, it identify the cost drivers, it identify the link between process, it evaluate the opportunities for achieving relative cost advantage. ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि अब आपके माइंड में जा नहीं रहा. ओके, दैट्स देर इज नो पॉइंट जस्ट मार्किंग. आई विल टेक अप दिस पॉइंट नंबर 7 इन नेक्स्ट क्लास. दैट लेट्स नॉट रश अप द थिंग्स. ये जस्टिफाइड नहीं है मेरे को लगता है, क्योंकि टाइम लिमिट क्रॉस हो गया आज का. Okay, so we will continue with this traditional versus strategic next day for some time. Half an hour only it should take. Thoda sa aur aaram se revision karke kar lenge. Aur fir hum log next chapter utha lenge. Okay, next chapter maine aapke next day ka list mein dal diya hai. My plan is to take up environmental management accounting, costing for specific sector, gain sharing arrangement. तो ये नेक्स्ट डे के लिए मैंने प्लान किया है, छोटा छोटा चैप्टर्स है, उसको नेक्स्ट डे ख़त्म करते हैं, आज यहीं रुक जाते हैं. ओके, सो आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा ओवरलोड हो रहा होगा, एक बार आप सेटल डाउन करिए और एक बार जरूर से ये जितना भी अभी आपको बताया गया उसको एक बार रीड कर लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए. ये वोटर्स 5 फोर्सेस को लेकर एक केस स्टडी डीजेबी बुक में है, ट्रांसफर प्राइसिंग में मिलेगा आपको, या फिर आपको ट्रेडिशनल वर्सेस स्ट्रेटेजिक में मिलेगा, आप चेक कर लीजिएगा. वोटर्स 5 फोर्स को लेकर है, उसको आप ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा. इवन इंस्टीट्यूट मैट में भी मिलेगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं. ओके, सो एक बार आप ये सबको अच्छे से पढ़िए, सो दैट कुछ क्वेश्चंस भी हो तो अगला दिन पिकअप कर सके, नहीं तो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है. फाइन, सो टुडे वी विल स्टॉप, आई विल स्टॉप टुडे एंड विल कंटिन्यू दिस नेक्स्ट डे. थैंक यू. चलिए मैंने स्टार्ट किया, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रेडिशनल वर्सेस स्ट्रेटेजिक का कंटिन्यूएशन. सो पिछले दिन हमने शुरू किया था बट ख़त्म नहीं किया था, अभी वापस शुरू कर रहे हैं. वो है वैल्यू चेन अप्रोच फॉर असेसिंग कॉम्पिटेटिव एडवांटेज. ठीक है, एज सच इसको लेकर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन अभी तक कोई केस स्टडी का बना भी नहीं है ये वाला पॉइंट पे स्पेसिफिकली. ओके, बट वैल्यू चेन पे क्वेश्चन ज़रूर बनाए. वैल्यू चेन पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं कि कंपनी का कुछ डिटेल्स दे देता है, जैसे कि कोई कंपनी है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, वो अपना रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट कर रहा है, उसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पर है, उसके वेयरहाउसिंग ऑपरेशंस हैं, वो सर्विस वगैरह देने के लिए सर्विस सेंटर्स खोल रखा है. तो आपको उस पूरे स्टोरी में बताना होगा कि पोर्टर्स वैल्यू चेन में जो एक्टिविटीज़ हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़, उसमें कौन कौन सा एक्टिविटीज़ का मैच होता है. इस तरह का क्वेश्चन है आपके केस स्टडी में. ठीक है, जैसे कि पोर्टर्स वैल्यू चेन के एक्टिविटीज़ में इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, तो आपको क्वेश्चन पढ़ के बताना होगा कि ये फैक्ट्री चलाने के लिए कहाँ से मटेरियल लाता है, तो उसका इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में कोई केस स्टडी में क्या रिलेट हो रहा है. सिमिलरली ऑपरेशंस में क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उससे क्या रिलेट हो रहा है. आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि वो लोग वेयरहाउस में रखते हैं फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंचाते हैं, तो वो आपका आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में आएगा. अगर वो एक्सपोर्ट करते हैं तो कस्टमर तक पहुंचाते होंगे, नियरेस्ट पोर्ट तक पहुंचाते होंगे. देन मार्केटिंग चैनल्स एंड प्राइसिंग वगैरह को लेकर आपको एक बात बोलना होगा कि एक्सपोर्ट का प्राइसिंग कैसे करते हैं, लोकल प्राइसिंग कैसे करते हैं, किसके थ्रू बेचते हैं. देन आपको सर्विस की बात करनी होगी कि इनके यहाँ सर्विस सेंटर्स भी हैं जिसमें ये काम करते हैं. सो पोर्टर्स वैल्यू चेन से क्वेश्चन आने का चांस है, जिसमें एग्ज़ाम में आपको फिर उसका लिमिटेशन भी लिखना पड़ सकता है अगर क्वेश्चन बोले तो. लिमिटेशन जैसे हर क्वेश्चन में नहीं बोलता है बट कभी बोल सकता है. सो अभी अपने ये एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी वाला नोट्स पढ़ रहे हैं. दिस इज़ वैल्यू चेन अप्रोच फॉर असेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. इसमें पहला हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस. पहला हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस.
इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस वैल्यू चेन अप्रोच में कैसे होता है, मतलब बेसिकली हम लोग ये जानना चाहते हैं कि वैल्यू चेन में इतने सारे एक्टिविटीज़ हैं तो हर एक्टिविटी का अपना कॉस्ट होगा और हर कॉस्ट एक से दूसरा कनेक्टेड होता है। जैसे फॉर इंस्टेंस यदि आपके यहाँ पे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है तो इसके कारण प्राइजिंग आपका प्रोडक्ट का एक्स्ट्रा हो सकता है। एक कॉस्ट दूसरे से कनेक्टेड होता है तो फिर आपका सेल्स वॉल्यूम भी गिर सकता है। जैसे आपको मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्रॉस लिंकेज समझाया था ना, बस वही सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझनी है। ठीक है, वही सारी चीज़ों की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि आपका हर एक्टिविटी का अपना कॉस्ट है और हर कॉस्ट दूसरे किसी कॉस्ट से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो वो इंटर रिलेशनशिप वगैरह को समझना ही इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस है। तो सबसे पहला स्टेप है इसमें, आइडेंटिफाई करो फर्म्स वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेसेस। क्या आइडेंटिफाई करो? फर्म का पूरा वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस क्या है, मतलब बेसिकली सेट ऑफ एक्टिविटीज़ फर्म के क्या क्या है वो आप आइडेंटिफाई करो। फिर आप पता करो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस एट्रिब्यूटेबल टू ईच प्रोसेस। ईच प्रोसेस का कॉस्ट, जिसको हम लोग याद करो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कॉस्ट पूल बुलाते थे कि हर एक्टिविटी का कॉस्ट होना चाहिए। फिर आपको हर एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर पता होना चाहिए। फिर एक नया चीज़ बोला यहाँ पे, लिंक बिटवीन द प्रोसेस, कि एक का कॉस्ट कम करेंगे तो कहीं दूसरे का कॉस्ट बढ़ जाएगा क्या? जैसे फॉर इंस्टेंस आप एम्प्लॉय को बोल रहे काम फटाफट ख़त्म करो तो वहाँ पे कॉस्ट सेविंग करोगे आप। काम फटाफट ख़त्म करो यानी एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल लाओ तो यहाँ पे कॉस्ट सेविंग करोगे। तो उसके कारण सर्विस सेंटर जो खुले हुए हैं आफ्टर सेल्स सपोर्ट के लिए उस पे कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगा, तो इधर बचाओगे तो उधर लग जाएगा। दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग द लिंक बिटवीन द प्रोसेसेस एंड देन ऑल्सो इवेल्युएट द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अचीविंग रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज। देखो कॉम्पिटिशन में एडवांटेज लेने का दो तरीका होता है, ये मैंने पहले भी बताया। एक है अपना कॉस्ट कम करो, दूसरा है प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करो। सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तब होता है जब आप प्रोडक्ट को भी डिफरेंशिएट कर पा रहे हो एज वेल एज कॉस्ट भी कम रख पा रहे हो। दोनों आपका एक साथ आ जाए तो हम कहते हैं कि आप सस्टेन कर पा रहे हो। आपको हमेशा अपने इंटरनल में सोचते रहना है कि हम कहाँ से कहाँ कॉस्ट बचाने का कोई अपॉर्चुनिटी खोज सकते हैं। यूजिंग द वैल्यू चेन अप्रोच अ कंपनी गोज बियॉन्ड सिंपल अक्रॉस द बोर्ड कट्स एंड अटेम्प्ट्स टू लोअर कॉस्ट एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी विद इन ईच वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस। ओके, सो हर एक वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस में आप अंदर अंदर जाकर अटेम्प्ट करते हो कि कहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं और कॉस्ट को कम कर सकते हैं। देन इट इज़ इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस, द फोकस इज ऑन इम्प्रूविंग द वैल्यू परसीव्ड बाय द कस्टमर्स ऑन द कंपनीज प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफरिंग। द फर्म मस्ट आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस एंड कैरी आउट अ डिफरेंशिएशन एनालिसिस। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग लो कॉस्ट के लिए माथा लगा रहे हैं, लो कॉस्ट करो उसका कैसे करना है उसका प्रोसेस है, और फिर यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे उसके प्रोसेस हैं। सो स्टेप्स में पहले आपको अपना प्रोसेस देखना है पूरा, फिर देखना है कि हम कौन सा जगह क्या डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी लगा सकते हैं जिसको कस्टमर वैल्यू देगा। देखिए आप अपने अंडर प्रोसेस जो करते हैं उसमें अननेसेसरी स्टेप्स बढ़ाओगे कि आपका काम ईजी होगा तो कस्टमर को ईजी से कोई मतलब नहीं है, कस्टमर को उससे मतलब है जिससे उसका फ़ायदा हो। आपको ये देखना है कि जिससे कस्टमर खुश होगा वो वाला स्टेप करो और फिर आप बेस्ट सस्टेनेबल डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करो कि जिसको आप हमेशा कर सकते हो ना कि सिर्फ वन टाइम। जैसे फॉर इंस्टेंस मान लीजिए आपका कोई कार रिपेयर सेंटर है, अब रिपेयर सेंटर में रिपेयरिंग का एक आपने प्रोसेस बना रखा है कि पहले ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। अब उसमें एक स्टेप है जिसमें आप एयर फिल्टर को क्लीन कर देते हैं, पहले नहीं करते थे बट आपने एक स्टेप डाल दिया एयर फिल्टर को क्लीन कर देते हैं, तो ये एक वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस है जिसको कस्टमर भी एक्सेप्ट करेगा, उसका फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाएगा गाड़ी का, तो उसको इजी अच्छा लगेगा कि आपके यहाँ रिपेयर कराया तो एयर फिल्टर को आप क्लीन कर देते हो। सो एयर फिल्टर क्लीनिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस हो सकता है जिसको कस्टमर वैल्यू दे रहा है। वैसे ही आपने कोई कार रिपेयर सेंटर में एक प्रोसेस बना दिया कि एवरी कार नीड्स टू बी वॉश्ड प्रॉपरली, तो वॉश
करने का जो स्टेप है वो आपने ऐसा डाला जो बाकी रिपेयर सेंटर नहीं करते हैं, ठीक है। आप का बाकियों का रिपेयर कराने जाते हो तो वो वॉश नहीं करते, मैं ऐसा प्रिज्यूम कर रहा हूँ। इफ़ दे डोंट डू वॉश बट योर कंपनी इज डूइंग, विच कस्टमर इज गिविंग अ वैल्यू ऑल्सो, इन दैट केस यू नो दिस डिफरेंशिएशन इज देयर एंड दिस डिफरेंशिएशन हैज़ टू बी सस्टेन्ड। सो देर कैन बी सेवरल एक्टिविटीज विच कस्टमर गिव्स वैल्यू। इवन कार रिपेयर सेंटर इफ से बिट ऑफ पॉलिशिंग इज देयर इन द कार आफ्टर द सर्विस, everyone may not do polishing after the service, so if you are doing, customer may like it, okay, aapka car chamchama raha hai to customer may like it, so that differentiation if you are doing you have to sustain it. Next is vertical linkage analysis. Vertical linkage analysis is about ki aap agar ek company ho, aap kisi se goods khareedte ho jisko apne supplier bolte hain aur aap kisi ko goods bechte ho jisko apne customer bolte hain. तो वर्टिकल लिंकेज मतलब आप एनालाइज करो कि आप किन से लेते हो और किन को देते हो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो सप्लायर का काम है वो आप कर सकें, यानी मेक ऑफ रॉ मटेरियल, आप रॉ मटेरियल को मेक कर सकें, मेक, ठीक है। मेक का मतलब क्या हुआ कि आप क्या बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसका आपने पढ़ाई किया हुआ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, इसको हम लोग बुलाते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। सप्लायर का काम खुद कर लो, ओके, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, सप्लायर का काम खुद कर लो और कस्टमर जिसको आप बेचते हो, ठीक है, जिनके आप सप्लायर हो, क्या उनका काम भी हम खुद कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ना कि हम इनका काम खुद कर लें, तो इसको हम लोग बुलाते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, इसको हम लोग बुलाते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो अगर हम सप्लायर का काम खुद करेंगे तो जो सप्लायर हमसे मार्जिन कमाता है वो मार्जिन हमारा हो जाएगा, बट उसके लिए हमें सेटअप करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, हैसल्स उठाना पड़ेगा, वो आपको देखना है कि मेक करना है कि बाय करना है, वो आपको चेक करना है। बट बड़ी बड़ी कंपनियां जब क्या होता है ना अपना मेन मार्केट में यू नो सैचुरेट कर जाती है, देखते अब हम मैच्योरिटी स्टेज पे आ गए हैं, अब और खाली प्राइस वॉर ही चलना है, इसी तरह से बिजनेस आगे बढ़ेगा, तो वो करना क्या शुरू करती है प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करती है। फर्स्ट डे से बैकवर्ड इंटीग्रेशन वायबल नहीं होता। जब आप अपना मेन स्ट्रीम बिजनेस में, जैसे सोचो मैं कोलगेट बनाता हूँ फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट का मेरा मार्केट सैचुरेट हो गया, अब सबके घर में मेरा ही ब्रांड चलता है, नाउ पीपल विल बाय एज पर द नीड, नाउ आई कैन नॉट थिंक ऑफ एक्सपेंशन फर्दर, ठीक है। तो आई कैन नॉट आस्क पीपल टू डू ब्रशिंग थ्राइस और four times a day, right? So they will do as per the routine. So every household is buying the quantity of product. So ultimately there is a saturation. So now to grow myself, either I will explore more markets, maybe where I have not reached yet, maybe different countries, maybe different geographical location, or what do I will do next? Now I will start doing vertical linkage analysis, whereby first I will see the raw materials which are I am currently buying. Can I make those raw material myself so that by doing that investment उनका margin मुझे मिल जाए। So अभी main product में तो margin और बढ़ने का नहीं है क्योंकि market saturated है, fully captured है, तो अब हम क्या पीछे में जाकर कुछ वो वाला काम करके उसका margin अपने घर पर बचा सकते हैं। So that way we start thinking when we usually saturate. So what is vertical linkage analysis? It includes all upstream and downstream throughout the industry. जैसे इसको हम लोग अपस्ट्रीम बोलते हैं सप्लायर वाला को, और कस्टमर वाला को हम लोग डाउनस्ट्रीम बोलते हैं, कस्टमर वाला को हम लोग डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। द एनालिसिस एनकंपासेस एक्टिविटीज बिगिनिंग एट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड एंडिंग एट फाइनल डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स। अ कंपनी माइट नॉट कैरी आउट ऑल द एक्टिविटीज इन द वैल्यू चेन ऑफ एन इंडस्ट्री। मतलब जैसे वैल्यू चेन ऑफ एन इंडस्ट्री का दूसरा नाम है सप्लाई चेन, वैल्यू चेन ऑफ एन इंडस्ट्री का दूसरा नाम है सप्लाई चेन। जैसे आप ये देखिए यहाँ पे लैंग्वेज भी वही है जो सप्लाई चेन में आपको सिखाया था, वैल्यू चेन ऑफ इंडस्ट्री इज इक्वल टू सप्लाई चेन, सप्लाई चेन इज इक्वल टू वैल्यू चेन ऑफ इंडस्ट्री, ये टर्म आप लिख के रख सकते हैं। और हर ऑर्गेनाइजेशन का भी अपना वैल्यू चेन होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना सप्लाई चेन नहीं होता, सप्लाई चेन इंडस्ट्री लेवल से आता है और हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक वैल्यू चेन होता है, और वैल्यू चेन इंडस्ट्री लेवल का सोच रहे हो तो आप सप्लाई चेन सोच रहे हो। हेंस इट माइट नॉट बी इन अ पोजिशन टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ ईच प्रोसेस कैरिड आउट इन द इंडस्ट्री। सो ये
वैल्यू चेन का भी जो अपने पढ़ाई कर रहे हैं वो कह रहा है कि आप वर्टिकल लिंकेज करके पूरा इंडस्ट्री का कॉस्ट एनालिसिस करो. हाउएवर सच इन्फॉर्मेशन इज नेसेसरी फॉर अ फर्म टू कैरी आउट अ वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस. अगर आप अपने सप्लायर का कॉस्ट स्ट्रक्चर जानते हो तभी आपको अट्रैक्टिव लगेगा ना कि सप्लायर वाला काम मैं खुद कर सकता हूँ. सो जैसे अपने बोलते हैं ना किसी भी बिजनेस में जब घुसते हो तो उस बिजनेस का सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए. और बिजनेस माने हम लोग बोल रहे सारा इंडस्ट्री का इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए कि क्या चीज़ कैसे चलता है. अगर आप सिर्फ अपने कंपनी तक कन्फाइंड हो तो आपको कभी ग्रोथ आइडियाज़ नहीं आएंगे. ठीक है, सो यही इस पूरे पढ़ाई का सारांश है. ओके, वैल्यू चेन अप्रोच फॉर असेसिंग कॉम्पिटेटिव एडवांटेज. कॉम्पिटेटिव एडवांटेज यूजुअली दो तरह से ही आता है, एक लो कॉस्ट से, एक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से. तो कैसे लो कॉस्ट लाना है, कैसे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करना है, और उसके अलावा बोल रहे हैं कि अगर आपको और ग्रो करना है तो आपके पास वर्टिकल लिंकेज करने का भी सामर्थ्य होना चाहिए और आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए इंडस्ट्री लेवल का कॉस्ट का, कि आप क्लियरली जान पाए कि कौन आपसे कितना कमा रहा है. करेक्ट, तो आप कभी भी चाहो तो एक नया इंटीग्रेशन कर सकते हो. नेक्स्ट, ये सब फॉर्मेलिटी है. विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SCM, मतलब अल्टीमेटली SCM क्या चीज में हेल्प करता है, ये सब की क्वेश्चंस का आंसर करता है. व्हाई डज अ कंपनी एग्जिस्ट, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस विल द कंपनी ऑफर, व्हिच इज द प्राइमरी मार्केट ऑफ इट्स ऑफरिंग, व्हाट टाइप ऑफ कस्टमर डज द कंपनी सीक टू टारगेट, व्हाट इज द एरिया ऑफ ऑपरेशन. So if you want answer to these, the strategic cost management helps you to identify all these questions. Then lastly, it is value shop model, which is nothing but value chain of service industries. This is important. You may get a case study specifically on this value shop model, that is value chain of service industry, whereby we are saying that primary or support mein support activities jo apne wahan sikhe the value chain mein porter wala wahi hai. Jaise ki yaad karo firm infrastructure, टेक्नोलॉजी, प्रोक्योरमेंट, ह्यूमन रिसोर्स. ठीक है, सो सपोर्ट एक्टिविटीज वही है और अब प्राइमरी एक्टिविटीज चेंज हो गया बिकॉज सर्विस इंडस्ट्रीज थ्राइव फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. सो देयर प्राइमरी एक्टिविटी ऑलवेज सर्कम्फेंस अराउंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. सो व्हाट इज देयर मेन प्राइमरी एक्टिविटीज? द फर्स्ट एक्टिविटीज, you have to understand the problem of your client. Okay, you have to first understand the problem of your client. The second activity is you have to solve the problem. Third is solving ke samay bahut sara alternatives aayega, create alternatives. Wo alternatives mein jo best alternative hai usko choose karo. You have to choose the alternatives, choose among the alternatives and implement the best solution. So execution, and then at the same time you should control whether the result have been achieved or not, is there any deviation existing, and it is a continuous process. You cannot just solve one problem and grow. Service industries keep solving problems of their customers. Okay, so this is how service industry grows. Our service industry mein aajkal waise ज़रूरी नहीं है कि सब कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, सब अपना स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाकर चलाने लग गए हैं. कन्वेंशनली अगर हम बोले ट्रेडिशनली सर्विस इंडस्ट्रीज, जैसे कोई एग्जांपल सोचो, कोई सॉल्यूशन प्रोवाइडर, ऐसा सोचो कोई सॉल्यूशन प्रोवाइडर है. इफ़ एनी सॉल्यूशन प्रोवाइडर इज देयर, सॉल्यूशन प्रोवाइडर मतलब IT सॉल्यूशन प्रोवाइडर. सोचो एक ऐसा IT सॉल्यूशन प्रोवाइडर, तो IT सॉल्यूशन प्रोवाइडर मतलब एक कॉरपोरेट का IT नीड्स है. तो उसको करना क्या एक्चुअली अपना बिजनेस में, अपने क्लाइंट का IT प्रॉब्लम्स को समझना और उसका एक अच्छा सोल्यूशन देना है. अब IT सोल्यूशन प्रोवाइडर में वेबसाइट वाले भी हो सकते हैं, तो ERP वाले भी हो सकते हैं, तो कोई हार्डवेयर वाले भी हो सकते हैं, तो कोई और भी तरह का, कोई नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर, कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर काम करने वाले, अलग अलग इसमें भी सेगमेंट्स होते हैं, कैसा भी कोई हो सकता है. तो सोल्यूशन प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, प्रॉब्लम एक्वायर करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं. जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो लोग फिर एप्लीकेशंस बनाते हैं, सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, और वो सॉफ्टवेयर को फिर वो लोग स्टैंडर्डाइज करके सबको दे देते हैं. जैसे स्कूल है फॉर एग्जांपल, अब स्कूल में अभी क्या हो रखा है, इतने सारे स्टूडेंट्स तक सारे मैसेजेस को पहुंचाना. पहले क्या कन्वेंशन था, हम लोग अपने जब स्कूल जाते थे तो नोटिस बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता था. एवरी डे सुबह स्कूल में घुसते वक्त नोटिस बोर्ड पढ़ते थे, निकलते वक्त नोटिस बोर्ड पढ़ते थे, लंच टाइम होता था यानी टिफिन होता था तो भी नोटिस बोर्ड जरूर पढ़ते थे.
क्योंकि नोटिस बोर्ड में ही कुछ इन्फॉर्मेशन होता था, राइट। अब आजकल ज़माना बदल गया, अब बच्चे उतने होशियार नहीं कि नोटिस बोर्ड ध्यान दें, और पेरेंट्स भी सबको स्कूल आते नहीं, तो आजकल स्कूल डिजिटलाइज हो गया है। डिजिटलाइज हो गया है तो डिजिटल होने के लिए उसको सोल्यूशन चाहिए जिसमें स्कूल का सारा बच्चों का डिटेल्स आ जाए, ऑनलाइन फीस कलेक्शन आ जाए, नोटिस इंटीमेट हो जाए। और अभी तो सब पैंडेमिक के कारण स्कूल में क्लासेस भी उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाए, तो स्कूल के जितने प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए कंपनी है जिसका जिन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया एनटैब। ये एनटैब उन्होंने इतना पॉपुलर कर दिया ये सॉफ्टवेयर को कि आज इंडिया का जितना भी टॉप स्कूल्स है वो इनका ही सॉफ्टवेयर यूज़ करता है। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज कर दिया, ठीक है, कि हर स्कूल को ये वाला सोल्यूशन दे दो और स्कूल को जाओ समझाओ उसको इम्पोर्टेंस क्या है इस सोल्यूशन का, और उनसे एक एनुअल कॉस्ट ले लो और उनको ये सोल्यूशन दे दो। सो व्हाट दे आर डूइंग, दे हैव मेड एन अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्कूल। सो किसी स्कूल को कोई उसका फीचर यूज नहीं करना वो अलग बात है, बट उनके पास सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। So when they make this kind of solution which can be used by many, then that company starts growing multifold. ऐसे ही इन्फोसिस यू नो ग्रो नहीं किया। इन्फोसिस बहुत सारा ऐसा ERP based solution अलग अलग इंडस्ट्री के लिए बनाया। बैंक्स के लिए उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जो आज वर्ल्ड वाइड यूज होता है। मोर देन 80 कंट्रीज़ में उनका सॉफ्टवेयर ही चलता है बैंक्स में। अगर कोई बैंक है तो वो उनका ही सॉफ्टवेयर यूज़ करके बस अपना बैंकिंग सिस्टम चला देता है। सो बैंक में जितने भी तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसका सोल्यूशन एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर में उन्होंने बना दिया और फिर उसको अपग्रेड करते गए और चल रहा है। सो बेसिकली मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि हाउ डज दिस वैल्यू शॉप मॉडल वर्क्स। तो इसको खोजा किसने था, जेम्स डी थॉम्सन ने और चार्ल्स टेबल और ऑयस्टिन जेटस्टैड इन द रिसर्च वर्क प्रॉपरली डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू शॉप। इसमें कोई वैल्यू एडिशन एज सच नहीं बोलते अपने, बट इट ओनली डील्स विद द प्रॉब्लम। ओके, फिगर आउट द मेन एरिया रिक्वायर्स इट्स सर्विस एंड फाइनली कम्स विद अ सोल्यूशन। द मॉडल हैज द सेम सपोर्ट एक्टिविटीज एज दैट ऑफ पोर्टर्स वैल्यू चेन, बट प्राइमरी एक्टिविटीज आर डिस्क्राइब डिफरेंटली। लास्टली इट इज़ रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, दिस इज ऑल्सो अ साइड थिंग, उतना ज़्यादा वजूद नहीं है, बट फिर भी एक बार पढ़ लो कि पुराने कॉस्ट अकाउंटेंट और आज के स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को देखने वाले मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल में क्या डिफरेंस हो गया है। तो आजकल उनको स्किल होना पड़ेगा विथ ऑल मॉडर्न कॉस्टिंग टेक्निक्स एंड एनालिसिस लाइक एक्टिविटी बेस्ड, लाइफ साइकिल, टारगेट, वैल्यू चेन, बिजनेस प्रोसेस। एंड इंटरेस्टिंग बात ये क्या पता है, यही सारा जो मॉडर्न चैप्टर्स का ये टेक्निक्स का नाम है ना, यही सब आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है सिलेबस में। दे शुड ऑल्सो कोलैबोरेट विद इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विस प्रोफेशनल्स टू फोकस ऑन द स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आइडेंटिफाइड इन द वैल्यू चेन एनालिसिस एंड रिजल्ट्स। सो आइडिया इज वो लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने केबिन तक या रूम तक कन्फाइंड रहेंगे, वो लोग जाकर डिफरेंट डिपार्टमेंट से कोलैबोरेट करेंगे टू अंडरस्टैंड हाउ द प्रोडक्ट शुड बी मेड, हाउ द प्रोडक्ट शुड बी मार्केटेड, सो दैट कहीं ना कहीं वैल्यू चेन में उनको ऑप्टिमाइज करने का अपॉर्चुनिटी मिले। और मैनेजमेंट अकाउंटेंट का मेन काम हो गया एनहांसेस द फर्म्स वैल्यू एंड डेमोन्स्ट्रेट द वैल्यू ऑफ फाइनेंस स्टाफ टू फर्म्स ग्रोथ एंड सर्वाइवल। वैसे मैनेजमेंट अकाउंटेंट फाइनेंस टीम का आदमी है, बट उसका काम ये भी है कि वो पूरे फर्म का वैल्यू एनहांस करे और कंपनी को ग्रोथ और सर्वाइवल में हेल्प करे, ठीक है। सो ये शॉर्टकट में लिखा हुआ है रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। आपको मैं बता देता हूँ इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। वैल्यू शॉप मॉडल एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट है आपका ये यहाँ पर पोर्टर्स फाइव फोर्सेस थोड़ा इम्पॉर्टेंट है इसमें, ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ पावर वाला पोर्शन। तीसरा आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वैल्यू चेन एनालिसिस, इसके ऊपर केस स्टडी क्वेश्चंस भी आ सकता है, ओके। चौथा आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप कैसे क्रिएट होता है, कैसे अचीव कर सकते हैं, और अगर अचीव हो गया तो फिर हमें उससे क्या स्ट्रेटजिक एक्शंस लेना चाहिए, ओके। बस इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मैंने मार्क कर दिया है। तो ये सब जो इम्पॉर्टेंट लिखे हैं उसको एकदम घोल के पी जाइएगा, ठीक है। ड्रिंक इट विथ वाटर, पूरा उसको मिक्स करके वाटर में मिला के पूरा एक बार में घटक जाइएगा और भूलने का कोई गुंजाइश ही नहीं है, एकदम मुंह जबानी याद होना ही चाहिए, ओके।
और इससे जुड़े हुए केस स्टडीज आपको मिल जाएंगे और वो आपको जरूर देख लेना चाहिए. सो ट्रेडिशनल वर्सेस स्ट्रेटजिक इज ओवर. Somebody is asking me, सर एक बार फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बता दीजिए. फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इज मैं जिनको गुड्स बेचता हूँ क्या मैं वो बिजनेस खुद कर सकता हूँ. इन जनरल मैं कंज्यूमर को बेचता हूँ तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन नहीं होता. अगर मैं ही कंज्यूमर को बेचता हूँ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन नहीं होगा. अगर मैं किसी और बिजनेस हाउस को गुड्स बेचता हूँ वो फिर उसको फर्दर प्रोसेस करता है, फिर एंड में दूर में कंज्यूमर बैठा हुआ है, तो फिर मैं जिसको बेचता हूँ क्या मैं उसका काम खुद कर सकता हूँ. इट इज लाइक दैट. ठीक है, चलिए एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आ जाइए. नाउ दिस इज वन वेरी बेसिक चैप्टर जिससे एग्जाम में कुछ ना कुछ आ ही रहा है, थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है बट आ रहा है, क्योंकि एक नया चैप्टर है, नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए शायद आ रहा है. और बहुत आसान सा है जो भी, आप उसमें को लेके घबराइएगा नहीं. ये सब बोनांजा चैप्टर्स हैं जो अभी हम मान लीजिए आपके साथ ये न्यू सिलेबस अलग से बोल के जो करा रहे हैं आपको, ये सब बोनांजा है, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और बहुत आसान है. सो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग कह रहा है कि आप अगर एक ऐसी कंपनी है जिसका प्रोडक्ट से एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है या पड़ता है या पड़ेगा, तो आपको अपने कंपनी में एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे. या आपका CSR है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर आप ऐसा समझ लो कि गवर्नमेंट का रेगुलेशंस है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर, कि आपको अगर ऑपरेट करना है अपने बिजनेस को, फैक्ट्री चलाने का लाइसेंस चाहिए, तो आपको एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा. एक अपनी इच्छा से करो CSR बोलकर, और दूसरा है कि रेगुलेशंस आ जाएंगे तो करना पड़ेगा, नहीं तो फाइन लगाएंगे. एनवायरमेंटल लाइसेंस लेना पड़ता है आजकल बिजनेस करने के लिए, एनवायरमेंट का ऑडिट कराना पड़ता है, उसका रिपोर्टिंग करना पड़ता है बिजनेस करने के लिए. अगर आपके प्रोडक्ट से जो उसका आप बिजनेस करते हो अगर एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है या पड़ सकता है या पड़ेगा, तो आपको करना है. ठीक है, सो नाउ आइडिया इज सिंस हमें मेजर्स लेने हैं एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो कोई भी चीज़ को करने जाएंगे अंदर में तो कॉस्ट लगेगा, तो उस कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना चाहिए एक अलग हेड में, विच वी कॉल एज एनवायरमेंटल कॉस्ट. अभी तक क्या होता था कन्वेंशनल सिस्टम में कि वो ओवरहेड्स में मिक्स हो जाता था, हम लोग अलग से उसका कोई हेड नहीं बनाते थे. बट सिंस ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा राइज कर रहा है, तो इट इज़ अ नीड नाउअडेज दैट यू शुड अकाउंट इट फॉर अंडर सेपरेट हेड एंड यू शुड नॉट मिक्स इट इन योर जनरल ओवरहेड्स. ओके, सो आइडिया ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज you need to first identify the environmental cost that you are incurring. What are environmental costs? That is the cost against the measures that you are taking to protect the environment. Okay, and now once you have identified the cost, what you have to do is you have to divide the cost. What you have to do is divide the cost among the products which are creating impact on environment. Okay, किस में डिवाइड करोगे? जो जो प्रोडक्ट आपका एनवायरमेंट पर इम्पैक्ट कर रहा है. सो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, ये आपको सिखाता है कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अब आप बोलेंगे कि कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करके फ़ायदा क्या होगा? कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करके फ़ायदा ये होगा कि प्रोडक्ट का सच्चा कॉस्ट, रियलिस्टिक कॉस्ट मिलेगा. किसी प्रोडक्ट में आप खाली प्रोडक्शन कॉस्ट देख रहे हैं, बट उसके कारण आप एनवायरमेंट पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उस प्रोडक्ट का, उसका भी स्टेप्स ले रहे हो, और वो कॉस्ट प्रोडक्ट के नाम पे नहीं डाल रहे हो, उसको जनरल ओवरहेड्स के नाम पे साइड कर रहे हो, तो प्रोडक्ट का कॉस्टिंग एक्यूरेट कहाँ हो रहा है? सो प्रोडक्ट का प्राइसिंग अकॉर्डिंगली एक्यूरेट कहाँ हो रहा है? तो यू नीड टू डू एक्यूरेट कॉस्टिंग एंड एक्यूरेट प्राइसिंग ऑफ योर प्रोडक्ट विथ द इंक्लूजन ऑफ द एनवायरमेंटल कॉस्ट दैट द प्रोडक्ट इज एक्चुअली गिविंग. ठीक है, so environmental management accounting just wants us that you understand the cost, you identify the cost, you distribute the cost
एंड अकॉर्डिंगली डू द करेक्ट प्राइजिंग. एंड इट्स डजेंट जस्ट एंड विथ प्राइजिंग, बिकॉज वंस यू क्लोज दिस एट प्राइजिंग, सो वट विल द साइकोलॉजी बी इन साइड द कंपनी कि क्या है, खर्चा लग रहा है लगने दो, लगना है तो लगेगा, फिर बांट देंगे, फिर कॉस्ट में जोड़ देंगे, फिर कस्टमर से चार्ज कर लेंगे. ऐसे तो फिर हमेशा इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट ऐसे भी सोसाइटी को बियर करना है, मतलब पॉल्यूशन होगा जो, या फिर कोई केमिकल टॉक्सिकेटेड केमिकल अगर आप कहीं डिस्चार्ज कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट ऐसे भी सोसाइटी को बियर करना है, ऊपर से आप प्राइस भी बढ़ा दे रहे हो क्योंकि आपने इन्वायरमेंट पे जो खर्च किया उसका कॉस्ट लगा आपका, तो उसका भी हर्जाना उनको ही भरना है. ये कोई बात थोड़ी हुआ. तो बात तो तब सही होगा ना जब मान लीजिए कि आपने अपने इंटरनली ऐसे स्टेप्स भी लिए जिससे कि इन्वायरमेंटल कॉस्ट एकदम कम हो जाए. ठीक है, इन्वायरमेंटल कॉस्ट का रिडक्शन भी करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉस्ट इनकर किया है तो उसको एलोकेट करना है. दैट्स नॉट मैनेजमेंट अकाउंटिंग अबाउट. ऐसा होता तो हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंटल कॉस्टिंग, कॉस्टिंग थोड़ी है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है. मीन्स यहाँ पर आपको उसको कॉस्ट को मैनेज भी करना है और देखना है कि कॉस्ट कैसे रिड्यूस हो सके. रिड्यूस करने के लिए आपको हो सकता है अपना क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल बदलना पड़े या फिर प्रोसेसिंग टेक्निक बदलना पड़े. ठीक है, तो क्या क्या तरीका हो सकता है दैट यू हैव टू एक्सप्लोर. ओके, दिस इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन वेरी वेरी शॉर्ट टर्म. लेट अस नाउ एक्सप्लोर डीपली. फर्स्ट इज मीनिंग. ओके, मीनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू environmental cost for internal decision making. What is environmental management accounting? Here we analyze environmental cost and collect environmental cost for the purpose of internal decision making. What is its focus? Focus is on to account for financial cost. The main focus is to account for financial cost incurred to protect the environment and to sustain and ensure the environmental efficiency of the company. That means aapko wo cost hamesha bas अकाउंट फॉर करना, ऐसा नहीं है. आपको देखना है कि हम कैसे एनवायरमेंटली एफिशिएंट हो पाए, मतलब हमारे कारण, हमारे प्रोडक्ट्स के कारण एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट सबसे कम पड़े. कैसे इस पूरा पढ़ाई को यूज कर सकते हैं, इसका एक यूज है प्राइसिंग में, दूसरा यूज है बजटिंग में. जैसे अगर आप साल का कॉस्ट प्लान कर रहे हो, पूरे ईयर का कॉस्ट को प्लान कर रहे हो, तो यू शुड ऑल्सो इंक्लूड एनवायरमेंटल कॉस्ट इन दैट. इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में, जैसे अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो इन बहुत बार होता है कि उस प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में आपको बहुत सारे एनवायरमेंट रिलेटेड इक्विपमेंट्स लगाने पड़ेंगे, या फिर आपको हो सकता है कि कुछ अलग से एनवायरमेंट रिलेटेड लाइसेंस लेने पड़ेंगे जिसका कॉस्ट लगेगा, या प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद. बहुत बार होता है प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद, एंड ऑफ द प्रोजेक्ट में, आपका जो आपने समझो जमीन को खराब किया या एरिया को कॉन्टेमिनेट किया, उसको रिहैबिलिटेट करने का आपको एक कॉस्ट बियर करना पड़ता है जो एज पर गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स आपके ऊपर इम्पोज किया जाता है. पहले ये सारा चीज़ है ना, यू नो, गवर्नमेंट ही टेक केयर करती थी, बट गवर्नमेंट आजकल स्मार्ट हो गई है. वो बोलती है गंदगी आप करो और हम साफ करें, ये कहाँ का रूल है? मतलब करे कोई और भरे कोई, आप हमें देते क्या हो कि मैं आपकी गंदगी साफ करूं? तो इट इज़ यू हु हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस पॉल्यूटेंट्स दैट यू आर एमिटिंग टू द एनवायरमेंट, अदरवाइज यू विल नॉट बी अलाउड टू डू दिस काइंड ऑफ बिजनेस. सो गवर्नमेंट आजकल सब आपके ऊपर इम्पोज कर रही है. पहले इन्वायरमेंटल कॉस्ट एक्सटर्नल कॉस्ट होता था, आजकल वो इंटरनल कॉस्ट हो गया. एक्सटर्नल कॉस्ट मीन्स कॉस्ट वॉज टू समवन एल्स, नॉट टू अस, बट नाउ इट हैज बीन इम्पोज्ड ऑन अस एज एन इंटरनल कॉस्ट बिकॉज गवर्नमेंट इज नाउ वेरी स्मार्ट. सो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इज वॉट बेसिकली, आप प्रोजेक्ट को इवेल्युएट जब करते हो तो आप ये देख लो लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट में इन्वायरमेंट रिलेटेड क्या क्या कॉस्ट है, जिससे कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और अच्छा होगा. कैलकुलेटिंग कॉस्ट मीन्स ऑब्वियसली कॉस्टिंग करने में हेल्प कर ही रहा है. देन इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू सेट इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस टारगेट्स एंड देन मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग द टारगेट, बिकॉज यू जस्ट डोंट वॉन्ट टू एट्रीब्यूट कॉस्ट और इंक्लूड द कॉस्ट इन बजटिंग एंड प्राइजिंग. You want to reduce the cost, so you need to set some performance targets. Re-evaluation of profitability of products. Re-evaluation of profitability means if, say, you know, अगर किसी product में आप अभी तक environmental cost को charge ही नहीं करते थे और अब charge करोगे तो उसकी profit change हो जाएगी, तो हो सकता है जो profit making product था वो अब loss making दिखने लगे.
So you need to reevaluate whether your products are profitable actually or not. So we should continue with the product or discontinue the product. And similarly, it also gives you idea of redesigning the process so that you can control the environmental cost or reduce the environmental cost permanently. Now, next point comes, what are environmental costs? So there are four ways to understand this, A, B, C, D, aap dekh lena. So pehla hai, as per US Environmental Protection Agency, they have defined environmental costs into four ways. चार तरह से वो समझा रहे कि environmental cost में conventional cost होता है. Conventional cost means that arises due to raw material and energy. जैसे ये दो से environmental cost generate होता है. जैसे energy जितना आपने use कर रहे हैं, power, electricity जितना आपने use कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं impact environment पे आता है. Why? Because energy generate करने का जो process है, उससे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन होता ही है एनवायरनमेंट पे. एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट उस पर पड़ता ही पड़ता है. और रॉ मटेरियल में कैसे, कोई भी रॉ मटेरियल को जब हम प्रोसेस करते हैं, तो प्रोसेस करते वक्त उसका वेस्टेज वगैरह होता ही है. तो जो वेस्ट है वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है. सो कन्वेंशनल कॉस्ट में एनवायरनमेंट का कॉस्ट दो चीज़ में छुपा हुआ रहेगा, रॉ मटेरियल में, एक एनर्जी में. फिर हम कह रहे हैं कि कुछ हिडन कॉस्ट होते हैं एनवायरनमेंट के, जो जनरल ओवरहेड्स में छुप जाते हैं, जो हम लोग कभी भी अलग से हाईलाइट नहीं करते, वो हिडन कॉस्ट बोलकर. जैसे फॉर इंस्टेंस सोचो, कोई वेस्ट रिमूवल कॉस्ट है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई टॉक्सिक वेस्ट आ गया था, उसको रिमूव करवा दिए, उसका कॉस्ट बियर किए, तो वेस्ट रिमूवल कॉस्ट. ऐसे तो आप बोलेंगे कि वेस्ट रिमूवल कॉस्ट का वो हम अलग से तो कोई अलग हेड में डालेंगे नहीं, हम तो ओवरहेड्स में डालेंगे. तो वेस्ट रिमूवल कॉस्ट गेट्स क्लब्ड इनटू जनरल ओवरहेड्स, दोज आर हिडन एनवायरमेंटल कॉस्ट. आपके यहाँ वेस्ट आया, वो एनवायरमेंट में आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, आपको रिमूव करवाना पड़ा कायदे से, वो कहीं जाके डंप किया जाएगा, डंपिंग कॉस्ट है आपका. तो दैट इज हिडन कॉस्ट विच जनरली कम्स अंडर द ओवरहेड्स. कंटिंजेंट कॉस्ट इज सम कॉस्ट दैट आर नॉट ऑलवेज इनकर्ड बट विल बी इनकर्ड इन फ्यूचर इफ एनी कंटिंजेंसी अराइजेस. जैसे फॉर इंस्टेंस इफ योर प्रोजेक्ट गेट्स कंप्लीटेड, वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू क्लीन अप एवरीथिंग, रिहेबिलिट करना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं क्लीन अप कॉस्ट. देन देर आर रिलेशनशिप कॉस्ट, मीन्स मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट अथॉरिटीज हुड आर डीलिंग विद एनवायरमेंट. सो दे मे आस्क यू टू प्रिपेयर पीरियोडिक रिपोर्ट्स एंड प्रेजेंट टू देम. सो दोज रिपोर्ट्स एंड ऑल इन्वॉल्व एक्स्ट्रा कॉस्ट. सो दोज आर एनवायरमेंटल रिपोर्ट कॉस्ट रिलेशनशिप कॉस्ट में. नेक्स्ट आ रहा है, एज पर यूनाइटेड नेशंस डिविजन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दे आर सेइंग दैट environmental cost to be understood as two parts, cost incurred to protect the environment and dusra hai cost of wasted material, capital and labor. So there are two things, one is cost incurred to protect the environment and another is cost of wasted material, capital and labor. Jaise aapne protection ke liye koi pollution prevention equipment install kiya, so that preventive cost is also an environmental cost. एंड जो आपका एक्चुअल में इंटरनल फेलियर होता है ना, जैसे कि आपने इंटरनली कुछ वेस्ट जनरेट किया, या फिर आपका इवन आदमी का समय बर्बाद कर रहे हो आप कहीं ना कहीं मान लीजिए अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दिया और फिर उस इन्वेस्टमेंट को यूज़ नहीं किया, तो वो कह रहे वो भी इन्वायरमेंटल कॉस्ट है. जैसे कहने का मतलब ये है कि ये सब इन्वायरमेंटल कॉस्ट कैसे है, कि आदमी का समय बुला के उसको बैठा दिया, उससे काम नहीं करवाया, तो वो कैसे एनवायरमेंटल कॉस्ट हो गया. जैसे हम लोग कह रहे हैं कि अगर आदमी आया हो चला के आया तो वो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट किया होगा कुछ पोर्शन. ऐसा सोचो ना, जैसे मैं अगर आपके ऑफिस आया, मैं एक कैब पकड़ के आया जिसका 200 रुपीज़ फेयर लगा, तो कैब 200 रुपीज़ मेरे से फेयर लिया, तो वो कहीं ना कहीं वो पॉल्यूशन तो किया, करेक्ट. अब मैं आपके ऑफिस में आया, कोई काम आपने करवाया नहीं, खाली बैठा दिया तो मेरा आइडल टाइम के कारण मेरा जो चार्ज आप दोगे वो तो दोगे, उसके अलावा मैंने जो ये कन्वेंस यूज़ किया उसका पॉल्यूशन भी तो एनवायरनमेंट में गया. तो ये कह रहा है कि हर एक वेस्ट जो आप अपने यहाँ पे कर रहे हो उसका कोई ना कोई कनेक्शन एनवायरनमेंट से हो सकता है. बट ये सब क्या है, थियोरिटिकल है, इतना प्रैक्टिकल नहीं लगता है सुन के कि आप इससे कैसे एनवायरनमेंट कॉस्ट आइडेंटिफाई करोगे. देन एनवायरनमेंट कॉस्ट इन प्रैक्टिस, दिस विल बी नंबर सी. एनवायरमेंटल कॉस्ट इन प्रैक्टिस दो होता है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, यही मेन है. एक्सटर्नल कॉस्ट मतलब द कॉस्ट इज नॉट इम्पोज ऑन अस, द सोसाइटी विल बियर और द गवर्नमेंट विल बियर. ओके, से मैंने कुछ मान लीजिए वही है ना, स्वच्छ भारत में कुछ भी केला खाया और छिलका फेंक दिया, तो छिलका फेंक दिया तो उसको कौन हटाएगा, उसको क्या तो कोई
पड़ोसी हटा के फेंकेगा तो कॉस्ट उसका हो गया, या फिर मान लीजिए गवर्नमेंट का आदमी आके हटाएगा तो कॉस्ट उनका हो गया, आपका तो कोई कॉस्ट नहीं रहा ना. सो इट इज़ एक्सटर्नल कॉस्ट, और इंटरनल कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट दैट यू बियर टू क्लियर अप द एनवायरमेंट. ओके, सो नाउ इट इज वॉट इज हैपनिंग वॉट आई टोल्ड यू इन बिगनिंग दैट एक्सटर्नल कॉस्ट आर नाउ बींग मेड एज इंटरनल कॉस्ट बाई गवर्नमेंट रेगुलेशंस. एंड लास्ट एज पर हैंसन एंड मंडोजा, क्वालिटी कॉस्ट बेस्ड एक क्लासिफिकेशन था आपका कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में. एक था आपका यू नो इन्वायरमेंट प्रिवेंशन कॉस्ट, देन था आपका अप्रेजल, देन इंटरनल फेलियर, देन एक्सटर्नल फेलियर. तो आप अपने इन्वायरमेंट रिलेटेड भी ये चार हेड सोच सकते हो. इन्वायरमेंटल प्रिवेंशन कॉस्ट, जिसमें ये सब नाम अच्छे से सीख लो, क्या पता इसी को ही लेके क्वेश्चन बना दे और बोले बस कैटेगराइज करो कौन सा प्रिवेंशन में जाएगा, कौन सा इंटरनल फेलियर में जाएगा, कौन सा फेलियर अप्रेजल में जाएगा, कौन सा एक्सटर्नल फेलियर में जाएगा. तो प्रिवेंशन में क्या आ गया, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, क्रिएटिंग पॉलिसीज, रिसर्च करना, फिजिबिलिटी स्टडीज करना. इन्वायरमेंटल अप्रेजल कॉस्ट में आ गया हर तरह का मॉनिटरिंग और टेस्टिंग और इंस्पेक्शन, रिपोर्टिंग भी, कंप्लायंसेस भी, ऑडिट भी. ठीक है, फिर इंटरनल फेलियर आ गया कि अब वेस्ट आ गए तो उसको रिसाइकल करो या डिस्पोज करो. ठीक है, या फिर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया था, पूरा प्रोजेक्ट खत्म होने जा रहा है तो प्रोजेक्ट को डिसमेंटल करें, डिकमीशन करें कि अब यहाँ पे जैसे कि कुछ भी ना रहे, सब कुछ क्लियर रहे. जैसे आप मान लीजिए एक पूरा फैक्ट्री वैक्ट्री बनाए थे और वो फैक्ट्री का काम आपका 10 साल तक चलना था, 10वां साल अब आ गया है तो फैक्ट्री बंद करना है. अब फैक्ट्री बंद करना है मतलब बस क्या ताला लगा के चले जाएंगे, ऐसा नहीं है. वहाँ पे आपने जो जो बनाई थी सबको तोड़ के वापस जमीन करके जाना पड़ेगा, ऐसा गवर्नमेंट का वहाँ पे रूल है कि आप जब भी यहाँ पे काम छोड़ के जाएंगे यू विल हैव टू डिसमेंटल ईच एंड एवरी थिंग वॉट यू हैव क्रिएटेड एंड देन यू विल गो. सो यू आई नीड माई बैरन लैंड बैक, गवर्नमेंट ने ऐसा बोल दिया, तो डीकमिशनिंग कॉस्ट बोलते हैं उसको. फिर है लास्टली इन्वायरमेंटल एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में इट इज़ अबाउट जैसे कि क्लीनिंग अप कॉन्टेमिनेटेड सॉइल, जो एक्सटर्नल कॉस्ट होते वो आपका कॉस्ट अप बन गया एक्सटर्नल फेलियर. जैसे कॉन्टेमिनेटेड सॉइल, आपने सॉइल कॉन्टेमिनेट किया उसको क्लीन अप करो. रिस्टोरिंग लैंड टू नेचुरल स्टेट, जो लैंड आपने खराब किया उसको वापस नेचुरल स्टेट पे लाओ. जैसे होता है कई बार आपने पेड़ काटे थे तो दूसरे पेड़ लगाओ, ट्री प्लांटेशन करो. ओके, सो ये सब तरीके का कुछ एक्सटर्नल कॉस्ट आपके ऊपर इम्पोज किया जाता है तो वो एक्सटर्नल फेलियर हो गया. सो दीज आर फोर कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. जैसे पहले US एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने बताया कन्वेंशन कॉस्ट, कन्वेंशनल कॉस्ट, हिडन कॉस्ट, कंटिंजेंट कॉस्ट एंड रिलेशनशिप कॉस्ट. फिर यूनाइटेड नेशन डिवीजन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने बताया कि एक है कॉस्ट इनकर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट और एक है कॉस्ट ऑफ वेस्टेड मटीरियल, लेबर एंड कैपिटल. फिर इन प्रैक्टिस इंटरनल एक्सटर्नल है. फिर हैंसन मेंडोजा ने चार क्वालिटी कॉस्ट में बताए. नाउ हम लोग आ रहे टेक्निक्स फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड एलोकेशन ऑफ एनवायरमेंटल कॉस्ट. एनवायरमेंटल कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने का चार तरीका है. एक है इनपुट आउटपुट एनालिसिस. इसमें क्या होता है कि 100 इनपुट डाला, 80 आउटपुट आया, तो वेयर डिड द 20 गो? तो 20 इज वेस्ट. 100 इनपुट, 80 आउटपुट, 20 इज वेस्ट. तो दैट 20 वेस्ट इज एनवायरमेंटल कॉस्ट. Whatever wastage you do is basically an environment cost. Okay, then a flow cost accounting. In flow cost accounting, what we do is we track the flow of material from start to end. The moment the material has come into premises, we see from where it is flowing in our organization, from one department to another department, then maybe somewhere it is being stored, and then maybe in after processing it into finished goods, it is lying at some warehouse until final delivery is made. Wherever the waste is there, you identify it by understanding the entire flow of material cost into your system. So that is flow cost accounting. इसका जो example है वो ये नहीं है, example इसका ये है. ठीक है, ये life cycle costing का example है. Life cycle costing में आप project का पूरा life पहले ascertain करोगे और उस पूरे life cycle में आप cost को visualize करोगे कि project के starting में हमें क्या क्या pollution control equipments लेने पड़ेंगे, तो project के end में क्या हमें रिहैबिलेशन कॉस्ट. रिहैबिलेशन कॉस्ट इज बेसिकली एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, कोई क्लीन अप ऑफ कॉन्टेमिनेटेड सॉइल का कॉस्ट, ऐसा जो जो कॉस्ट हो सकता है वो सब आपको बियर करने पड़ते हैं मे बी प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद.
इन जनरल क्या ना, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग हमें ये सिखाता है कि आप यूजुअली पीरियोडिक कॉस्ट को लेके चलते हो, बट पीरियड खत्म होने के बाद भी कुछ कॉस्ट होता है, मतलब प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद भी कॉस्ट होता है, उसको कौन अकाउंट फॉर करेगा? और प्रोजेक्ट शुरू होने के पहले जो कॉस्ट होता है उसको कौन अकाउंट फॉर करेगा? वो भी तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट से ही उठाया जाना चाहिए। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग बेसिकली आपको इसी चीज को सोचने पे मजबूर करता है कि प्रोडक्ट बनाने के पहले जो कॉस्ट लगा और प्रोडक्ट बंद करने के बाद जो कॉस्ट लगेगा, उस कॉस्ट को भी तो प्रोडक्ट का कॉस्ट ओवर द लाइफ आपको अमोर्टाइज करके चलाना चाहिए। सो प्रोडक्ट को बंद करने के बाद रिहैबिलिटेशन कॉस्ट हो सकता है, तो यू हैव टू कंसिडर दैट। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिसको लेके आपका एग्जाम का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बना हुआ है इस चैप्टर में, जो आपको अपने प्रैक्टिस कर लेने इंस्टीट्यूट मैट से, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के ऊपर, जिसमें आपके ओवरहेड्स जो होंगे उसमें इन्वायरमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगे, तो हर एक एक्टिविटी का अपना कॉस्ट ड्राइवर होगा, और उस ड्राइवर से एक्टिविटी का रेट निकाल लोगे, और फिर उस रेट से आप देखोगे कि किस प्रोडक्ट में कितना ड्राइवर कंज्यूम हो रहा है, रेट इंटू ड्राइवर कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्ट से प्रोडक्ट वाइज वो कॉस्ट एलोकेट हो जाएगा। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या करता है, एलोकेट्स कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर यूजिंग कॉस्ट ड्राइवर्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज दैट गिव राइज टू द कॉस्ट। एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट ड्राइवर कैन बी, जैसे कुछ कॉस्ट ड्राइवर के एग्जाम्पल्स हैं, वॉल्यूम ऑफ एमिशंस और वेस्ट, टॉक्सिसिटी ऑफ वेस्ट, जैसे माने एक प्रोडक्ट बनाने के कारण कितना वॉल्यूम ऑफ वेस्ट जनरेट हुआ, ठीक है, कितना एमिशंस हुआ, उसको क्वांटिफाई करना पड़ेगा। तो द चैलेंज इज अगेन टू मेजर ऑल दिस, ये डिफिकल्टीज है, हाउ विल यू मेजर द वॉल्यूम ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, कैसे पता करोगे कितना एक प्रोडक्ट के कारण एमिशन हो रहा है? तो सब इक्विपमेंट्स आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। जैसे कोई गैस जनरेट होता है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो इन जनरल वो गैस को मेजर करना पड़ेगा आपको कि कितना क्वांटिटी ऑफ गैस इस प्रोडक्ट में एमिट हुआ। जैसे समझिए ना, कोई प्रोडक्ट को बनाने के लिए कोई मेटल को गलाना है, यू हैव टू बर्न समथिंग टू गेट वन प्रोडक्ट। नाउ व्हेन यू आर बर्निंग अ गैस विल बी प्रोड्यूस, तो नॉर्मली व्हाट वी डू इज जस्ट लिव इट ऑन टू लिव इट टू गो इन टू एयर, हम लोग सोचेंगे हवा में जाने दो, बट हवा में जाने दो ये अलाउड नहीं है, आपको ऐसे कोई भी गैस को हवा में एमिट करना अलाउड नहीं है। तो आपको एक ऐसे जगह पर ही उसको बर्न करना है जिससे कि उसका जो गैस होगा वो कहीं एक पर्टिकुलर चिमनी के थ्रू होते हुए जाएगा, और ऊपर में कई सारे वो प्रोसेस से पास होते हुए जाके वो पानी से डिस्चार्ज होगा, वो एयर में आप नहीं डिस्चार्ज कर सकते। तो ऊपर में जो मशीन्स लगे हुए हैं वहाँ पे कुछ गैस के मेजरमेंट इक्विपमेंट्स होंगे जो क्वांटिटी ऑफ गैस एमिटेड को मेजर करेगा, ठीक है। सो ये बहुत बड़ा एक साइंस है, इसमें आपको ये बताना है बस कि आपका हर एक इन्वायरमेंटल एक्टिविटी का एक कॉस्ट ड्राइवर होगा, इन्वायरमेंटल एक्टिविटी होगा और कॉस्ट ड्राइवर होगा, ठीक है, और उस कॉस्ट ड्राइवर को मेजर करना इम्पॉर्टेंट है, उसके बेस पे रेट निकलेगा, रेट के बाद फिर आपको पता करना होगा कि किस प्रोडक्ट में कौन सा कॉस्ट ड्राइवर है, तो उससे आपका कॉस्ट निकलेगा। नेक्स्ट आ रहा है कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल कॉस्ट, इसके ऊपर भी केस स्टडी है, ये चैप्टर ही एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है, इसमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल कॉस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब केस स्टडी लिखने के लिए, कि कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल कॉस्ट बेसिकली हमेशा याद रखो ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है, ठीक है। हर इंडस्ट्री में अलग अलग तरह के इन्वायरमेंटल कॉस्ट होते हैं, बट फिर भी कुछ कॉमन पॉइंट्स हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम अगर कभी भी केस स्टडी में कमेंट करेंगे तो कुछ एरियाज हम हमेशा कैचअप कर सकते हैं, जैसे कि वेस्ट, जैसे कि वी कैन टॉक अबाउट वाटर, यूज ऑफ वाटर इन द इंडस्ट्री। नॉर्मली वी से वाटर का कॉस्ट एवरी कंपनी बियर्स ट्वाइस, वंस एट द टाइम ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड अनदर एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्टेमिनेटेड वाटर। अभी जैसे अपने अपने जिंदगी में ये सब चीज़ बहुत सारा लागू नहीं है, क्यों? क्योंकि अपने को पानी का सुविधा फ्री में मिल जाता है, जैसे कलकत्ता नगरी में तो पानी फ्री में है, बहुत सारे स्टेट में पानी का मीटर लगा हुआ होता है घरों में, और वो मीटर के हिसाब से आपको पीने का पानी मिलता है, मतलब जितना पीने का पानी आप यूज़ करोगे वहाँ पर आपको मीटर उठेगा उसका, और उसका पेमेंट करना पड़ेगा। बट अपने कलकत्ता में ये सुविधा है कि पानी फ्री है, ओके, बिकॉज गंगा मैया है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ रिवर गंगा वी गेट वाटर फॉर फ्री, सो वी डोंट अंडरस्टैंड इट्स वैल्यू, सो वी डिस्चार्ज इट ऑल्सो, वेस्ट वाटर डिस्चार्ज करते वक्त भी हम लोग सोचते नहीं है, बट एक फैक्ट्री के लिए जो रिमोट एरिया पे है, देखो ऐसा जगह पर जहाँ पर दूर दूर तक कोई नदी नहीं है, तो वहाँ पे पानी आएगा कैसे? तो दे बाय वाटर फ्रॉम समवेयर,
or maybe if not buying, they are bringing some river water from somewhere, for instance, and then they are processing it. So there is a cost of procurement of water. Now they are wasting the water and discharging it. Now they cannot discharge the entire water again just outside the factory gate. So they have to discharge it again by some process. So discharge करने का भी जो process है उसमें भी फिर cost लग रहा है. Maybe पानी का cost नहीं है तो पानी लेके आने का cost है, फिर पानी को फेंकने का cost है. तो water का use पे ध्यान देना चाहिए, ऐसे ही electricity energy का use पे ध्यान देना चाहिए, because energy produce करते हैं, thermal power है, hydro power है, environment को impact होता है ना, तो आपको उसका वेस्टेज पे ध्यान देना चाहिए. आपको देखना चाहिए कितना आप रिन्यूएबल एनर्जीज पे काम कर सकते हो, जैसे सोलर पावर पे या फिर विंड पावर पे. न्यूक्लियर पावर अभी तक आया नहीं है, बट अगर आए तो नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल. अगर ट्रांसपोर्ट ट्रैवल आपकी कंपनी में अननेसेसरी ज़्यादा होते हैं, मे बी फॉर सेंडिंग गुड्स टू वेयर हाउस और मे बी ब्रिंगिंग रॉ मटेरियल इन टू प्रेमाइसिस, सो यू हैव टू मिनिमाइज इट. सो इवन इफ से ट्रांसपोर्ट मिनिमाइजेशन मतलब ये नहीं है देखो कि सप्लायर को बोलो डिलीवर कर देगा, तो उससे तो आपके ऊपर कॉस्ट नहीं है, उसके ऊपर तो कॉस्ट आए ना. तो आप फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स यूज़ करिए ना, यूज़ फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स, मतलब ऐसे व्हीकल को यूज़ करिए जो फ्यूल एफिशिएंट हो, जो ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम नहीं कर सकते. यू कैन यूज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आजकल नया ज़माना क्या आ गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करिए, या फिर ऐसे व्हीकल को यूज़ करिए जो पॉल्यूशन कंप्लायंट है. और दूसरा एक और प्रोटेक्शन का तरीका है कि आप हर समय व्हीकल को फुल लोड पे लेके आइए, हाफ लोड पे मत यूज़ करिए. हाफ लोड पे यूज़ करेंगे तो पेट्रोल तो उतना ही जलना है, तो अल्टीमेटली देयर विल बी हायर कॉस्ट. सो यूज़ फुल लोड व्हीकल्स. फुल लोड मतलब फुल्ली लोडेड, मतलब आपका वेस्टेज नहीं होगा ना अगर स्पेस का, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट कम होता है. कंज्यूमेबल्स एंड रॉ मटेरियल्स मतलब टाइप ऑफ कंज्यूमेबल्स दैट यू आर यूजिंग, यू शुड वर्क हाउ दे कैन बी रिसाइकल्ड. फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रिंटर है, उसका कार्ट्रिज है, कब कार्ट्रिज एक आता है रिफिलेबल और एक आता है वन टाइम यूजेबल, तो यू शुड यूज मोर रिफिलेबल कार्ट्रिजेस. तो एक बार खरीद लिया उसको रिफिल कर करके चला रहे हैं, सो दैट सेव्स कॉस्ट. बैटरी अगर आप यूज करते हैं तो बैटरी रिचार्जेबल बैटरीज आते हैं, उसको रिचार्ज कर करके चलाइए, राइट. रिचार्जेबल बैटरीज, रिफिलेबल कंज्यूम कार्ट्रिजेस, दोज आर एग्जाम्पल ऑफ optimized consumables that protect environment. And similarly you should use better quality raw materials that generates lesser pollution. Okay, so ऐसे कुछ areas मैंने आपको बता दिए. अब industry के हिसाब से question में कभी हो सकता है petrol industry का बात कर दे, कभी automobile industry का बात कर दे, तो जिस भी industry के लिए case study में बात करेगा, यू जस्ट रिमेंबर ए बी सी डी ई, ये पांच पॉइंट पे मुझे कुछ ना कुछ खोज खोज के क्वेश्चन से लिखना है. लास्ट नेक्स्ट आ रहा है रीजंस फॉर कंट्रोलिंग द एनवायरमेंट कॉस्ट. व्हाई शुड वी कंट्रोल द एनवायरमेंट कॉस्ट? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आवर द एंटायर सोसाइटी इज बिकमिंग अवेयर अबाउट द इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट. सो दे द एडुकेटेड पार्ट ऑफ द सोसाइटी नेवर एक्सेप्ट्स एनी यू नो इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट डन बाई अ कंपनी. सो दे ऑलवेज ट्राई टू बी लॉयल टू दैट कंपनी which maintains better environment impact. ठीक है, तो जो कंपनी अपने आपको आजकल प्रमोट भी करता है इस तरह से, कंपनी अपना ब्रांडिंग भी करता है, वी आर 100% ग्रीन कंपनीज. ग्रीन कंपनीज क्या हुआ? ग्रीन कंपनीज ऐसा कंपनी हो गया जो अपने यहाँ पर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को मिनिमाइज करके रखा हुआ है, एकदम बेयर मिनिमम लेवल पे, जो गवर्नमेंट का रूल्स है उसके हिसाब से बेयर मिनिमम लेवल पे रखा हुआ है, और इसलिए वो प्राइड यूज कर रहे. तो ग्रीन कंपनीज जैसे आजकल ग्रीन बिल्डिंग हो गए हैं, अब एक नया कॉन्सेप्ट है ग्रीन बॉन्ड. आपको पता है मार्केट में एक नया बॉन्ड है ग्रीन बॉन्ड. ग्रीन बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करते हैं या कुछ गवर्नमेंट बॉडीज इशू करते हैं, जिससे जो भी रुपया जनरेट होगा वो लोग एनवायरमेंट पे काम करने वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे. ठीक है, या फिर ऐसी कंपनी में जिसके यहाँ पे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम है, तो दैट इज ग्रीन बॉन्ड. एनीवेज पीपल अराउंड अस आर बिकमिंग अवेयर. ओके, सो इससे क्या होता है, गुडविल क्रिएट होता है यदि आप एनवायरमेंट पे काम कर रहे हो, और नहीं अगर काम करो तो गुडविल अफेक्ट होता है. Costs are becoming huge and significant. If you don't try to reduce the cost, it will ultimately lead into losses. आप अगर उसको hide करके रखोगे overheads में, तो आप पता चलेगा profit नहीं कमा पा रहे हो, because ultimately those costs are becoming internal costs. And there are nowadays very strict regulations. Okay, कि आप अपने इच्छा से environment पे कुछ भी impact नहीं डाल सकते.
बट इन सब को करने में मेन डिफिकल्टी है हमेशा याद रखना इज इन डिफाइनिंग एंड आइडेंटिफाइंग द कॉस्ट. सो इट इज़ वेरी चैलेंजिंग. इसके ड्राइवर्स को भी खोज पकड़ना बहुत चैलेंजिंग है. ये सबसे बड़ा एक अगेन एक हेडेक है इन्वायरमेंटल कॉस्ट को लेकर, जिसका कोई और तोड़ नहीं है. यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट अगेन टू कंट्रोल द इन्वायरमेंटल कॉस्ट. सो एडवांटेजेस क्या है? इट बिल्ड्स पब्लिक इमेज, इट इम्प्रूव्स रेवेन्यू. हाउ? इफ यू आर एबल टू डू प्रॉपर कॉस्टिंग, इट विल हेल्प यू इन प्रॉपर प्राइजिंग. सो रेवेन्यू विल इम्प्रूव एंड इट विल ऑलवेज रिड्यूस द कॉस्ट बाई प्रोसेस इम्प्रूवमेंट. रिड्यूसेस कॉस्ट मीन्स इट विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर कॉस्ट बाई प्रोसेस इम्प्रूवमेंट. बिकॉज इफ द कॉस्ट आर हायर, यू विल बी थिंकिंग ऑफ हैविंग अ बेटर प्रोसेस, एंड इफ यू आर फाइंडिंग बेटर प्रोसेस द कॉस्ट हैज टू रिड्यूस. सो डिसएडवांटेजेस क्या है? देर आर ह्यूज कॉस्ट ऑफ कंप्लायंसेस एंड प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्स. ओके, हाई फाइन्स इफ देर आर फेलियर टू मेंटेन द एनवायरमेंट, एंड देर इज ऑलवेज अ डिफिकल्टी इन कॉस्ट एलोकेशन. सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ठीक है. ये यहाँ पर आपका रीजन्स फॉर कंट्रोलिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये अलग से इसी के ऊपर क्वेश्चंस आ जाता है. वैसे काफ़ी कनेक्टेड है ये दोनों, बट फिर भी ये इम्पॉर्टेंट है अलग से. कंट्रोलिंग भी इम्पॉर्टेंट है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इम्पॉर्टेंट है. और एक बार ऐसा भी आया कि व्हाट आर द सेवरल टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई द एनवायरमेंटल कॉस्ट, ऐसा क्वेश्चन न्यू सिलेबस में आ चुका है. ओके और अभी वैसे इन्वायरमेंटल कॉस्ट का क्लासिफिकेशन पे आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, जिसमें मैं मानता हूँ ये एक इम्पॉर्टेंट है, अवेटेड है, कभी भी आ सकता है. ओके एंड व्हाट आर द एरियाज ऑफ एप्लीकेशन इम्पॉर्टेंट है. तो ये सब आपको एकदम याद होना चाहिए, तभी आपका काम बनेगा. सीएनबी ऑयल लिमिटेड का एक केस स्टडी है, दीपेश जोशी ने हाईलाइट किया, एकदम सही है. आयुषी अग्रवाल इज सेइंग इन आगरा फैक्ट्रीज डिस्चार्ज वेस्ट इन वाटर. ओके, तो बिकॉज इंडिया है, बहुत तरह से चलता है इंडिया, बट सब हम लोग स्ट्रिक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे. ओके चलिए, गुड, वेरी गुड. सो दिस चैप्टर इज ओवर. इसके कुछ केस स्टडी आपको मिलेंगे, सीएनबी ऑयल वाला और एक केस स्टडी है, दो केस स्टडी है, वो आप देख लीजिएगा इन्वायरमेंट के ऊपर. और आपको कॉस्ट क्वेश्चन में केस स्टडी से अलावा छोटा छोटा क्वेश्चन भी इस चैप्टर से बहुत मिलेगा, जिसमें वो लोग टेक्निक्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आपका रीजंस फॉर कंट्रोलिंग क्या होना चाहिए, या एडवांटेज डिसएडवांटेज भी पूछ रहे हैं, ठीक है. तो ये सब एग्ज़ाम के हिसाब से ही आपको छोटा समराइज बेस्ट नोट्स आपको बताया हुआ हूँ. चलिए, तो एक आयुषी अग्रवाल का क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन ईएमए एंड टीबीएल, ट्रिपल बॉटम लाइन. ट्रिपल बॉटम लाइन और ईएमए क्या है? टीबीएल क्या है? जस्ट एक फ्रेमवर्क है. फ्रेमवर्क मतलब इट इज़ जस्ट अ रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. ट्रिपल बॉटम लाइन इज जस्ट अ रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क विच हाईलाइट्स थ्री पॉइंट्स. वन इज पीपल, अनदर इज प्लैनेट एंड थर्ड इज प्रॉफिट. ठीक है, प्लैनेट यानी एनवायरनमेंट, पीपल यानी सोसाइटी एंड प्रॉफिट यानी कि फाइनेंस, इकोनॉमिक. ठीक है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड एनवायरनमेंट, तीन चीज पे वो रिपोर्टिंग करता है. बस आपको बताता है कंपनी यहाँ पे आके कि मैंने इस तीन पे क्या क्या काम किया. बट ईएमए क्या है? ईएमए एक ऐसा स्टडी है जो फोकस्ड वे में ये प्लैनेट वाला पार्ट पे एनवायरमेंटल कॉस्ट पे काम कर रहा है, जिसमें दो काम है, कॉस्ट आइडेंटिफाई करके एलोकेशन करना प्रोडक्ट में, और दूसरा उस कॉस्ट को रिडक्शन करना. कैसे हम प्रोसेस इम्प्रूवमेंट करें कि ये कॉस्ट रिड्यूस हो पाए. ठीक है, सो दिस इज क्लियर, टीबीएल एंड ईएमए. हाँ, शानदार बैंगल्स का भी एकदम सही आपने बोला. सी, आपको तो क्वेश्चन तक आयत याद है भैया, आप लोग तो महान है, गजब है आप, वेरी गुड, एप्रिशिएबल. कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर स्पेसिफिक सेक्टर. इससे अभी जस्ट एक छोटा सा केस स्टडी आया है लेटेस्ट आरटीपी में, और अभी तक एग्जाम में इतने दिन में कोई भी क्वेश्चन इससे नहीं आया है.
ये कह रहा है कि आप तीन सेक्टर का थोड़ा सा कॉस्ट समझ लो, एक है एग्रीकल्चरल सेक्टर, दूसरा है पावर सेक्टर, तीसरा है आईटी सेक्टर। थोड़ा सा उनके बारे में जान लो कि आप उसकी कॉस्टिंग को अच्छे से समझ पाए, ठीक है। और केस स्टडी में एक एग्रीकल्चरल सेक्टर को लेके थोड़ा सा भी एक जिक्र किया गया आरटीपी में, आप उसको जरूर लेटेस्ट आरटीपी में देख लीजिएगा। ओके, नहीं तो हमारा वो दिव्य जड़ी बूटी बुक में तो आपको सब मिल जाएगा लेटेस्ट। अगर आपके पास लेटेस्ट नहीं है बाई चांस, तो एसजीसी वेबसाइट से, ई लाइब्रेरी से जाके सप्लीमेंट डाउनलोड कर लीजिएगा। नाउ, कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर स्पेसिफिक सेक्टर में पहला है पावर सेक्टर, ठीक है। पावर सेक्टर में कुछ ऐसे रिस्क और वैल्यू चेन के बारे में बात करने लेंगे कि ये पावर सेक्टर बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव होता है। इसका जो रॉ मटेरियल है वो कोल, जिसका सप्लाई पोजीशन हमेशा शॉर्टेज में है, और पावर का जनरेशन जहाँ पे होता है और यूज़ जहाँ पे होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, और देर इज ऑलवेज अ सिग्निफिकेंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। इट इज ड्यू टू, यू नो, इंडियन सिस्टम में क्या होता है ना, हुकिंग हो जाता है। मतलब आप कहीं से पावर सप्लाई कर रहे हैं, नीचे कहीं पार्टी वार्टी होना है किसी गांव में, तो कैसे पावर जनरेट करता है, वो हुकिंग कर देता है, वहां से पावर खींच लेता है, तो दैट इज अ मेजर लॉस आना। इसलिए कई बार आजकल पावर इंडस्ट्रीज क्या करती है पता है, अपना जो पावर का लाइन लेके जाती है बहुत ऊंचा से लेके जाती है कि आप हुकिंग कर नहीं सकें नीचे से, कहाँ जहाँ जहाँ पहले से सेटअप हो गया वो होता है अभी भी हुकिंग। ऊपर से क्या होता है कि जैसे हम लोग जब पावर अपने घर में कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो मीटरिंग जब होता है ना, वो मीटरिंग कभी भी एक्यूरेट नहीं होता। मतलब जितना एक्चुअली हम कंज्यूम करते हैं उतना नहीं दिखाता, वो हमेशा कम ही दिखाता है, ये रूल है। आज तक एक्यूरेट मीटर बना ही नहीं है, इवन अपग्रेडेशन हो रहा है उसमें बट एक्यूरेसी नहीं है। तो जितना आप कंज्यूम करते हो उतना मीटरिंग नहीं होता, तो देर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। ओके, नेक्स्ट कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स ये लोग को क्या यूज़ करना चाहिए, देर शुड डेवलप अ फ्लेक्सिबल कॉस्ट एलोकेशन विच इज नथिंग बट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। दे शुड हैव पावरफुल एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, ओके, कि कहाँ पे कितना कंज्यूम हो रहा है, ये रिपोर्टिंग सिस्टम उनका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। फॉर डिटरमाइनिंग प्राइसेस एंड रेगुलेशन ऑफ टैरिफ्स, फॉर डिटरमाइनिंग प्राइसेस एंड रेगुलेटिंग टैरिफ्स, कि टैरिफ्स और प्राइस एक्चुअली एक ही होता है, बट कई बार पावर इंडस्ट्री में क्या है, सिंस यहाँ पर नीड सभी को है तो रेगुलेटेड रहता है ये, इसके ऊपर अलग से गवर्नमेंट एक्ट बना के रखता है और इनको रेगुलेट करके रखता है, तो इनका टैरिफ यानी रेट्स को रेगुलेट कर दिया जाता है। ओके, तो आप अपनी तरफ से प्राइस डिटरमाइन करते हो और फिर गवर्नमेंट से अप्रूव करा के ही आप उसको चार्ज कर सकते हैं। एंड देन अकाउंटिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लॉस एंड गैप एनालिसिस मीन्स बेसिकली वेयर इज द वेरियंस, वाई देयर इज अ गैप बिटवीन से यूनिट सप्लाइड एंड यूनिट्स मीटर्ड, सो ऑल दोज गैप एनालिसिस हैज़ टू बी रिड्यूस्ड। सो दीज आर द बेसिक एम ऑफ डूइंग कॉस्ट मैनेजमेंट इन पावर इंडस्ट्री। देन वैल्यू चेन एनालिसिस में आपको बस बताया जा रहा है कि कितने सारे एक्टिविटीज से पावर जनरेट किया जाता है। तो फर्स्ट इज पावर जनरेशन, फर्स्ट स्टेप इज पावर जनरेशन, जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट होगा या हाइड्रो पावर प्लांट होगा वहाँ पे पावर जनरेट किया जाएगा। तो कुछ कंपनी ज़्यादा जनरेट करके को जरूरी नहीं है कि सप्लाई करेगी, वो जनरेट करके बेच देती हैं। और कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं जो पावर का ट्रेडिंग करती हैं, मतलब जो जनरेटर्स हैं उनसे खरीद लेती हैं और फिर जो सप्लायर्स हैं उनको बेच देती हैं। देखिए पावर इंडस्ट्री में क्या होता है, जो जनरेट करता है उनको बोलते हैं पावर जनरेटर्स, उनके फैक्ट्री में कोल, वाटर से हाइड्रो पावर, थर्मल पावर जनरेट किया जाता है। नाउ अब वो कंज्यूमर तक पहुंचाना है, तो कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कंज्यूमर तक पहुंचाने का ही काम करती है, वो पावर जनरेट नहीं करती हैं, तो वो पावर को खरीद लेती हैं किनसे, जो जनरेटर्स होती हैं उनसे। और जो जनरेटर होते हैं उनके फिक्स कस्टमर्स होते हैं, फॉर इंस्टेंस एक कंपनी है से एनटीपीसी, ओके, एनटीपीसी करके कंपनी है, उसने पावर जनरेट किया बट इतना जनरेट नहीं किया कि आज उनके कस्टमर्स का डिमांड फुलफिल हो सके। उनके कस्टमर्स कौन है, जो लोग मान लीजिए पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंज्यूमर तक, तो जितना
जनरेट किया उससे डिमांड फुलफिल नहीं हो रहा है, तो वो किसी और पावर कॉरपोरेशन के पास जाएगा और उससे पावर खरीद लेगा और यहाँ पे ट्रेड करके इसको बेच देगा। तो सप्लाई करने का ऐसा तरीका होता है। तो बेसिकली उनका कोई नेटवर्क होगा जहाँ से वो पावर यहाँ से यहाँ आके वहाँ चला जाएगा। तो सोचिए उसका भी मेजरमेंट हो रहा है कि कितना इलेक्ट्रिसिटी, कितना वाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेगावाट की किलोवाट यहाँ से यहाँ बेचा जा रहा है। ओके, सो अगेन देर आर सम कंपनीज जिनका काम क्या है पता है, वो लोग पावर को ट्रांसमिट करने के लिए ग्रिड बनाते हैं। ग्रिड ग्रिड इज बेसिकली अ पावरफुल नेटवर्क वेयर बाई यू नो द जनरेटर्स सप्लाई द पावर एंड ग्रिड कैन टैकल जनरेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस, देन इट मैनेजेस इट इन सच अ वे दैट इट कैन सप्लाई टू सेवरल एरियाज फ्रॉम इट्स ग्रिड। ग्रिड इज लाइक एक पूरा जाली है, ऐसा सोचो जाली जिसमें डिफरेंट सोर्सेस से पावर आ रहा है और डिफरेंट सोर्स डेस्टिनेशंस पे पावर सप्लाई हो रहा है। सो ये ग्रिड का जो कॉन्सेप्ट है ये पावर को मैनेज करने में बहुत हेल्प करता है। तो देयर आर सम कंपनीज विच ओनली मैनेजेस दिस ग्रिड, दे अलाउ यू टू यूज देयर ग्रिड एट सम कॉस्ट और दे मे बाय ऑल्सो पावर एंड दे मे सेल ऑल्सो पावर, मतलब दे आर इंटरमीडियरीज इन द वैल्यू चेन वेयर बाई दे विल बी बाइंग पावर फ्रॉम जनरेटर्स एंड दे विल बी सेलिंग पावर टू डिस्ट्रीब्यूटर्स। ओके, सो क्या क्या हो रहा है देखो ना, जनरेशन ट्रेडिंग हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है। तो कंपनी ट्रांसमिशन वाली अलग होती है, जैसे ट्रांसमिशन कंपनी ग्रिड मेंटेन कर सकती है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड मीटरिंग हो रहा है जो मेन मान लीजिए ऑफिस में घर में लाइन सप्लाई कर रहा है। फिर कुछ कंपनियाँ होती हैं जो पावर को स्टोर करती हैं जिससे कि कभी ज़रूरत पड़ने पर हम लोग इमरजेंसी में यूज़ कर सकें। हालांकि स्टोरेज वगैरह का जो फैसिलिटी है ये हर एक सिटीज़न को नहीं दिया जाता, जो मान लीजिए ऐसे एरियाज़ में होते हैं जो मान लीजिए ऑफिसेज या फिर फैक्ट्रीज़ जहां पर पावर को एक मिनट भी बंद नहीं किया जा सकता, वहाँ पे वो प्रीमियम सर्विस के लिए स्टोरेज वाला चीज़ है। अब जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री जी का ऑफिस है, वहाँ पे पावर चला जाएगा तो कैसे चलेगा? तो उनके लिए क्या तो ऑप्शन हो सकता है कि आप अपने वहाँ पे जनरेटर रखो, ये एक ऑप्शन है। और दूसरा कुछ ऑप्शन ऐसा होता है कि पावर सप्लायर्स जो हैं वो लोग मान लीजिए एक ऐसे यूनिट को सप्लाई कर देते हैं जिनका काम है पावर को स्टोर करना और स्टोर्ड पावर को ज़रूरत पड़ने पर अलग अलग वो कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं सबके साथ, जब जरूरत पड़ेगा तो स्टोर्ड पावर से दे दिया जाएगा। स्टोर्ड पावर इज लाइक यूजिंग बैटरीज टू स्टोर द पावर एंड देन सप्लाइंग थ्रू स्टोर्ड पावर। सो देन स्टोरेज यूनिट्स भी कुछ होते हैं, हालांकि ये बहुत ही नेग्लिजिबल है, इसमें बहुत ज़्यादा लोग काम नहीं करते हैं। फिर कस्टमर है एंड देन अल्टीमेटली लास्ट में वैल्यू चेन में मार्केटिंग सेल्स एंड सर्विस वाले हैं जो लोग प्रमोट करते हैं कि आप पावर हमसे ले लीजिए। हालांकि गवर्नमेंट हमारा इंडिया का ऐसा नहीं है कि हर किसी से आप पावर लेके ले चला सकते हैं, आपको अप्रूव्ड अथॉरिटी से ही पावर लेना पड़ता है। ओके, बट वो लोग भी अपना मार्केटिंग करते हैं, वो लोग फिर सर्विस देते हैं आफ्टर सेल सर्विस, जैसे कि यदि आपके यहाँ पे कोई फॉल्ट हो जाए तो वो आके रिपेयर करते हैं ना। तो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ वैल्यू चेन एंड दैट सर्विस कैन बी लुक्ड आफ्टर बाई सम अदर एंटिटी ऑल्सो, नॉट नेसेसरली दैट सर्विस हैज़ टू बी डन बाई द डिस्ट्रीब्यूटिंग यूनिट। सो जैसे अपने कैलकटा में CESC है, कैलकटा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉरपोरेशन, तो जब CESC बना मान लीजिए वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंडर में बना क्योंकि उसको रेगुलेट करना था, तो गवर्नमेंट ने उसको मोनोपोली पावर दिया कि चलो तुम पूरा कैलकटा में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करो। ओके, तो वो सब पहले डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से बनाया था अपना पूरा सेटअप को। वो क्या करते थे, वो अलग अलग पावर जनरेशन प्लांट वालों से पावर खरीदते थे और फिर खाली डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अपना बना के चला रहे थे। धीरे धीरे सब जगह डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अब मार्जिन अननेसेसरी तो बढ़ा नहीं सकते, प्राइस इंक्रीजिंग द प्राइस बिकॉज रेगुलेटेड है, तो क्या करें, अब वो लोग करने लगे बैकवर्ड इंटीग्रेशन, यानी कि अब पावर प्लांट खुद का बैठा लो। तो अब पावर प्लांट वो लोग खुद का बैठाने लगे, वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी उनकी बढ़ने लगी। तो नाउ दे आर डूइंग ओन जनरेशन एंड दे आर ऑल्सो ट्रेडिंग्स, इट्स नॉट नेसेसरी दैट दे कैन मीट द डिमांड ऑफ देयर कस्टमर्स, कस्टमर्स डिमांड इज ग्रोइंग नाउ इट इज
एंड दे आर नॉट एबल टू मीट दैट डिमांड फ्रॉम जनरेशन ओन जनरेशन. सो दे आर ट्रेडिंग ऑल्सो, दे आर जनरेटिंग ऑल्सो, एंड देन दे आर टेकिंग केयर ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू ग्रिड्स, देन दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग. सो इफ यू गेट एनी चांस इन फ्यूचर टू डू ऑडिट ऑफ एनी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर वट आई एम एक्चुअली एक्सप्लेनिंग. सो वैल्यू चेन जस्ट नॉलेज के लिए, जिससे कि आप इजिली उसका कॉस्टिंग कर सके. कॉस्टिंग में फ्लेक्सिबल कॉस्ट एलोकेशन फॉलो करना है, ओके, एंड आपका रिपोर्टिंग वगैरह बहुत पावरफुल होना चाहिए. नेक्स्ट आ रहा है एग्रीकल्चरल सेक्टर. एग्रीकल्चरल सेक्टर में देखिए, इसमें फीचर क्या है, सबसे पहला कि ये फ्रैगमेंटेड है, मतलब यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं है. लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्ट, कोई भी किसान बेचारा समझता ही नहीं कि कॉस्ट क्या होगा, मेरा प्राइस कैसे निकालूँ, उसको खुद का कॉस्ट प्राइस आता ही नहीं करना, ओके. अंडरस्टैंडिंग द पोटेंशियल टू वर्क कोलैबोरेटिवली, मतलब देर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल इफ सेवरल फार्मर्स कोलैबोरेट एंड स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, देर विल बी ड्रामेटिक रिजल्ट्स, बट दैट डजेंट हैपन. सो टारगेट कॉस्ट मैनेजमेंट मीन्स इफ से दे प्लान समथिंग दैट आई विल बी प्रोड्यूसिंग दिस मच क्रॉप्स एट दिस कॉस्ट, दे आर यूजअली अनेबल टू डू दैट. दे आर नॉट एबल टू डू टारगेट कॉस्ट मैनेजमेंट यूजअली, बट दैट इज द नीड देयर. इम्बैलेंस ऑफ बार्गेनिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स वॉट हैपन्स इज द फार्मर हु हैज प्रोड्यूस द क्रॉप, दे आर अनेबल टू बार्गेन फॉर देयर डिजायर्ड प्राइस ऑल्सो. सो द पीपल टू हुम दे सेल, यूजअली दे बार्गेन अ प्राइस, बिकॉज फार्मर क्या सोचता है ना, प्रोड्यूस हो गया, अब वो सोचता है मैं तो लोन लेके जैसे तैसे इतना प्रोड्यूस किया, अब कोई चीज़ का प्रोड्यूस हो गया तो वो इतना वॉल्यूम में बनाया है कि उसको बेचने जा रहा है, बेचने जा रहा है तो जो मार्केट है वहाँ पर ऐसे ऐसे करप्टेड लोग बैठे हुए हैं जो देख रहे हैं कि ये फार्मर आया है, वो अब इतना सारा लेके आया है, उसके पास तो ऑप्शन नहीं है, कहीं रखने का जगह नहीं, वो सब खराब हो जाएगा. फार्मर का सारा प्रोडक्ट्स यूजुअली सब पेरिशेबल है, तो अब वो खराब हो जाएगा, वो रखने का उसके पास स्कोप नहीं है, स्पेस नहीं है, तो उसको मजबूरन बेचना ही पड़ेगा. और मार्केट में हम लोग आपस में ऐसा लॉबी कर लेते हैं, ये सारे बायर्स जो बेसिकली एक होलसेल मर्चेंट्स होते हैं, वो ऐसे लॉबी बना लेते हैं कि वो लोग एक रेट अपने मन से डिसाइड कर लेते हैं और फिर सब फार्मर को प्रेशराइज करते हैं कि आप इसी रेट पे बेचो और कोई खरीदेगा भी नहीं. तो फार्मर्स बेचारा कॉस्ट अपना ठीक से समझता नहीं, वो लोन भी भरपाई नहीं कर पाता और जो प्राइस वहाँ पे फिर मिलता है वही लेना पड़ता है. तो दैट इज क्लियर इम्बैलेंस ऑफ बार्गेनिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ओके. सो इसके लिए यू नो गवर्नमेंट ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया, हमारा मोदी गवर्नमेंट ने, मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP का कॉन्सेप्ट, जिसमें फार्मर्स को जागरूक किया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है कि व्हेन यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट्स इनटू द मार्केट, डोंट सेल इट बिलो मिनिमम सपोर्ट प्राइस. द मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, उससे नीचे मत जाओ. तो वो गांव-गांव जाकर इसको किसानों तक पहुंचा रहे हैं, रेडियो से, आकाशवाणी से, सब जगह बताया जा रहा है कि आपका ये प्रोडक्ट का ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है. और मैंडेट बना दिया है, इवन जहां जहां पे सेल होता है वहां पे गवर्नमेंट का भी कोई ना कोई डिपार्टमेंट होगा, जगह होगा जहां पे ये सब इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगा, ओके. तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज बेसिकली टू रिड्यूस दिस इम्बैलेंस ऑफ बार्गेनिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन, बट द मेन प्रॉब्लम हियर इज फ्रैगमेंटेड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट इज द मेन प्रॉब्लम. ओके, हियर व्हाट, व्हेनेवर यू विल डू कॉस्ट मैनेजमेंट यू शुड यूज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. जितने एक्टिविटीज एक फार्मिंग के काम में होते हैं वो हर एक एक्टिविटी का वॉल्यूम वाइज आपको कॉस्ट पता करके ABC यूज करना है. वैल्यू चेन क्या है इनका, मतलब क्या इनका सीरीज ऑफ एक्टिविटी है कि पहले ग्रोइंग करते हैं, फिर प्रोसेसिंग करते हैं, उसका कटिंग वटिंग के बाद भी वो लोग थोड़ा बहुत प्रोसेस कर देते हैं, उसके बाद मार्केटिंग होता है. मेनी टाइम्स ऐसा भी होता है कि ग्रोइंग, खाली एक फार्मर एक ऐसा है जो सिर्फ ग्रोइंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, कोई फार्मर ऐसा हो सकता है जो ग्रोइंग प्रोसेसिंग दोनों करता है, कोई ऐसे हैं जो सिर्फ प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है, ऐसा भी है. ये एक तरह से इंडस्ट्री वैल्यू चेन है, ठीक है, ये एक फार्मर का अपना वैल्यू चेन नहीं है, ग्रोइंग के अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज़ है. सो दिस इज काइंड ऑफ इंडस्ट्री वैल्यू चेन फॉर फार्मर्स. देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, विच इज एन अग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड फार्मर्स बेस्ड ऑन विच, दिस विल बी बेस्ड ऑन विच एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बींग कैरिड आउट. इट ऑल्सो स्टिप्युलेट्स द क्वालिटी रिक्वायर्ड एंड द प्राइस एट विच द फार्मर्स अग्री टू डिलीवर एट अ फ्यूचर डेट. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं एक ऑयल, एडिबल ऑयल बनाने वाला कंपनी हूँ, एडिबल ऑयल बनाता हूँ, ठीक है,
तो ये एडिबल ऑयल के लिए रॉ मटेरियल है मेरा, कुछ मान लीजिए प्लांट्स का सीड्स मेरे लिए रॉ लीव्स या सीड्स समझ लीजिए मेरे लिए एक रॉ मटेरियल है. नाउ फ्रॉम वेयर दोज विल कम, आई हैव टू इधर ग्रो माई सेल्फ और आई हैव टू बाई फ्रॉम फार्मर्स. सो वेन एवर आई गो टू मार्केट फार्मर्स गिव मी डिफरेंट रेट. इफ आई कीप बाइंग फ्रॉम देम वॉट हैपन्स इज फार्मर्स कीप मी ऑफरिंग डिफरेंट रेट्स. सो इफ दे गिव मी डिफरेंट रेट्स फॉर माई रॉ मटेरियल माई इंटायर प्राइजिंग ऑफ एडिबल ऑयल विल गेट डिस्टर्ब. सो टू हैव सम कंसिस्टेंसी वॉट आई डू इज आई इधर बाय माई ओन एग्रीकल्चरल लैंड, आई हायर फार्मर्स एट सम सैलरी एंड आई गेट द ग्रोइंग डन. तो दैट इज ऑप्शन वन. और अनदर ऑप्शन इज आप अपने कुछ फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, उनसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराओ, वेयर बाई यू विल बी इम्पोजिंग सर्टेन क्वालिटी रिक्वायरमेंट कि मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो ऐसा होना चाहिए, तो मैं आपको ये प्राइस दूंगा और आपका जितना क्रॉप्स होगा सब मेरे को ही बेचना है और किसी को जाके नहीं बेचना है. सो दैट इज काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जहाँ पे बल्क बाइंग होगा आपके बिजनेस के लिए आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में काम करा सकते हो. ठीक है, तो आपको कुछ भी जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में लिखने का केस स्टडी, अभी एक जो आया ना मैं बोला ना केस स्टडी आरटीपी में, वो एग्रीकल्चरल सेक्टर पे आया, तो ये जितने मैंने ABCDE पॉइंट्स लिखे ना यही सारा को केस स्टडी में घुसा देना है कि एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री का ये सब समस्या है यहाँ पे, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस है यहाँ पे, कॉस्ट के लिए ABC यूज़ करना चाहिए, इनका वैल्यू चेन में ये स्टेप्स होता है, इवन अ कंपनी कैन गो फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और इवन द फार्मर्स के लिए लिख रहे हो तो फार्मर्स कैन ट्राई टू एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अग्रीमेंट्स, जिससे उनका सेल प्राइस सर्टेन हो जाता है और उनको एक कमिटमेंट के हिसाब से क्वांटिटी और क्वालिटी डिलीवर करना पड़ता है. लास्टली इट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर. हालांकि ये ठीक से इंस्टीट्यूट ने अपने सिलेबस में अभी तक डाला नहीं है IT सेक्टर को. IT सेक्टर देखने से लग रहा है कि अच्छा वाह IT सेक्टर का भी कॉस्टिंग सीखने को मिलेगा, ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे. यहाँ पे बोल रहा है कि अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नीड है, तो वो अपने लिए IT डिपार्टमेंट खुद से बनाएगा, इंटरनल बनाएगा, कि IT का जॉब्स को वो आउटसोर्स करेगा. मेक और बाय वाला कॉन्सेप्ट है कि वेदर वी शुड आउटसोर्स IT सॉल्यूशंस और वी शुड डू ऑल इंटरनली. सो उसको समझने के लिए देर इज अ मॉडल कॉल्ड एज 4D कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन फ्रेमवर्क, जिसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन का विजन डी फॉर डिफाइन करना है, फिर डॉक्यूमेंट करना है कि आपका करेंट में IT में प्रॉब्लम्स क्या है, या आपके पास सेटअप क्या है, आपका नीड क्या है, देन डिलिनिएशन ऑफ टारगेट बिजनेस आर्किटेक्चर, यानी कि आप सोचेंगे कि आप नया जो बिजनेस का टारगेट बिजनेस आर्किटेक्चर का मतलब हो रहा है कि यू विल थिंक व्हाट न्यू यू वांट. जैसे दिस इज करेंट, दिस इज न्यू, दिस इज न्यू, फ्यूचर में आपको क्या चाहिए, ये अभी क्या है और क्या चाहिए. डिलिनिएशन ऑफ टारगेट बिजनेस आर्किटेक्चर मीन्स यू हैव टू राइट डाउन एंड अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली यू रिक्वायर. ओके, एंड अल्टीमेटली यू हैव टू डिसाइड वेदर यू शुड बिल्ड वर्सेस बाय. दैट मीन्स यू हैव बिल्ड मतलब ओन IT डिपार्टमेंट, एंड बाय मीन्स आउटसोर्स्ड, आप आउटसोर्स कर दो, किस अपने ऊपर मत हेडेक लो, बिकॉज IT डिपार्टमेंट हमेशा कॉस्ट सेंटर है. तो यहाँ पे यदि आप अपना डिपार्टमेंट बैठा दोगे तो आपको देखना होगा कि हाउ डज ओन IT डिपार्टमेंट हेल्प्स यू टू अचीव योर विजन. इफ योर विजन इज IT ओरिएंटेड, ओके, यू वॉन्ट टू ग्रो इन टू IT सम बिग शॉट, देन यू शुड डू समथिंग ऑफ योर ओन. ओके, इफ यू डोंट हैव अ विजन इन टू IT वर्ल्ड, देन वाई शुड यू हैव ओन, बिकॉज वंस यू डू द इन्वेस्टमेंट यू कैन नॉट एक्चुअली रिकवर इट टू द एक्सटेंट ऑफ 100%, इवन टू द 100% रिटर्न का बात तो छोड़ दो, तो वो संक हो जाएगा, वो रुपया लग ही जाएगा. तो इट्स बेटर दैट यू डिपेंड ऑन आउटसोर्स थिंग इफ यू डोंट हैव अ लॉन्ग टर्म विजन विद IT. अगर आपका टेम्प्ररी नीड है, साल का 15 दिन का नीड है, एक महीने का नीड है, तो आउटसोर्स कराओ. बट अगर रेगुलर नीड है, बहुत एक्सटेंसिव नीड है, तो फिर आपको ओन में जाना चाहिए. सो डिफाइन करो ऑर्गेनाइजेशन विजन मीन्स इट डू हाउ डू यू वांट टू ग्रो इन फ्यूचर. डॉक्यूमेंटेशन ऑफ करेंट स्टेट मीन्स व्हाट इज द करेंट IT इंफ्रास्ट्रक्चर यू आर हैविंग. डिलिनेशन ऑफ टारगेट बिजनेस आर्किटेक्चर मीन्स व्हाट न्यू बिजनेस यू आर प्लानिंग टू डू
एंड वॉट न्यू आईटी फीचर्स यू वॉन्ट और आईटी सपोर्ट सिस्टम यू वॉन्ट. ओके, न्यू आईटी सपोर्ट सिस्टम आपको क्या क्या चाहिए वो आपको नोट करना पड़ेगा एंड फिर डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे खुद का करना है कि बाहर से करवाना है. ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ भी अभी तक एग्जाम में आया नहीं है. जस्ट वन केस स्टडी एग्जिस्ट एज ऑफ नाउ ऑन दिस एग्रीकल्चरल सेक्टर. डोंट गो इनटू टू मच इम्फेसिस, जस्ट वन रीडिंग इज इनफ. एक बार बस एग्जाम के पहले एक मिनट दो मिनट देकर फटाफट नजर दौड़ा के निकल जाना, इस पर ज्यादा समय मत देना. ठीक है, गेन शेयरिंग अरेंजमेंट में आ जाओ फ्रेंड्स. इसके ऊपर क्वेश्चंस आना शुरू हो गया है. ठीक है, एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है आपके इंस्टीट्यूट मटेरियल में इसके ऊपर, बट इसके ऊपर क्वेश्चंस आना शुरू हो गया. एक नया कॉन्सेप्ट है जो पहले पुराने सिलेबस में एग्जिस्ट नहीं करता था. ओके, अभी आप कह सकते हैं कि करंट लास्ट एग्जाम में ही इसके ऊपर क्वेश्चन आया, लास्ट एग्जाम नवंबर 19 में ही इसके ऊपर क्वेश्चंस आए. तो एक बार सुन लोगे तो आप उसको आराम से लिख लोगे. गेन शेयरिंग अरेंजमेंट एक गजब का अरेंजमेंट है जिसमें वी आर डूइंग एन अरेंजमेंट विथ आवर सप्लायर, एन अग्रीमेंट विथ आवर सप्लायर दैट यू गिव मी सच क्वालिटी ऑफ रॉ मटीरियल्स और यू गिव मी सच काइंड ऑफ आइडियाज विच आई फॉलो बाई यूजिंग योर रॉ मटीरियल, देन वट एवर सेविंग्स आई विल जनरेट बिकॉज ऑफ योर क्वालिटी ऑफ वर्किंग और बिकॉज ऑफ योर आइडियाज, वट एवर गेन आई विल जनरेट दैट वी विल शेयर. ठीक है, हम लोग साथ में वो गेन को शेयर करेंगे. दैट इज गेन शेयरिंग अरेंजमेंट. द बेनिफिट्स दैट विल कम बाय यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स और आइडियाज ऑफ आवर सप्लायर्स, दोज गेन वुड बी शेयर्ड टुगेदर. नाउ इन दिस केस देयर कैन बी डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग द अरेंजमेंट. वन, आई पे फॉर रॉ मटेरियल फुल्ली एंड आई एम जस्ट आस्किंग हिम और हिज टीम टू गेट इन्वॉल्व विद अस टू गिव अस आइडियाज. So that team is not supposed to charge me any initial amount. It will be like sharing an equity relationship. Equity means malikana share karna. To unka jo team aake mere saath idea sharing karega ya mere yahan pe optimization karega, usko main initial cost kuch nahi dunga. Main jo gain karunga wahi share karunga. Correct? Gain sharing. Gain sharing is, in reality, you can do any kind of arrangement. It's not that you have to do this only. You can do any kind of arrangement. If say सामने वाला बोलता है नहीं मेरे को minimum initial amount चाहिए तभी हम काम करेंगे, if they don't have trust on you, then that is different issue. But ideally it is supposed to be कि supplier is taking a risk that he is not charging any initial amount. He will be taking amount from you based on the gain. ठीक है, इट्स लाइक हैविंग अ पार्टनरशिप विथ योर सप्लायर. गेन शेयरिंग अरेंजमेंट हम लोग इसको बुलाते हैं. आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं, कंपनी है आरला, यूके में डेयरी प्रोडक्ट्स बनाता है, डेयरी फार्मिंग में, डेयरी में. ठीक है, इसमें बीसीजी के साथ टाई अप किया. बीसीजी का नाम सुने आप, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप. बीसीजी के साथ टाई अप किया कि आप मेरा कॉस्ट रिडक्शन करवा दो. तो बीसीजी क्या है आरला के लिए, एक सप्लायर है, कंसल्टेंट है, तो एक तरह का सप्लायर ही हुआ ना. इट इज अ कंसल्टेंट, तो इट इज अ काइंड ऑफ सप्लायर, करेक्ट. तो बीसीजी के साथ उन्होंने टाई अप किया, ओके, कि आप मेरे यहां पे प्लीज कॉस्ट रिडक्शन करवा दो. तो बीसीजी को फीस लेना चाहिए,
आइडियली बीसीजी शुड चार्ज सम फीस जो कंसल्टेंसी देगा. तो बीसीजी बोला आई विल नॉट चार्ज यू एनी इनिशियल अमाउंट, आई विल टेक माय शेयर फ्रॉम द सेविंग्स दैट आई विल जेनरेट इन योर कंपनी. बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है कि बीसीजी जैसा कंपनी हमारे साथ जुड़ेगा और हमारे से कुछ भी चार्ज नहीं करेगा, बट जितना सेविंग्स कराएगा तो ही वो कुछ लेगा. तो बीसीजी यहाँ पे 3 से 4 साल इनके साथ काम किया और इनके यहाँ पे एक टारगेट लेके चला था 400 मिलियन यूरोस का सेविंग कराएंगे, 400 मिलियन, ठीक है. और आके क्या किया सिर्फ पता है, इनका जितना कैपेसिटी कॉस्ट है, कैपेसिटी कॉस्ट, कुछ कंपनियां ओवरहेड कॉस्ट को कैपेसिटी कॉस्ट बुलाती हैं, कैपेसिटी कॉस्ट के ऊपर माथा लगाना शुरू किया और बेसिक बेसिक चीज़ों पे काम किया. जैसे कि आप लोग अपना जो बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ट्रैवल प्लान को प्री प्लान करिए, लास्ट मोमेंट पे एक दिन पहले ट्रैवल प्लान मत करिए, जिससे टिकट कॉस्ट में सेविंग्स होगा. थोड़ा सा जॉब को कट किया, थोड़ा सा कुछ अनप्रॉफिटेबल एरियाज को बंद करवा दिया, क्लोजर्स करवा दिया. तो ये सब छोटा छोटा वो सजेशंस देकर और किया क्या पता है, बहुत बड़ा बड़ा अपना टेम्पलेट्स लेके आता था, उसमें डेटा डालते रहता था और उससे एनालिसिस कर रहा था और जो सेविंग्स लाया वो सेविंग्स में हिस्सा ले गया. मतलब दे में चार्ज अप टू 50% ऑफ द सेविंग्स. तो मतलब 3 साल में 200 मिलियन यूरो कमा लिया, 400 मिलियन का वहाँ सेविंग कराया और 200 मिलियन अपने ले गया. तो कंपनी को क्या कि चल 200 मिलियन तो बचा और इनको तो कुछ फीस दिया नहीं हमने. सो गेन शेयरिंग अरेंजमेंट इज लाइक दैट, वेयर बाई वी विल बी हैविंग एन अरेंजमेंट विद आवर सप्लायर वेयर दे विल नॉट आस्क अस फॉर एनी इनिशियल मनी, दे विल बी गिविंग देयर रिसोर्सेज एंड वेन एवर वी विल जनरेट एनी गेन बिकॉज ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट वी विल बी शेयरिंग द गेन. अब गेन शेयरिंग का अलग अलग रूल हो सकता है कि पहला ईयर का सारा गेन्स शेयरिंग में 100% सप्लायर का, सेकेंड ईयर में 70% सप्लायर का, 30% हमारा, थर्ड ईयर में 50-50, फोर्थ ईयर में सप्लायर का कुछ नहीं सब हमारा. अलग अलग बना लीजिए ना, कैसा भी बना सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि यही बनाना है. हो सकता है एक ही सिंपल बने, जो आया आधा आधा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है. तो गेन शेयरिंग अरेंजमेंट में एक समस्या है कि सबसे पहले आप जब ये भी इम्प्लीमेंट करो तो आपको क्या गेन चाहिए और किस चीज़ पे आप काम करने का मेरे को अधिकार दोगे मैं यदि आपका सप्लायर हूँ, और आपको जो सेविंग्स आएगा वो मेरे साथ आप शेयर कैसे करोगे और वो सेविंग्स को मेजर कैसे करोगे. ये सारा चीज़ को खुला रखना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट रखना पड़ेगा. दैट मीन्स टू इन ऑर्डर टू मेक इट सक्सेसफुल वी हैव टू हैव ट्रांसपेरेंसी, वी हैव टू डिफाइन थिंग्स क्लियरली, वी हैव टू हैव सिस्टम ऑफ मेजरमेंट विच इज़ वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट ऑल्सो. ओके आइए पढ़ लेते हैं. गेन शेयरिंग अरेंजमेंट इज एन अग्रीमेंट वेयर बाई एनी बेनिफिट अर्नड ड्यूरिंग एन एग्जीक्यूशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विल बी शेयर्ड बाई बोथ द पार्टीज. एनी बेनिफिट अर्नड ड्यूरिंग एन एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी शेयर्ड बाई बोथ द पार्टीज. Example 1, supplier agrees to receive his payment only if the customer is benefited. Example 2, cost saving generated in a year will be shared between supplier and customer in the ratio 40 and 60. Customer 60 रख लेगा, supplier 40% ले जाएगा. एक बार क्या हुआ, एक student था हमारे साथ, okay? तो ऑफ वो student ने कहा कि सर आपसे पढ़ेंगे तो हम भी CA बन जाएंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, तो आप फीस प्लीज मत लीजिए. मतलब फीस क्यों ना ले, आपसे पढ़ेंगे सर CA बन जाएंगे तो आपको तो अच्छा लगेगा ना, मतलब आप प्लीज मेरे से फीस मत लीजिए. मैं बोला अरे फीस क्यों ना लूँ, आप CA बन जाएंगे तो सर मैं CA बन जाऊंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए प्लीज आप फीस मत लीजिए. बोला वाह भैया गजब, तुम अरेंजमेंट करना चाह रहे हैं, मैं अगर फीस ना लूँ और बोल रहे अब मैं CA बन जाऊँ तो आपको अच्छा लगेगा इसलिए अच्छा लगने के लिए आप फीस मत लीजिए. मैं बोला ऐसे नहीं होता गेन शेयरिंग अरेंजमेंट. गेन शेयरिंग अरेंजमेंट ऐसे होता है कि मेरा फीस है या तो 15,000 मुझे अभी दे दो, दूसरा उपाय है कि चलो मैं तुम्हारे साथ मेहनत करूंगा, तुमको CA बनाऊंगा और CA बनेगा तो पहला सैलरी मेरा, ठीक है.
सीए बनेगा तो जो पहला सैलरी लगा वो मेरा, वो सैलरी अगर 50,000 रुपये तो 50,000 मेरा, 1 लाख रुपये तो 1 लाख मेरा, डन। बोलता है नहीं सर, मैं आपका फीस दे दूंगा। मैं क्यों 1 लाख का सौदा करूँ आपके साथ, मैं आपको 15,000 दे दूंगा। तो ऐसे भी होते हैं बच्चे, ठीक है। रीजंस ऑफ फेलियर, रीजंस ऑफ फेलियर क्या हो सकता है? ये गेन शेयरिंग अरेंजमेंट ठीक से अग्रीमेंट नहीं बनाया, एरर किया इम्प्लीमेंट में, और रिलेशनशिप नहीं बैठा आउटसोर्स सप्लायर एंड एंटिटी में। प्रिकॉशन टू बी टेकन, बी वेरी स्पेसिफिक एज टू वेयर यू वॉन्ट द सेविंग्स, वॉट विल बी द वे ऑफ कैलकुलेटिंग द सेविंग्स, वेयर यू वॉन्ट देम टू वर्क, डिफाइन गेन शेयरिंग, एफर्ट फ्रॉम एंटिटी। ऐसा नहीं कि वही आके करे, आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो सप्लायर के साथ, आपको भी अपने यहाँ से एफर्ट लगाना है। इनफैक्ट हम लोग बोलते हैं कि आपको एक सेपरेट टीम देना चाहिए वो सप्लायर के साथ मिल के जो काम करेगा। कॉस्ट सेविंग्स इज नॉट जस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सप्लायर्स, एंड देर शुड बी अ टीम टू जनरेट एंड एग्जीक्यूट इनोवेटिव आइडियाज़। यू जस्ट नॉट यू शुड नॉट लीव एवरी थिंग टू सप्लायर। इफ यू डोंट कोलेबोरेट विद देम, द पर्पज ऑफ द अग्रीमेंट विल नॉट बी अचीव्ड, ठीक है। तो ये दो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, रीजन्स ऑफ फेलियर और प्रिकॉशंस टू बी टेकन, जिसको मैंने पॉइंट वाइज हाईलाइट कर दिया है। ओके, कि आपका क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। ओके, फिर आपको साथ में मिलके करना है। ओके, एंड टीम रख रही है जिससे कि और फोकस्ड वे में काम हो सके। फेल कब हो जाएगा? जब आपका रिलेशनशिप बेटर हो रहा है, स्ट्रक्चर्ड अग्रीमेंट नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो आप, एरर इन इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त कुछ गलतियां हो रही है। ओके, सो ये है गेन शेयरिंग अरेंजमेंट एंड दिस इज ओवर। ओके।